नमस्ते जी नमस्ते क्या हालचाल हैं आपके सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं आप बताइएगा हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं प्रेम से बोलेंगे राधे राधे चले भूरा चलो जी तो जो मैंने आपके लिए सिक्सटी क्वेश्चन तैयार किए हैं एग्जम्शन वाले जिनको करने के बाद एग्जामेशन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं तो उनका हम ये पार्ट टू रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज इनको हम कंप्लीट कर देंगे चार घंटे का वीडियो मैंने दो दिन पहले यूट्यूब लाइव लिया था अब आगे की बात करते हैं जिसमें तीस क्वेश्चन हो गए थे बाकी तीस हम आज करने वाले हैं तो मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं जिसमें हैं विनीश हैं, अतुल हैं अश्वनी हैं, अनुराग हैं चिराग हैं प्रांशु हैं असद हैं जी साहब बता देंगे साहब आपको ठीक है जतिन हैं सोनाली हैं सब लोग आ गए हाँ सर जी आ गए और ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और शाम के बजे हुए हैं पांच बजकर सात मिनट इस समय राइट ओके सर जी भाई चलो जी दूसरी बात सी ए फाइनल का ये जो अपना सिक्सटी क्वेश्चन की सीरीज है हमारी कल शाम को पांच बजे होगी कल शाम को पांच बजे होगी राइट यस सर चलो साहब यस yes, सर तो चलिए 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 और ये सिक्सटी क्वेश्चन होंगे एग्जामेशन के लिए अरे मैंने कह दिया भाई सब पक्की एग्जामेशन मुबारक ठीक से कर लेना और जैसे मैं करा रहा हूं क्वेश्चन के आंसर वैसे ही करने हैं तो मैं आपसे चार घंटे मांग रहा हूं साथ तीन घंटे या चार घंटे जो भी आज का समय लगेगा ये मुझे और दीजिएगा प्लीज 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 जैसे पिछले वाले वीडियो को आपने शिद्दत के साथ देखा है ऐसे इस वाले वीडियो को भी उतने ही शिद्दत के साथ देखिएगा नंबर आपके आने हाथ में जोड़ रहा हूं आपके समय दीजिएगा इस वीडियो के अंदर भी ठीक है और जितना ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को आगे तक लेकर जाइएगा अपने दोस्तों को बांटिएगा इस वीडियो को ताकि सबका भला हो सके तो आइए जरा तीस के बाद अब अगला नंबर आता है आपका इकतीसवां मैं फिर से बता दूं ये जो साठ क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं ये कोई एम आई नहीं उठा लिए गए हैं इनके पीछे एक साइंटिफिक बेस है पिछले बार के सात बार के जो एग्जामिनेशन पेपर आए हैं उनको हमने अच्छे से देखा है और उस पर बेस ढूकर क्वेश्चन अकॉर्डिंगली आपके लिए तैयार किए हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वैसे ही क्वेश्चन यहां देखने के लिए आपको मिलेंगे राइट सर तो इकतीसवा क्वेश्चन आ गया एम बी एम केयर टेकर अ रजिस्टर्ड पर्सन है ठीक है प्रोवाइड्स द सर्विस ऑफ रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंस इन वॉइस बेस्ड अपने क्वेश्चन ये ऑन सेवेंथ अप्रैल को इट हैज एंटर्ड इन टू एन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद पी पी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर इट्स एयर कंडीशनर एंड वॉशिंग मशीन ऑके एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस सर्विसेज िल बी प्रोवाइडिड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वाटर ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर तो ये ए एम सी का कॉन्सेप्ट है बेसिकली यहाँ पर जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होते उन पर बेस्ड है तो मेंटेनेंस सर्विस विल बी प्रोवाइडेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर जैसे जनवरी फेबररी मार्च अप्रैल मई जून ऐसे करके तो क्वार्टर के शुरू में ही सर्विसेस दे दी जाती है ऐसे ऐसे करके ओके okay, सर जी <coughs> आगे बोलते हैं क्या ड्यूरिंग इट प्रोवाइडेड द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वेड एम बी एम केयर टेकर्स इशू द इन वॉयस फॉर द सर्विसेस रेंटर इन्हें अपना इनवॉइस कब इशू करना होगा तो इसमें आंसर तो पता है सबको कि सब इनवाइस देना है uh, बताइए कब कब देना है? कब देना है बताओ ना तो पार्ट अपलोड नहीं हुआ है लाइव सेक्शन में जाओ ना अपलोड क्या करोगे लाइव यूट्यूब में थोड़ी सेटिंग चेंज हो गई है मतलब यूट्यूब ऐप के अंदर ही तो जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा वो रिकॉर्डेड पोर्शन में जाएगा जो लाइव लिए जाते हैं वो लाइव में होता है ठीक है उसमें जाके ढूंढे यहाँ पे से तो बताइए मालिक इनवाइस आपको यहां पर कब देना होगा तो ये केस आता है आपका कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का और कंटिन्यूस सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर हम नॉर्मली बोलते हैं कि जब पेमेंट की बात करी जाती है तो वहाँ वहाँ पर हम पेमेंट ड्यू जो हमारा होता है वहाँ वहाँ पर इस प्रकार की बातें करी जाती हैं तो आंसर तो वही है कि जिस जिस डेट पर इन्होंने अपना ये सर्विसेज दे रहे हैं वहाँ वहाँ पर आकर ये हो जाएगा लेकिन मुझे बताओ मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा हम्म तो इसके आंसर में कैसे कस के आएंगे मैं आपको ले चलता हूं चलिए जरा और नोटिंग वाला पार्ट कहाँ हमारा इसमें नोटिंग का मैंने एक फोल्डर बनाया था इसके अंदर एक यहाँ जाइए आप क्वेश्चन नंबर थोड़ी हेल्प करोगे आप तो आप कर चुके हो काफी कुछ हद तक तो कैसे करना है क्वेश्चन नंबर है मेरा थर्टी वन मुझे अच्छे से पता है इस प्रकार के क्वेश्चन का जो आंसर मुझे करना है वो एक तो लिखूंगा लीगल प्रोविजन और लीगल प्रोविजन के बाद में आएगा मेरा अगला हेडिंग एनालिसिस एंड कंक्लूजन तो इस क्वेश्चन का आंसर करने में मुझे कौन कौन से प्रोविजन की जरूरत पड़ेगी बस इतना बता दो आप मुझे सर uh, इसमें जरूरत पड़ेगी हमें एक तो uh, वो था ना सेक्शन थर्टी वन के अंदर कि अगर सर्विस सेक्टर है और कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस है तो वहाँ पर इन्वाइस का भी इश्यू किया जाता है एक तो वो जरूरत पड़ेगी ठीक है जी और एक जरूरत पड़ेगी हमें कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस का मीनिंग क्या होता है वो देखने के लिए ठीक है जी तो इसमें लिखेंगे हम एज पर सेक्शन नंबर थर्टी वन आप अगर मेरे साथ लिखने की कोशिश भी करेंगे तो चलेगा थोड़ा थोड़ा एक आदत हाथ हाथ के पड़ेगी अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वरना आप देख लीजिए सिर्फ तो एज पर सेक्शन नंबर थर्टी वन अब ये तो हमें भी पता आपको भी पता है कि एग्जैक्ट लॉ की लैंग्वेज क्या थी ना तुम्हें पता ना मुझे पता लेकिन हाँ ये पता है कि प्रोविजन हमारा क्या था तो लैंग्वेज भाई मेरे ऑलवेज अपनी ही आएगी इस बात का अच्छे से ध्यान रख के चलें एज पर सेक्शन नंबर थर्टी वन ऑफ सीजीएसटी एक्ट टू थाउजेंड के मुताबिक इसमें लिखेंगे हम इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस हमारा जो इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड कब एज़ फॉलोज कर दीजिए क्योंकि दो तीन पॉइंट वहाँ पर दे रखे थे उन दो तीन पॉइंट्स के अंदर हम बता सकते हैं आगे चल के अब कि अगर हमारा जो पेमेंट ड्यू जो है वो असर्टेनेबल है तो वो हमारी पेमेंट ड्यू की जो डेट है वो आ जाएगी पेमेंट जिस दिन हमारा ड्यू हुआ है वो डेट यहाँ पर आ जाएगी और जब ये पेमेंट की जो हमारी ड्यू डेट होती है वो नॉट असर्टेनेबल तो फिर वैसे वाले केस के अंदर हम करते हैं क्या भला जाके कोशिश करो याद दिलाओ थोड़ा सा देखो ऐसे मत करो कि मैं ही करूँ यार तुम भी पार्टिसिपेट करते रहो मेरे साथ साथ प्लीज़ प्लीज़ मैं यहाँ लाइव का मजा तभी तो आएगा ना जब वन टू वन चलेगा तो थोड़ा आप हेल्प करते रहिएगा मेरी नज़र यहीं पर रहेगी ठीक है जी एग्जिशन का चार्ट में अपडेट करा दूँगा साहब तो <coughs> असरटेनेबल है तो फिर यहाँ पे डाल देंगे नॉट uh, असर्टेनेबल है तो जो पेमेंट जब किया गया है पेमेंट मेड है ना आपके मेरे बोलने में और आपके यहाँ लिखने में थोड़ा लैग आता है लेकिन मैं उसको मैनेज कर लूँगा आप बोलते रहिएगा ठीक है जी और पेमेंट ड्यू हो गया एंड उसके बाद में ये आता है जी अपना जब हमारा ये जो पेमेंट ड्यू है वो किसी माइल स्टोन से लिंक कर रखा होता है किसी इवेंट से लिंक कर रखा होता है तो जो इवेंट की डेट होती है वहां पर इनवॉइस देना जरूरी हो जाता है ठीक है उसके बाद एक और प्रोविजन इसके अंदर आएगा हमारा एज पर सेक्शन नंबर दो एज पर सेक्शन नंबर दो जिसमें बात करते हैं हम लोग कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की ठीक है तो चूंकि हम कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का प्रोविजन लगाने जा रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस होती क्या है वैसे करके तो उसमें बोलते हैं कि वो वाली सर्विस कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं जिसकी जो लाइफ होती है वो थ्री मंथ से ज़्यादा होती है ठीक है एंड उसके बाद और क्या आता है यहाँ पे जिसमें कि एक पीरियडिक पेमेंट शेड्यूल होता है और उसमें ये बोलता है कि जो कंटिन्यूस या फिर रिकरेंट बेसिस पर अपनी दी जाती है और चौथा पॉइंट आता है एंड सरकार के द्वारा कुछ एक सर्विस को नोटिफाई किया जा सकता है उनको यहाँ बोलते हैं कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस तो इतना काम आप कर सकते हैं कि नहीं मैंने क्वेश्चन पढ़ा क्वेश्चन पढ़ के देखा कि इसमें किस किस प्रोविजन्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसको यहाँ पे ला के बिल्कुल प्यार से अपने शब्दों में लिख दिया करेक्ट यस yes. अब आइए अगले यहाँ पर चलते हैं अपना अनालिस एंड कंक्लूजन की हम लोग बात करते हैं ठीक है अनालिस एंड कंक्लूजन ओके सर जी एंड uh, इसमें क्या बोलेंगे तो इसमें एम बी एम करके अब देखो कि क्या जो आपका है वो यहाँ पर कैसे कैसे करके फिट होता है जो मेरा एम बी एम केयर टेकर है हुँ. और ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है सर्विसेज दे रहा है ये और इसका जो लाइफ है वो तीन महीने से ऊपर की है एंड ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड तो एम बी एम केयर टेकर की जो सर्विसेज है फुलफिल ऑल द कंडीशंस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज अबव जैसा कि हमने ऊपर बताया है उसके मुताबिक पूरी की पूरी कंडीशन को फुलफिल अपना करके चलता है ठीक है बिल्कुल ठीक है लिख दोगे अच्छा जी ठीक है एंड इन लाइट ऑफ सेक्शन नंबर थर्टी वन इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड ऑन कौन कौन, -कौन सी डेट पर जिस जिस डेट पर ऑनरी पेमेंट ड्यू हुआ है उस उस डेट के ऊपर इनको इनवॉइस देना जरूरी हो जाएगा ऐसी वाली बात मेरे बच्चा यहां पर निकल कर सामने आ जाएगी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे तो कौन कौन सी डेट थी मैं जरा यहाँ पर देख लू हाँ जी साहब देख लीजिएगा तो ये डेट आ गई अपनी अप्रैल एक जुलाई एक अक्टूबर एक अप्रैल एक और जुलाई एक आ गई एंड अक्टूबर एक और अपना ये जनवरी एक ऐसे करके यहां निकल के आ जाएगा तो दरअसल वो मालिक बात समझ में आई कि नहीं आई अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ठीक से लिख कर आ सकते हो या नहीं आ सकते हो मुझे बस इस बात का जवाब दीजिएगा आप लोग हाँ या ना में उसके बाद मैं आगे मूव करता हूं मेरे क्वेश्चन नंबर थर्टी टू की तरफ क्या है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू आइए मालिक यहां पर अलर्ट होके बैठे ठीक से बैठे इनवॉइस में आपके चार सेक्शन काम में आते हैं सेक्शन थर्टी वन इनवॉइस कब कौन कहा कैसे इश्यू करेगा उसकी बात करता है सेक्शन थर्टी टू अपना आता है उसमें बोलता है कि रजिस्टर्ड पर्सन को ही इनवॉइस इश्यू करके जीएसटी कलेक्ट करने का राइट होता है सेक्शन थर्टी थ्री आपसे ये बात करता है कि भैया जितना जिस रेट से बोला गया है उसी रेट से कलेक्शन करके चलोगे एंड वट एवर यू हैव कलेक्टेड डंके की चोट पर कोई पूछेगा तो आप बता के चलोगे सेक्शन थर्टी फोर आपसे बात करता है कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कब कैसे कहाँ इश्यू किए जाते हैं एंड वट इज द लास्ट डेट ये ऐसे करके आपका पूरा चैप्टर यहां निकल के आता है रूल्स की मदद से यहां पर ई e इनवॉइस का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है इस पूरे चैप्टर के अंदर और साथ में एक क्यूआर कोड का भी प्रोविजन यहां रूल्स की मदद से इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि 500 करोड़ से ऊपर के लोगों को अपना uh, के ऊपर एप्लीकेबिलिटी उसकी आती है ठीक है जी वेरी गुड हाँ पहले पसंद कमला पसंद यस सर ग्रेट तो चिदानंद प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टेड इट्स बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन फर्स्ट अगस्त टू थाउजेंड सेवेंटीन ओके अच्छा ऐसे क्वेश्चन को ना थोड़ा सा हम देख लें कि भाई यहाँ शॉर्ट समरी तैयार कर लूँ इसकी मैं मैं यहाँ से पढ़ लूँ आप अपनी बुक में देखना मैं थोड़ा शॉर्ट समरी तैयार करता रहूँगा हाथ के हाथ उसकी ना मेरे पास हार्ड कॉपी है इन क्वेश्चन की तो मैं इससे पढ़ता हूँ चिदानंद प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टेड बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन फर्स्ट अगस्त एक अगस्त 2017 को धंधा शुरू किया भाई साहब इट्स ओवर एक्सीड ट्वेंटी लैक ऑन फिफ्थ सेप्टेंबर को अच्छा जी तो पांच सितंबर को बीस लाख को भाई साहब ये क्रॉस कर गए हैं बिल्कुल अपने ऊपर दिमाग में वही प्रेशर रख के चलना जो एग्जामिनेशन हॉल में होता है प्लीज ऑन फिफ्थ सेप्टेंबर ओके इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन ट्वेंटी एट सेप्टेंबर टू थाउजेंड सेवेंटीन हर क्वेश्चन को ये माने कि एग्जाम बैठकर सॉल्व कर रहे हो इसे इट अपलाइड फप्टर ट्वेंटी 28 सेप्टेंबर so, को इन्होंने अप्लाई शॉर्ट समरी चल रही है अप्लाई फॉर कर दिया है एंड ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन छः अक्टूबर सिक्सथ अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाता है गाइड द कंपनी रिगार्डिंग इन वॉइस टू बी इशूड बिटवीन फाइव सेप्टेंबर टू थाउजेंड सेवनटीन टू यहाँ से लेके यहाँ तक <coughs> इस पीरियड के लिए uh, क्या गाइड करेंगे फर्दर इट हैड ऑल्सो मेड सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड डीलर इन दैट पीरियड हाउ इट कैन रेज इन वॉइस तो यहाँ आपको करना है भाई साहब गाइड तो कैसे कैसे करके आप गाइड करोगे इनके जो जो एक्शंस हुए हैं वो कैसे कैसे निकल के सामने आएंगे मालिक तो थोड़ा सा आप मुझे गाइड कर दो इसमें एक तो ये पूछ रहा है कि भाई रिवाइज uh, इन वाले में कि उसका कॉन्सेप्ट पूछ रहा है आपसे ठीक है और ये पूछ रहा है कि क्या इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया है उसका क्या सीन है कब से इफेक्टिव होगा क्या होगा वो सारी बात आपको यहाँ पे करके चलनी है तो मुझे आप लोग एक बात बताइए साहब कि इसमें कौन कौन से सेक्शंस uh, का मैं सहारा ले लूं जिसके दम पर हम इसका आंसर यहां पर कर पाएंगे तो आई थिंक मुझे एक तो सेक्शन नंबर अभी शॉर्ट समरी चल रही है मेरी कि मैं क्वेश्चन को समझने का प्रयास कर रहा हूँ सेक्शन 22 का इस्तेमाल करूँगा इसमें बताऊँगा कि भैया 10 लाख 20 लाख या 40 लाख जो भी है उससे ऊपर आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जब लिमिट आपकी क्रॉस हो जाती है फिर आएगा अ, मेरे सामने सेक्शन नंबर पच्चीस आएगा बोलेगा आपको थर्टी डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन देनी होती है और थर्ड डेज में अप्लाई कर देते हैं तो फिर आपको जो आर है वो इफेक्टिव होती है आपकी उस डेट से जहां से आपने लिमिट क्रॉस करी थी एक सेक्शन पच्चीस का इसमें बहाना आ जाएगा और एक इसमें पॉइंट आएगा आपका सेक्शन नंबर थर्टी वन को लेकर आएगा कि जिसमें हम लोग बात करते हैं कि रिवाइज्ड इन का सीन क्या रहेगा क्या आप मुझसे सहमत हैं पूरे क्वेश्चंस के अंदर इन तीन लीगल प्रोविजंस का इस्तेमाल किया जाना है और मुझे एक छोटी सी बात और बताइए क्या मैं क्या मैं सेक्शंस uh, को लर्न कराने के लिए अलग से और स्पेशल वीडियो बनाऊं क्योंकि सेक्शन मेरे हिसाब से अगर लर्न होते हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली अपना आंसर लिख पाते हैं मैं यह नहीं कह रहा कि सेक्शन नंबर लिखना मैंडेटरी है पर मैं ये लिख रहा हूं कि अगर आपको सेक्शन नंबर भी याद है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस चार गुना होता है तो अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से लर्न करने के लिए एक वीडियो बना दूंगा तो आप मुझे बताइएगा देखो जब तक आप नहीं बोलोगे ना

सेक्शन नंबर ट्वेंटी टू उसमें लिखा हुआ है कि वेन एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ अ पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई अगर उसका एग्रीगेट टर्न ओवर एक्सीड कर जाता है आ, एप्लीकेबल लिमिट से देखिए मैं बिल्कुल फॉर्मली तो साफ साफ नहीं लिख सकता आंसर क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाएगा लेकिन हाँ इससे आपको पता लग रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूं जब एक्सीड कर जाता है और ये नोटिंग भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा वेबसाइट पर एक्सीड कर जाता है एप्लीकेबल लिमिट को तो नीड रजिस्ट्रेशन उसे रजिस्ट्रेशन यहां पे करवाना पड़ जाएगा फिर आएगा एज पर सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव द पर्सन रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन उसे रिज्दी की अप्लाई करना पड़ेगा विद इन थर्टी डेज ऑफ थर्टी डेज ऑफ द डेट ऑफ क्रॉसिंग द लिमिट जब से लिमिट आपने क्रॉस कर दी है उसके थर्टी डेज के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होता है मोर ओवर इसमें आप लिखेंगे यदि इफ अप्लाइड विद इन टाइम देन आर सी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे फुल फॉर्म लिखेंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैं भी पूरा लिखूंगा लो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होगा आपका विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑन विच ही क्रॉस्ड द लिमिट जब लिमिट क्रॉस कर दी थी तो वहां से यह अपना एप्लीकेबल हो जाएगा अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है अदरवाइज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ग्रांटेड एंजॉय करिए एन्जॉय क्वेश्चन का आंसर यार फिर यह तब इफेक्टिव होगा जब इसे यहाँ पर uh, अपना कर दिया जाएगा <coughs> ग्रांट कर दिया जाएगा ठीक है जी अब अगला प्रोविजन आता है एज पर सेक्शन नंबर थर्टी वन आप ऐसा कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहां पर यह लिखा ना ट्वेंटी फाइव थर्टी वन तो बिल्कुल इसके नीचे से लिखना शुरू ना करें थोड़ा आगे से करें ताकि आपका ये जो पोर्शन है ये क्लियर कट दिखाई दे रहा हो कि यस आपने लीगल प्रोविजन यहां पर यूज किए हैं वो इस बात से ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ कि आपने लिखा। ये इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ आपने लिखा क्या है और तमीज से आपने कंप्लीट लीगल प्रोविजन लिखे हुए हैं ये आपका पहला लुक वहां पर दे देते हैं तो सेक्शन थर्टी वन के मुताबिक रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन कैन इश्यू रिवाइज्ड इन वॉइस एक बंदा रिवाइज इन वॉइस इश्यू कर सकता है कितने समय के अंदर विद इन बोलो ना प्लीज विद इन वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आर सी आरसी के डेट से एक महीने के भीतर भीतर कर सकता है. कौन से पीरियड के लिए फॉर द पीरियड फॉर द पीरियड starting from the date on which the person crossing the limit, जब से आपने limit cross कर दी है, वहाँ से लेकर till the date of grant of R.C. registration जिस दिन आपको दिया गया वहां तक के लिए आप ये कर सकते हो एक महीने के अंदर अंदर इन क्वेश्चंस का पीडीएफ कहां है इन क्वेश्चंस का पीडीएफ अवेलेबल है मेरी वेबसाइट सी के फ्री रिसोर्सेज में और ये जो नोटिंग कर रहा हूं मैं पिछली क्लास और ये क्लास दोनों का इकट्ठा नोटिंग भी मैं मेरी वेबसाइट के फ्री रिसोर्स में डाल दूंगा वहां से आप निकाल लीजिएगा अगर जरूरत पड़े तो ठीक है अच्छा जी अब लिखेंगे यहां पर एनालिसिस एनालिसिस एंड कंक्लूजन अपनी बात का <coughs> इसमें आ जाएगा आ, यहां पर आकर मेरे बच्चा हाँ जी तो इन द गिवन केस इन द गिवन केस जो चिदानंद महाराज हैं तो इन्होंने क्या किया है क्रॉसिंग द लिमिट्स ऑफ ट्वेंटी लैख ऑन फिफ्थ ऑफ सेप्टेंबर ठीक है अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन थर्टी डेज यस तीस दिनों में अप्लाई कर दिया है दैट इज ऑन ट्वेंटी एट ऑफ सेप्टेंबर दैट इज ट्वेंटी एट ऑफ सेप्टेंबर को उन्होंने ये काम कर दिया है अप्लाइड देयर फोर इन द लाइट ऑफ सेक्शन ट्वेंटी फाइव आर सी जो होगी वो इफेक्टिव होगी अब ऊपर सारा लीगल प्रोविजन लिख दिया है तो हम बस सेक्शन का रेफरेंस देना होता है कि उस सेक्शन को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर कह सकते हैं कि आर सी इसकी इफेक्टिव होगी फ्रॉम ट्वेंटी एट नहीं सॉरी फिफ्थ ऑफ सेप्टेंबर से फिफ्थ सेप्टेंबर से इसकी एप्लीकेबिलिटी आ जाती है ठीक है जी तो एक तो ये आपका आंसर हो गया और जहाँ तक सवाल है रिवाइज्ड इन का तो उसको भी दिया जा सकता है कहाँ से फिफ्थ सेप्टेम्बर से लेकर और आर कब मिली है इनको आर मिली है भाई साहब छः अक्टूबर को तो ये छः अक्टूबर इस पीरियड का इन एक महीने के अंदर अंदर यहां पर दिया जा सकता है कहां से एक महीना कहां से काउंट करके चलेंगे सर जहां पे हमें ये आर सी मिल गई है वहां से एक महीना काउंट कर दिया जाएगा ऐसे करके मेरे बच्चा ठीक है और ये कहां जाके पूरे होंगे आपके जी सर अक्टूबर से जाके नवंबर में तो ये सिक्स ऑफ नवंबर तक अपना यहां पर दे सकता है रिवाइज इन तो मुझे बताइए सही से सही से आपको इसका आंसर करना आया या नहीं आया मेरे बच्चा आप जवाब दीजिए हमें यस और नो यस सर आगे बढ़ते बात वो नहीं है कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता क्वेश्चन का आंसर आपको आता है पर बात यह है कि क्या आप लिख पा रहे हो लिखना बड़ा जरूरी है ये कॉन्फिडेंस आना बड़ा जरूरी कि मैं इसको फ्रेम कैसे करूं अपने आंसर को ठीक है जी आइए मालिक आगे बढ़ जाते हैं साहब जी <coughs> आगे है एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर हैज द क्वार्टर एंडिंग थर्टीथ जून इतना इतना पांच अप्रैल दस मई ये डेट दे रखी है और बिल नंबर बता रखे हैं नोटबुक्स हैं पेपर चार्ट बुक और ये इनवॉइस ये सब दे रखा है आपने यहाँ पे आके गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल नंबर 102 230 दो हैव बीन रिटर्न बाय मिस्टर पी यू आर रिक्वायर टू एडवाइस एबीसी लिमिटेड वेदर इट कैन इशू कंसॉलिडेटेड क्रेडिट नोट अगेंस्ट ऑल द थ्री इन्वाइसिस इन तीन इन्वाइस के संबंध में क्या क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है या नहीं एक नंबर कहा भाई साहब ये एक सौ नंबर दो सौ तीस नंबर और दो सौ चौवन नंबर ये आपके तीन बिल हैं ये वापस लौट के आ गए थे तो क्रेट नोट की बात कर रहा है तो सबसे पहले मुझे बताइए लीगल प्रोविजन जब आप लिखने बैठेंगे तो उसके अंदर आप क्या क्या लिखकर चलेंगे सर देखिए जो मेरा क्वेश्चन नंबर तैतीस यहां पर आएगा तो इसमें हेल्प करो भाई साहब थोड़ी सी बताइए लीगल प्रोविजन में कौन से सेक्शन का प्रोविजन आएगा और मैं लिखूं तो लिखूं क्या हाँ आ, सर 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 देखिए कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं चैट के अंदर कि जिनका आंसर और बच्चों को भी आता है तो कृपया करके वो आपस में आंसर कर दिया करें उसका ना जैसे कि पीडीएफ डी कहाँ से मिलेगा क्या होगा तो जनरल क्वेश्चंस का आंसर कर दिया करो आप ही लीगल प्रोविजन तो सर इसमें आएगा हमारा रेफरेंस आएगा सेक्शन नंबर थर्टी का जो कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बात कर रहा है तो एक व्यक्ति को यहाँ पर सप्लाई की गई है ये क्वेश्चन सेक्शन थर्टी के किस एलिमेंट पर हिट मार रहा है कंसोलिडेटेड पर कंसोलिडेटेड पर तो सेक्शन 34 जब हम लिखेंगे उसमें लिखा जाएगा कि देखिए भाई साहब उसमें क्रेडिट नोट का प्रोविजन दे रखा है और कई सारी बात बता रखी हैं कि अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर जो मेन इनवॉइस है वो लेस नहीं नहीं वो आपका मेन इनवॉइस ओवर वैल्यू का इश्यू कर दिया गया है किसी वजह से हो सकती है ओवर वैल्यू ठीक है और चाहे आपने गुड्स की वैल्यू ज़्यादा चार्ज कर ली थी या रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा चार्ज कर लिया था तो इसे कम डाउन करने के लिए हमें यहाँ पर क्रेडिट नोट का सहारा लेना पड़ता है ओवर वैल्यू कर दी थी ठीक है जी दूसरा कारण हो सकता है कि डेफिशिएंट क्वांटिटी की बात वहाँ पर की जा सकती है तो उसके इसमें भी हमारा क्रेडिट नोट इशू किया जाता है आगे बताएंगे देखिए तो ऐसे वाले मामलों के अंदर हम एक वन इनवॉइस जो हमारा गया है उसके लिए मल्टीपल क्रेडिट नोट इश्यू किए जा सकते हैं और मल्टीपल इनवॉइसिस के लिए एक सिंगल क्रेडिट नोट भी इश्यू किया जा सकता है ठीक और क्या जानते हैं क्रेडिट नोट के बारे में क्रेडिट नोट को इश्यू करने की जो लास्ट uh, डेट होती है वो आप बताएंगे बिल्कुल एग्जाम वाली पोजिशन में अपने दिमाग को ले आए बहुत मजा आएगा उसी प्रेशर को फील करें आप लोग आकर तो सर यहां पर आके हम बताएं आपको कि हम्म 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 साहब तो उसमें बताइए यस 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 सर लास्ट डेट इसकी रखी गई है इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा थर्टी एथ नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो गया अपना और और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट हो विच एवर इज अर्ली जो दोनों में पहले हो वहां तक आपको एक क्रेडिट नोट इश्यू कर देना चाहिए तो ये है इसका कंप्लीट लॉ ऐसे करके कि क्या है कैसे है अब अगला जब हेडिंग आएगा, आएगा आपका एनालिसिस एंड कंक्लूजन उसके अंदर आप क्या लिख दोगे सर उसके अंदर हम लिख देंगे कि भाई साहब देखिए ऐसी वाली बात है कि यहाँ पर आकर मल्टीपल इन्वाइसिस में बिल नंबर दिस वन दिस वन और दिस वन तो इन द लाइट ऑफ सेक्शन नंबर थर्टी वी कैन इश्यू द सिंगल कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट फॉर द इन्वाइसिस इशूड बाई मिस्टर पी और टू मिस्टर नहीं इशू टू मिस्टर पी तो उसके लिए यहां पर यह दिया जा सकता है वैसे करके है आई होप बात समझ में आ गई होगी पहले हा बोलो हा मेरे बच्चा यस सर अब आता है इसमें आपका अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में बोलते हैं साहब बाली लिमिटेड इधर <coughs> बाली लिमिटेड रजिस्टर्ड टैक्स पेयर प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज टू रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम मुंबई ऑफिस अच्छा एक सेकेंड सिक्योरिटी सर्विस है रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं ओके फ्रॉम मुंबई ऑफिस एंड डेहली ऑफिस बाली लिमिटेड बाली लिमिटेड एक कंपनी है ओके और रजिस्टर्ड पर्सन को यह यहां पर दे रहे हैं सर्विसेस ठीक है फ्रॉम मुंबई ऑफिस एंड डेहली ऑफिस द एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ मुंबई ऑफिस एंड डेहली ऑफिस इन द प्रेडिंग फाइनेंशियल ईयर Uh, इन दोनों का टर्न इतने इतने बनता था फॉर द मंथ ऑफ नवंबर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर बाली लिमिटेड प्रीपेयर्स डुप्लीकेट इन एंड डज नॉट इश्यू ई इन वॉइस वो इन वॉइस इश्यू यहाँ पर नहीं करते हैं एज इट इज ऑफ द व्यू इनको लगता है दैट इट इज़ एग्रीगेट टर्न ओवर डज नॉट क्रॉस द थ्रेश होल्ड लिमिट टू लाइबल फॉर इशूइंग ई इन वॉइस इनको लगता है कि भाई इनके ऊपर इन वॉइसिंग की जो बात है वो एप्लीकेबल नहीं होती है ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द व्यू टेकन बाई बाली लिमटेज इज करेक्ट इन लॉ ऑल्सो एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ ई इन वॉयसिंग तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया है एक तो पूछा गया भाई यहाँ पर ई इन वॉइसिंग की बात आएगी या नहीं आएगी तो वैसे करके है तो बताइए आएगी या नहीं आएगी तो देखिए यहाँ पर क्या करके होता है मालिक ई e की लिमिट रखी गई है दस करोड़ और जो दस करोड़ वो क्या है वो है आपका दस करोड़ मालिक एग्रीगेट टर्न है और जो पेन बेस्ड होता है तो यहाँ अगर हम कैलकुलेशन करके चलेंगे तो यहाँ पर साढ़े पाँच सौ करोड़ उसका बनता है इसके ऊपर ई इन्वाइस की जो एप्लीकेबिलिटी वो आती है इनका स्टैंड यहाँ पर बिल्कुल गलत है और जहाँ तक सवाल है ई e इन्वाइस के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं तो आप सभी जानते हैं कि उसमें भाई एक तो पेपरलेस वर्क होता है सारा काम ऑटोमेटेड तरीके से वहाँ पर कर दिया जाता है और इससे जो मैनुपलेशन के चांसेस होते हैं क्योंकि ये इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है आपके द्वारा की गई ट्रांजेक्शन्स की तो वो सब नहीं होता तो सबके लिए ऑटोमेटिक तरीके से काम अच्छे से चल जाता है तो ये आसान सा यहाँ पर है लिखोगे कैसे वही सबसे पहले आएगा लीगल प्रोविजन लीगल प्रोविजन में हम डालेंगे कि भाई अगर दस करोड़ की लिमिट वाली बात आप कर रहे हो तो वहां पर आकर ये बात अपनी कर दी जाएगी ठीक है सर तो आसान सी बात है कोई ज़्यादा बड़ी बात इसके अंदर नहीं है एबीसीनेमाज अ रजिस्टर्ड पर्सन एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाई वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स वॉज इशूइंग कंसोलिडेटेड टैक्स इन वॉइस फॉर सप्लाई एट द क्लोज ऑफ ईच डे अच्छा जी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन सू एंड सो रेड विदोर्थ प्रोवाइज रूल नंबर ंग द मंथ ऑफ अक्टूबर इतना डिपार्टमेंट ट्रेस टू इश्यू सेपरेट टैक्स इनवाइस फॉर इच टिकट बताइए पहले मुझे इसका करगा क्या सर देखिए यहां पर यह जनवरी दो हजार इक्कीस में आया हुआ क्वेश्चन है आपके लिए तो सबसे पहले तो यही निकल के आएगा कि देखिए जो एज पर द लीगल प्रोविजंस जो हमारे रूल्स के अंदर दे रखे हैं सी जी रूल्स के अंदर भी दे रखे हैं उसमें यही बताया जाता है कि जो ये सिनेमेटोग्राफी -ग्रा, फिल्म के रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पर कोई लाइक इन्वाइस रेज करने की जरूरत नहीं होती है जो टिकट इशू करके चलते हैं उस टिकट को ही हम इनवाइस का स्टेटस देकर चलते हैं ये तो आ गया लीगल प्रोविजन और कंक्लूजन में क्या आएगा तो इन द गिवन केस जो गवर्नमेंट यहाँ पर जो ऑफिसर है वो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहा है कि नहीं 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 ऐसे नहीं कि भाई ये टैक्स इन्वर्स देना पड़ेगा तो ऐसे वाले केस के अंदर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है इन्होंने जो ऑब्जेक्शन लगाया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है ऐसे करके मालिक इसका आंसर यहाँ पर कर दिया जाएगा तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं और अगर मैं देखूँ एग्ज़ाम की दृष्टि से कि ये चैप्टर की अब तक किस तरह से इसमें से पूछा गया है इन्वाइस चैप्टर है मेरा तो इसमें से अब तक इसका जो रिकॉर्ड रहा है पीछे वो ये है मालिक कि जनवरी 2021 में केस स्टडी चार मार्क्स की आई है टिकट ऑफ सिनेमा हॉल इस पर बेस्ड था दिसंबर 2021 में थ्योरिटिकल क्वेश्चन पूछा गया डायनामिक क्यू कोड के रिस्पेक्ट में आके 500 करोड़ उस पर भी बेस्ड मेरा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे मिलता जुलता दिया केस स्टडी पूछी गई चार नंबर की सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर और नवंबर 22 के अंदर इन्होंने फिर क्रेट नोट पर एक क्वेश्चन पूछा और एक ऑप्शन में दिया था इन वॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के रिस्पेक्ट में खैर वो रिटर्न वाले चैप्टर से भी अपना ताल्लुकात रख के चलती है ये फैसिलिटी का प्रोविजन मैं आपको पढ़ा के चलूंगा रिटर्न के चैप्टर में जाके तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन से पूछा जा रहा है मतलब ये ये ट्रेंड चलता है इसका तो पिछले देखा जाए तीन बार से तो लगातार ये आ रहा है इसलिए मैंने इसको एक कैटेगरी के अंदर यहां पर लाकर डाल दिया है मेरी बात फिर से समझ लीजिएगा ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया बिल्कुल यही क्वेश्चन उठ के आ जाएगा लेकिन हां क्वेश्चन मिलता जुलता ही आएगा आपको जो असल में सीखना है वो ये कि यस मैं जब क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो मैं उसका आंसर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा दाव सिखा रहा हूं कुश्ती लड़ने के लिए कि आप कैसे उसको पटक कर मार सकते हो ठीक है जी आगे बढ़ते हैं मालिक और चलिए जरा टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं चीकू ट्रेडर्स ध्यान से इधर पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरे साथ चलिएगा चीकू ट्रेडर्स इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ प्लास्टिक गुड्स ऑन टेंथ अप्रैल चीकू ट्रेडर्स रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम नीलू ट्रेडर्स फॉर सप्लाई ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑफ प्लास्टिक गुड्स नीलू से इनको मिला है एक ऑर्डर रिसीव्ड एन ऑर्डर ठीक है जी इतने को ऑर्डर मिला है चीकू लिमिटेड चीकू ट्रेडर्स गेट द कंसाइनमेंट रेडी बाई फिफ्टींथ ऑफ अप्रैल तक कंसाइनमेंट रेडी करा दिया द इन वॉइस फॉर द कंसाइनमेंट वॉज इशूड ऑन नेक्स्ट डे यानी सोलह अप्रैल को पंद्रह को पैकिंग हो गई सोलह को गया वॉज इशूड ठीक है जी इन वॉइस इन वॉयस यहाँ इशू हो गया नीलू ट्रेडर्स कलेक्ट द कंसाइनमेंट फ्रॉम द गोडाउन ऑफ चीकू ट्रेडर्स ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अप्रैल अच्छा अच्छा सोलह को बिलिंग हो गई पंद्रह को पैकिंग हो गई थी सोलह को बिलिंग पच्चीस अप्रैल को ही हो गया एंड हैंड्स ओवर द चेक टुअर्ड्स पेमेंट फॉर द सेम डेट और सेम डेट पर चेक भी दे आते हैं द सेट पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ चीकू ट्रेडर्स ऑन छब्बीस अप्रैल को एंड अमाउंट इज क्रिएटेड ऑन ट्वेंटी सेवन ऑफ अप्रैल को ठीक है डिटर्मिन टाइम ऑफ अप्लाई ऑफ द प्लास्टिक गुड्स सप्लाइड बाई चिकू ट्रेडर्स टू नीलू ट्रेडर्स एज पर क्या है प्लीज आंसर आप देखना मत इस कंस्टेंट आंसर दीजिए द टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस ये नोट्स मिलेंगे आपको मेरी वेबसाइट सी राजकुमार डॉट कॉम पर जी तो हम्म <laughs> सर देखिए चलते हैं इसके लीगल प्रोविजंस लिखेंगे कैसे और हम देखते हैं आप आंसर निकालिए तब तक इसका चैप्टर आ गया है मेरा टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन नंबर आ गया है मालिक इसमें थर्टी सिक्स करके ठीक है और मैं लिखने जा रहा हूँ इसका लीगल प्रोविजन बात गुड्स की है या सर्विसेज की है सर बात यहाँ गुड्स की करी जा रही है तो गुड्स के लिए सेक्शन नंबर कौन सा लगता है सेक्शन नंबर बार है एज़ पर सेक्शन नंबर ट्वेल्व ऑफ सी जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन उसके मुताबिक क्या लिखा हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स व्हाट इज क्या है वहां लिखते हैं <coughs> कि वेयर वेयर इन वॉइस इज इशूड ऑन टाइम अगर वो टाइम पर इशू होता है तो इन वॉइस डेट हो गई ठीक है और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्ली जो दोनों में पहले हो ठीक है और अगर आपका ये इन वॉइस टाइम से इशू नहीं होता है वेयर इन वॉइस इज नॉट इशूड ऑन टाइम ऑन टाइम तो फिर क्या करेंगे हम लोग हम फिर उसमें देखेंगे कि भाई इन वॉइस इशुएंस की लास्ट डेट जो थी वो और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्ली जो दोनों में पहले हो अब यहां पर एक नोटिफिकेशन का रेफरेंस भी आपको देना पड़ेगा हाउ एवर हाउ एवर पेमेंट कंडीशन हैज बीन रिलैक्स रिलैक्स बाई नोटिफिकेशन नंबर सिक्सटी सिक्स टू थाउजेंड सेवेंटीन हो सके तो नोटिफिकेशन नंबर याद रखना है वाला ठीक है तो इस नोटिफिकेशन की वजह से उसको रिलैक्स किया जा चुका है तो यानी कि ये जो पोर्शन है ये लॉ में जरूर लिखा हुआ है लेकिन इस पोर्शन को मैं कंसिडर uh, नहीं करके चलूंगा पेमेंट वाले को तो फाइनली मेरे सामने जो पिक्चर बनती है वो ये कि टाइम से आ रहा हो तो इनवाइस की डेट और अगर टाइम से ना आएगा तो की हम चलेंगे ठीक? और मुझे क्या कोई और से आया है या नहीं आया है तो ये बात मुझे कौन सा सेक्शन बताएगा तो <coughs> ये बात मुझे बताएगा सेक्शन नंबर थर्टी वन अब लिखिए जरा एज पर सेक्शन नंबर थर्टी वन ऑफ सी जी एस टी एक्ट के मुताबिक क्या करवाया जाएगा मालिक तो गुड्स के केस में इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए यहां पर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है ना मैं रेलिवेंट uh, पोर्शन लिखूंगा सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इन केस जब गुड्स आपका रिमूव हो रहा होता है रिमूव हो रहा होता है तो उस केस के अंदर जो लास्ट डेट होती है

चीकू ट्रेडर्स है मालिक इसने क्या किया है कंसाइनमेंट <coughs> रेडी uh, uh, किया है पंद्रह अप्रैल को द इनवॉइस फॉर द कंसाइनमेंट वॉज इशूड ऑन द नेक्स्ट दोल अप्रैल को और जो कंसाइनमेंट अपना रिमूव uh, हुआ है वो पच्चीस अप्रैल को हुआ है तो कंसाइनमेंट uh, का जो रिमूवल यहाँ हुआ है वो ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल को हो गया है और जो इनवाइस इशुएंस की डेट आ रही है वो इशू कर दिया गया था सोलह अप्रैल को तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपने इनवॉइस इशू यहाँ पर किया है वो बिल्कुल ओके है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो अपना टाइम से है और एज पर सेक्शन थर्टी के मुताबिक अगर हम ध्यान रख के चलते हैं उसको दिमाग में रख के चलते हैं तो जो इन्वाइस है वो टाइमली इशू किया गया है और अगर टाइमली इशू किया गया है तो उसके ऊपर जो इन्वाइस इशुएंस की जो एक्चुअल मेरी डेट है वही यहाँ पर आकर टाइम ऑफ सप्लाई बना दी जाएगी ठीक है और जो कि इस क्वेश्चन के अंदर आ रही है मालिक 16th ऑफ अप्रैल तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर राइट तो आपको अपना आंसर इस प्रकार से लिख कर आना है ईमानदारी से बताइए आप भी मेरे साथ भले ही हाथ से न सही दिमाग से लिख रहे हैं क्या आपको वो किताब की भाषा याद आ रही है नहीं ना कि आपको स्टडी मेडल की भाषा याद आ रही है नहीं आ रही ना आपके अपने जो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है वही आपके सामने चल रही है बात खत्म सीधे सीधे आपको प्रोविजन पता यही एग्जाम में करना है आपने और करना क्या बताइए उसके पीछे का लॉ लिखना है आंसर करना है बात खत्म तो आ रहा कॉन्फिडेंस बाबू धीरे धीरे यस सर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर आकर क्वेश्चन नंबर थर्टी मालिक ठीक है थर्टी में क्या बोलते हैं मैं अपने यहाँ हार्ड कॉपी से पढ़ रहा हूँ मेरे पास में है ये आप अपनी बुक में देखें थर्टी सेवन बोलते हैं होडू लिमिटेड मुंबई होल्ड्स फिफ्टी वन परसेंट शेयर्स ऑफ वैंकी इन यूएसए यू एस ए अच्छा यहाँ कोई वैंकी करके है और थर्टी फिफ्टी वन फिफ्टी वन परसेंट के जो शेयर्स हैं वो कहीं इन्होंने ले रखे हैं वैंकी इन प्रोवाइड्स बिजनेस ऑग्जिलरी सर्विसेज टू होडू बिजनेस ऑग्जरी ये शॉर्ट समरी बना रहा हूं क्वेश्चन की ना फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाई वैंकी लिमिटेड अच्छा जी तो इन्होंने यहां से सर्विस अपनी ये दी है सर्विस का मैटर आ रहा है बाबू इतना तो मुझे दिख रहा है कि ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का मैटर यहाँ निकलकर सामने आ रहा है और इसके ऊपर मुझे ये भी पता है कि रिवर्स चार्ज अपना एप्लीकेबल करा दिया जाता है ओके okay, सर जी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक अच्छा लेकिन मुझे बताइए मैं आंसर इसका करूंगा तो कैसे करूंगा करूँगा तो कैसे करूंगा अब यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं कि भाई सेक्शन नंबर लीगल प्रोविजन बताइए ना कौन कौन से लीगल प्रोविजन आएंगे प्लीज थोड़ी हेल्प कर दो यार इसमें आएगा एक लीगल प्रोविजंस के अंदर आ, सर सेक्शन नंबर थर्टीन का रेफरेंस आएगा हम चूंकि सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं वेरी गुड आगे आगे चलो श्रेष्टी बच्चा मेरे वेरी गुड बहुत अच्छा आगे आगे चलो ना मेरे साथ से. जब इतने क्वेश्चन थर्टी सेवन नंबर पे आ गए तो अब तक तो हमें सब कुछ आ जाना चाहिए अब तो मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं हम तो यहाँ पर लिखेंगे एज पर सेक्शन नंबर हमारा थर्टी सॉरी वो ना थर्टीन एज पर सेक्शन नंबर थर्टीन टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में क्या किया जाएगा इन केस वेयर रिवर्स इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज from associated enterprises, from the associate enterprises, time of supply हमें पता है ये वो है time of supply will be what सर यहाँ पर होगा अपना uh, <coughs> payment receiving की date आ गई और bookish एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट विच एवर इज अर्लियर वो यहां पर आ जाती है अब एसोसिएट एंटरप्राइजेस को भी हम बताकर चलेंगे सेक्शन नंबर दो जो है हमारा उसमें बोलता है कि वो एसोसिएटेड एंटर uh, uh, जो होंगे वो कौन कौन से और कैसे कैसे अपने रखवाए जाते हैं तो मालिक एसोसिएट एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बारे में भगवान बिल्कुल भी झूठ ना बुलाए ना बुलाए ना बुलाए हम क्या कर सकते हैं एसोसिएट एंटरप्राइजेज एज डिफाइंड इन सेक्शन 92 टू ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये ऐसे बोलता है कि इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन कर रखा है वहां पर कुछ बहुत सारी कंडीशन आती हैं। ये भी कि 26 परसेंट से ज्यादा होल्डिंग तो है। है इतना पोर्शन याद ना हो तो भी चलेगा तो इस पर लोड मत लीजिएगा बिल्कुल भी ठीक है अच्छा जी अब आ जाइए अपना जो एनालिसिस एंड कंक्लूजन पर ले आते हैं बात को तो इन द गिवन क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन सप्लायर एंड रेसिपियंट जो पार्टीज़ हैं दीज आर एसोशिएटेड एंटरप्राइजेस इन द लाइट ऑफ सेक्शन नंबर दो सेक्शन नंबर दो के मुताबिक इनको एसोशिएट एंटरप्राइजेस कहा जाएगा और यहां पर जो बात करेंगे हम वो इस तरह से करके चलेंगे कि डेट ऑन विच सर्विस वॉज प्रोवाइडेड बाई वैंकी ये डेट आ गई डेट ऑन विच इनवाइस इज इशूड वो आ गया डेट ऑफ डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आ गया डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड तो पहली बात तो आएगी यहाँ पर ये पेमेंट की डेट हमारी क्या ली जाएगी पेमेंट इज मेड बाई हुडू ट्वेंटी थर्ड दिसंबर तो ये आ जाती है ट्वेंटी थर्ड दिसंबर और क्या चाहिए मुझे और चाहिए मालिक इसमें बुकिश एंट्री की डेट वो कौन सी आ रही है सर जी सर जी <coughs> बुकिश एंट्री की डेट आ रही है डेट ऑफ डेबिट एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ होडो लिमिटेड तो ये आएगी अपनी 30th सितंबर जो बुकिश एंट्री आई वो 30th सितंबर यहाँ आ जाती है और इन दोनों में विच एवर इज अर्लियर में आ जाएगा अपना थर्टीथ सितंबर की डेट एंड यही आकर आपकी बना दी जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई की डेट आई होप ये बात समझ में आ गई होगी तो कितना आसान है मालिक लाइव लाइव सेक्शन में आ जाएगी लाइव मतलब यस सर हाँ मैं डाल दूंगा जी साहब ओके जी हाँ एसोशिएट एंटरप्राइजेस नहीं पता लगा मैंने बोला आपको ये फाइनल लेवल पर इसका लिंक आता है तो अगर आपको इसमें ज्यादा दिक्कत है तो वैसे छब्बीस परसेंट का क्राइटेरिया है तो मैं आपको बता दूं वैसे करके कि एसोसिएट एंटरप्राइज अगर होता है तो ऐसे करके लिया जाता है तो इतना पोर्शन नहीं भी लिखेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है करेक्ट यस yes. तो थर्टी सेप्टेंबर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस सिचुएशन करेक्ट है जी ओके okay. आगे चलिए साहब अब ये मान के चलो कि आपके लिए वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ गया आ गया थर्टी एट वही एग्जाम का प्रेशर पकड़िए दिमाग पर वही एग्जामिनेशन हॉल पोजीशन में बैठिए और पढ़िए उसी प्रेशर के साथ एन ऑर्डर इज प्लेस्ड क्वेश्चन थर्टी एट एन ऑर्डर इज प्लेस्ड टू टी एंड कंपनी शोलापुर ऑन एटीन ऑफ अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फॉर सप्लाई ऑफ फैब्रिक टू मेक रेडीमेड गारमेंट्स कंपनी डिलीवर्ड द फैब्रिक ऑन फोर्थ सेप्टेंबर जो कि यहां डिलीवरी की बात कर रहा है वो फोर्थ सितंबर को कर दिया गया है एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर इशू द इनवाइस ऑन फिफ्टींथ ऑफ सितंबर पंद्रह सितंबर को भाई साहब इनवाइस इशू किया जाता है द पेमेंट द सेम वॉज रिसीव्ड ऑन थर्टी सितंबर को पेमेंट की बात करी जा रही है डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट अंडर सी जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड एंड विद योर एक्सप्लेनेशन तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर पहले रफली आंसर मुझे कर दीजिए कि इस केस में क्या किया जाएगा कौन सी वाली जो डेट है वो यहाँ पर कंसिडर करी जाएगी कि दिस इज अवर टाइम ऑफ सप्लाई ऐसे करके मालिक बोलिए, फोर्थ सेप्टेंबर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई जब आप इसका लीगल प्रोविजंस लिखने बैठेंगे तो उसमें किसका रेफरेंस देंगे आप सर? सर एक तो देखिए चूंकि हम बात कर रहे हैं गुड्स की तो सेक्शन नंबर जाएगा हमारा ट्वेल्व ऑफ सीजीएसटी एक्ट का रेफरेंस जाएगा उसमें बताना कि अगर आपका जो इनवाइस है वो टाइमली इशू होता है तो क्या होगा अगर इनवॉइस आपका लेट इश्यू होता है तो क्या किया जाएगा ठीक है वह प्रोविजन गए फिर एग्जामेशन नोटिफिकेशन जो अपनी 66 2017 है तो उससे बताना कि भाई ये पेमेंट को इग्नोर करके चलती जैसा अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन करके दिखाया था वो प्रोविजन यहां पर आ जाएंगे इसके बाद में फिर वो देखिए आई थिंक देखो इसी पैटर्न पर मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको इसी पैटर्न पर हमने क्वेश्चन किया है कौन सा वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता ये चीकू ट्रेडर्स वाला ये तो क्वेश्चन है अपना है कि नहीं बताइए अब यहां पर फिर वो रेफरेंस आ जाएगा कि भाई सब सेक्शन नंबर जो मेरा थर्टी वन है उसके लिए मेरा जो इनवाइस है वो कब तक इशू हो जाना चाहिए क्योंकि रिमूवल का मामला हो रहा है तो जो रिमूवल की डेट है वहां तक मेरा इशू ये हो जाना चाहिए तो यह रिमूवल क्या सीधे डिलीवरी की डेट पकड़ा रखी तो मैं इसे की कोई रिमूवल की डेट यहाँ पे मान के चलूंगा तो फोर्थ सेप्टेंबर तक अब एनालिसिस पार्ट के अंदर आ जाएंगे कि फोर्थ सेप्टेंबर तक आपका ये इशू हो जाना चाहिए था लेकिन आपने इशू कब किया है सर आपने इशू किया है ये पंद्रह सितंबर को नहीं दिस इज द लास्ट डेट तो ये होगी आपके इन्वाइस इशुएंस की लास्ट डेट ये निकल के आएगी तो चूंकि इनवॉइस लेट जाता है तो जो लास्ट डेट होती है फोर्थ ऑफ सितंबर वो अपने यहां पर आ जाती है बाबू मेरे कर पाओगे या नहीं प्लीज मी हा या ना हर क्वेश्चन के बाद आना चाहिए कि यस, मैं कर दूंगा। तो बिल्कुल चीकू जैसा क्वेश्चन है ये। दिसंबर 2021 में पांच नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसका एक और पार्ट है क्या भला कहते हैं एच एम इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंगेज द सर्विस ऑफ ए ट्रांसपोर्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ ए कंसाइनमेंट on 20th May 2021. However, the consignment could not be sent immediately on account of a strike in the factory and instead was sent on 28th July 2021. Invoice was received from the transporter 20th June 2021 को और payment इस date को यहाँ पर करवाया गया है ऐसे करके मालिक तो बताइए इस केस में आप क्या करके चलेंगे तो भाई साहब अब देखिए चूंकि GTA की service है अब जी की जो सर्विस होती है उस पर आ, रिवर्स चार्ज भी लग सकता है और अपना जो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म है वो भी लगाया जा सकता है तो देखिए भाई साहब अगर भगवान झूठ ना बोला हमें आर सी एम एन की बात तो इन्होंने शायद नहीं कर रखी है हमसे कि क्या लगा क्या नहीं लगा है तो यहाँ पर अगर हम एन सी एम क्योंकि दोनों लग सकते हैं आर सी एम लगने के बावजूद भी यूटन का ऑप्शन होता है कि आप एन सी एम वहाँ पर लगवा सकते हो क्या अगर एन सी एम लगेगा फिर तो वही अपनी लीगल पोजीशन वही रहेगी जो ऊपर लिखकर हम आ रहे हैं है ना और उसके मुताबिक हम अपना जो प्रोविजन वही लेके चलेंगे भाई की जो लास्ट डेट होगी वो गुड्स रिमूवल की लास्ट डेट वहां पर रखवा दी जाती है तो ये आ जाएगी अपनी इसके मुताबिक कंसाइनमेंट सर्विस का मैटर है ना ये नहीं ये एक सर्विस सर्विस का मैटर है तो इसमें वो नहीं आएगा तो लीगल प्रोविजन के अंदर कौन कौन सा आएगा सेक्शन नंबर सर जी यहां पर थर्टीन आ जाएगा क्योंकि जी टी ए एक सर्विस है तो सेक्शन थर्टीन के मुताबिक उसमें ये बताया जाता है कि इनवाइस इशुएंस की डेट और आपकी लाइक like पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर वो यहां पर आपकी आ जाती है अगर इन आपका टाइम से इशू किया जाता है तो हाँ जी ठीक है सर जी एंड उसके बाद अगर इन्वॉइस आपका टाइम से इशू नहीं किया जाता है तो फिर क्या करते हैं सर उस केस के अंदर फिर हम करते हैं कि जो हमारी कंप्लीशन uh, की डेट होती है वो डेट और पेमेंट की डेट हो विच एवर इज़ अर्लियर जो दोनों में पहले हो वो अपना यहाँ पर आ जाता है मालिक बिल्कुल ठीक है जी ओके okay. और सर्विस सेक्टर है तो मुझे बताइए कि इसमें जो इनवॉइस इशुएंस की लास्ट डेट होती क्या है तो सेक्शन नंबर थर्टी वन का प्रोविजन यहाँ पर आएगा और वो बोलेगा कि सर्विस कब दी गई है को को सर्विस दी गई है तो उसके मुताबिक थर्टी डेज के भीतर भीतर आप इनवॉइस यहां पर दे सकते हैं और इसका मतलब मई में महीना हो गया अपना ये ग्यारह दिन यहाँ पर हो गए और भाई साहब आपके उन्नीस दिन आगे हो गए तो नाइनटीन मे के बाद ये बीस है ना कौन सी डेट पड़ेगी भाई देख के बताना ज़रा ट्वेंटी मे अप्रैल मात्र ग्यारह और यहाँ तो वैसे करके ठीक है तो ये नाइनटीन और बीस और टी तो यहाँ तक अपना दे सकते थे ये नाइनटीन आएगा ना हाँ नाइनटीन तो जून तक अपना ये दे सकते थे क्योंकि इसके दिन यहाँ पर पूरे हो जाते हैं इन्होंने इशू कब किया है इनवॉइस hmm. इनवॉइस इन फ्रॉम इश्यूड द ट्रांसपोर्टर ऑन ट्वेंटी वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर ऑन ट्वेंटी जून तो इनवॉइस तो भाई साहब ट्वेंटी जून को इन्होंने करा है ये तो मामला कड़ा पड़ गया आप क्या करें भाई साहब यहाँ पे आके बताइए बताओ सब क्या करें आप अब? अब यहां पर आकर इन टाइम से तो इशू नहीं हो रहा है अब कैलकुलेशन में ये उन्नीस जून ही आएगा हम्म 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 बताओ भाई उन्नीस जून ही आएगा ना ये लेकिन उन्होंने एक्चुअल में जो दिया है बीस तारीख को थर्टी डेज के अंदर अंदर इशू हो जाना चाहिए तो ट्वेंटी एथ मई में, में, में ग्यारह दिन हुआ होंगे उन्नीस जून तक आ जाना चाहिए था ठीक है इनवाइस वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर नया ट्वेंटी जून को तो लेट हुआ है इन वॉइस लेट हुआ है तो फिर इस केस के अंदर अगर एन सी एम अपना लग रहा है तो हम डेट क्या लेके चलेंगे कंप्लीशन डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर अर्लियर में आएगी अपनी कंप्लीशन वाली डेट और कंप्लीशन वाली डेट यहां पर है ट्वेंटी uh, तो अपनी यहां पर आ जाएगी एग्रीड और नॉट बताइए प्लीज एग्रीड और नॉट इन वॉइस थर्टी डेज के अंदर अंदर आ जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं आया है तो फिर हमारा प्रोविज़न कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर उस फंडा पे हम यहाँ काम करके चलेंगे वैसे पेमेंट की बात कब हुई थी यहाँ पर आकर पेमेंट कब था अपना एक मिनट रुक जाओ सर पेमेंट था इसके इसमें पेमेंट कहाँ था पच्चीस अगस्त को था तो पच्चीस अगस्त और ये ये में आएगा तो तो इसका इसका मतलब जो 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 आंसर आंसर है है आप निचला वाला से करेक्ट करके चलेंगे यहां पे आके ना तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो आंसर अल्टरनेट टू जो देख रहे हैं पे हम एजूमिंग इस पर एनसीएम अपना लगाया जा रहा है टाइम ऑफ सप्लाई ऑन सर्विस इनकेर इन वॉइस इज इशूड विद इन थर्टी डेज ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस तो ये आ जाता है डस इन द गिवन केस लेकिन यहां पर तीस दिन के अंदर इनवाइस इश्यू नहीं किया गया है प्रॉब्लम ये है क्योंकि आपका जो कंप्लीशन हुआ है वो ट्वेंटी मे को है और जो इनवाइस है वो ट्वेंटीएथ जून को है तो ये टाइम से नहीं है तीस दिन में नहीं है तीस दिन के बियॉन्ड आपका इनवाइस आ रहा है तो इसका जो आंसर है वो आपको ठीक करना पड़ेगा तो ये बियॉन्ड है तो इसका आंसर मैं ये काट रहा हूँ ये इसका बियॉन्ड जाएगा हालांकि ये सजेस्टेड आंसर है सी इंस्टीट्यूट का आंसर है हाँ तो तो इसमें बियॉन्ड थर्टी डेज की हम बात कर रहे हैं तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा कंप्लीशन uh, की डेट और अपनी पेमेंट की डेट तो कंप्लीशन की डेट जो आ रही है वो है ट्वेंटी जून और पेमेंट है ये अगस्त विच एवर इज अर्ली ट्वेंटी जून यहाँ पर आएगा एग्रीड और नॉट प्लीज मी येस और नो येस और नो में जवाब दीजिएगा फटाफट से तब तक मैं वो देखता हूँ कि अगर इस केस में आर लगा तो क्या होगा तो अगर आर लगता है तो वहाँ तो बड़ा ही आसान काम है उस किस्म हम लोग क्या करके चलते हैं कि जो भी हमारी पेमेंट क्रिएट होती है वो और इकसठवा दिन फ्रॉम इनवॉइस डेट इकसठवा दिन फ्रॉम इनवॉइस डेट विच एवर इज अर्लियर तो पेमेंट आ रहा है ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अगस्त को और जो इनवॉइस वॉइस से इकसठवां दिन काउंट करते हैं इनवॉइस कौन से डेट पे आया था हमारा <coughs> इनवॉइस था बीस जून को ना यस yes. Uh, बीस जून को कहा था क्या है सॉरी ये कंप्लीशन बीस मई को था ठीक कंप्लीशन उन्नीस को था ना ये सॉरी ये उन्नीस को था यहाँ पे कंप्लीशन कंप्लीशन कौन सा था बीस को था ना कहा गया रे 20 में 20th में 20th में सॉरी वन मंथ डायरेक्टली कंसिडर कर लिया है मे बी हाँ वो किया लेकिन वैसे होगा नहीं वन मंथ ये ट्वेंटी आएगा यहाँ पे कंप्लीशन डेट और ये डेट तो ट्वेंटी और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वैसे करके अब यहाँ से काउंट करते इकसठवा दिन फ्रॉम द इनवाइस तो मेरा एनवाइस की डेट थी बीस जून करके ना बीस जून की डेट थी ये और यहाँ से इकसठ दिन काउंट करने हैं तो जून में कितने आए भाई मेरे दस दिन जून में आए जुलाई में आ गए अपने इकतीस दिन जून जुलाई और इकसठ दिन चाहिए मुझे तो अगस्त में कितने पड़ेंगे ये इकतालीस हो गया बीस आ गया ना यस सर ट्वेंटी तो ट्वेंटी अगस्त ये डेट आ जाएगी जहां पर मेरे इकसठ दिन पूरे हो रहे होंगे तो पेमेंट डेट ये और इकसठ दिन आ गया 20th अगस्त आ गया एवर अर्लियर तो यहां पर अपना ट्वेंटी अगस्त ये निकलकर सामने आ जाएगा एग्रीड और नॉट यस तो यहां आंसर को ठीक कीजिएगा ये वाले को ठीक है जी यस सर अब आता है आपका अगला चैप्टर और चैप्टर का नाम है रजिस्ट्रेशन का तो यहां से देखते हैं क्वेश्चन uh, नंबर है थर्टी नाइन करके है द एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ संग्री सर्विसेज लिमिटेड डेहली एक्सीड कर रहे हैं रुपीज ट्वेंटी लैख ऑन ट्वेल्थ अगस्त ही अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन थर्ड सेप्टेंबर एंड वॉज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन सिक्स ऑफ सेप्टेंबर ठीक है यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस संगरी सर्विसेज एज टू वट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिस केस इट इज ऑल्सो सॉट योर एडवाइस रिगार्डिंग पीरियड ऑफ इशु रिवाइज क्या इस तरह का हम क्वेश्चन पीछे कर चुके कि नहीं वो केस स्टडी के फॉर्म में था और ये भी study, लेकिन उससे और सिंपलीफाइड है तो आप मुझे बताइए इसका जब लीगल प्रोविजन हम लिखेंगे तो हम कैसे करके लिखेंगे मालिक बताइए प्लीज सर देखिए रजिस्ट्रेशन का है और यह क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है आप देख रहे हैं क्वेश्चन में भले ही नाम चेंज है टोन चेंज है क्वेश्चन के लेकिन आंसर लगभग वैसा ही निकल के आएगा तो ये आएगा अपना यहां पर लीगल तो लीगल के अंदर मेरा आ जाएगा का आएगा ना जहां लिमिट के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना होता है एक इसमें आएगा बताइए ना प्लीज सेक्शन का, से का रेफरेंस आएगा सर सी ए फाइनल कल आएगा मेरे बच्चा सर यहाँ सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव आएगा जिसमें बोलते हैं कि भाई थर्टी डेज के भीतर भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा है आपने तो आपका uh, वो जिस दिन एक्सीड कर गए थे तो वहाँ से होगा इसमें आएगा दस लाख बीस लाख या चालीस लाख को क्रॉस करते हो तो ऐसे करके आ जाएगा और ये कहेगा इसमें आपका सेक्शन नंबर थर्टी वन में रिवाइज इन तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन नंबर था हमारा बताएंगे आप मुझे जरा जहां पर ये तीनों के तीनों प्रोविजन मेरे अप्लाई कराए गए हैं तो ऐसा मेरा जो क्वेश्चन था वो था सर जी यहां पर आकर भगवान झूठ ना बुलाए बिल्कुल भी चिदानंद वाला ये है लाइक क्वेश्चन नंबर बत्तीस आप समझ रहे हैं इस तरह से आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा यह क्वेश्चन चिदानंद के जैसा बिल्कुल भी नहीं है लेकिन उसी टोन उसी तर्ज पर है उसमें भी वही लीगल प्रोविजन यूज हो रहे थे जो कि आपको यहां पर यूज करके चलने हैं तो उसी पैटर्न पर अपना ये आ जाता है राइट सर वेरी गुड उसके बाद अब मेरा अगला कर दोगे ना इसको आप मैं करा चुका हूं इस तरह का क्वेश्चन आपको तो इसे हो जाएगा आराम से क्वेश्चन नंबर फोर्टी है और इसमें क्या बोलते हैं एग्जामिन वेदर सप्लायर इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस क्या इन केसेस के अंदर इनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी तो चालीसवां देख रहे हैं हैप्पी लिमिटेड हिमाचल प्रदेश के हैं और कुछ बता रखा है लिमिट की बात कर रखी है अक्की असम के हैं इनका टर्नओवर बता रखा है आरू असम के हैं बता रखा है तो मुझे बताएं लीगल प्रोविजन क्या करके चलें जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं जहां पर एक क्वेश्चन के कई सारे पार्ट्स उन्होंने कर रखे होते हैं और उनमें आ, एक जैसा ही लीगल प्रोविजन चाहिए होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉमन तरीके से एक लीगल प्रोविजन लिख लेनी चाहिए और फिर जब एनालिसिस करने बैठे तो वन टू थ्री करके हमें कर देना चाहिए तो लीगल प्रोविजन में आ, आएगा आपका एज पर सेक्शन नंबर Uh, 22 का प्रोविजन यहां पर अप्लाई किया जाएगा क्या लिखेंगे इसके अंदर अगर आप सर उसमें लिखेंगे कि अगर हमारा एग्रीगेट टर्न जो होता है वो अगर एक्सीड कर जाता है हमारे ऊपर जो एप्लीकेबल लिमिट है तो हमें उन स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होता है जहां जहां से हम टैक्सेबल सप्लाई अपनी कर रहे होते हैं ये सेक्शन 22 के अंदर अपना लिखा हुआ है फिर हम बताएंगे कि एज पर सेक्शन नंबर दो जो होगा जो डेफिनेशन का सेक्शन है हमारा एग्रीगेट टर्नओवर के लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना होता है उसकी परिभाषा लिखेंगे जिसके अंदर हमारी ऑल आउटवर्ड सप्लाई आ जाती है ठीक ऑल आउटवर्ड सप्लाई हमारी आ जाती है चाहे आउटवर्ड सप्लाई एनसीएम की हो या आरसीएम की हो पार्ट वन में इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है पहले हां बोलो हां ये पूरा फॉर्मली मैंने लिख के दिखाया था वहां आपको टैक्सेबल पर्सन चैप्टर था उसके अंदर ये हमारे आए थे एनसीएम हो या आर हो ठीक है जी इसके अंदर हम हमारी जो ऑल इनवार्ड सप्लाइज हैं उनको हम लोग एक्सक्लूड करके चलते हैं चाहे वो एन की हो चाहे वो आर की हो राइट ओके सर जी हम इसमें हमारे जो ओल्ड टैक्सेस हैं दैट इज अदर देन जीएसटी और कॉम्पनसेशन उसको हम क्या करते हैं एड करते हैं या एक्सक्लूड करते हैं सर उनको हम ना यहाँ इंक्लूड करके चलते हैं जीएसटी एंड जो होगा उसको एंड पर एक्सक्लूड किया जाता है ठीक है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहां पर जो क्लबिंग की जाती है वो ऑल इंडिया बेसिस पर की जाती है और वो पेन वाइज की जाती है आपने सारी बातें उसकी लिख दी कि एग्रीगेट टर्नओवर ओवर इसे कहते हैं फिर यहां पर आएगा कि हमारे ऊपर एप्लीकेबल लिमिट कौन कौन सी निकल कर आती हैं उसकी चर्चा यहां पर करी जाएगी तो ये वाली बात कहां दे रखी है सेक्शन नंबर 22 के अंदर बता रखा है उसमें तीन तरह की बातें की जाती हैं कि यहां अगर मान लीजिए आप लाइक मणिपुर मिजोरम नागालैंड और त्रिपुरा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आपको लाइन पूरी लिखेंगे ये, ओ, क्लियर है ना आपको मैं एक एक शब्द बिल्कुल फॉर्मली लिखूंगा तो बाबू फिर बहुत समय लग जाएगा

कि जब गाड़ी चलाते प्रैक्टिस करते करते जब प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी खासी तो क्या आपको ये याद रखना पड़ता है कि पहला गियर शुरू में डालने के बाद दूसरा गियर 20 की लिमिट पर चेंज करना है तीसरा गियर 40 पे डालना है उसके अगला गियर 60 की स्पीड डालना फिर 90 पे डालना है टॉप गियर 80 90 पे डालना क्या ये आपको याद रखना पड़ता है ब्रेक किस गति से आपको लगाने हैं नहीं ना क्यों क्योंकि मेरे बच्चा याद हमें वो चीज रखनी पड़ती है जो हमारे व्यवहार में नहीं है जिसे हम जी नहीं रहे हैं जिसे हम लगातार फॉलो नहीं कर रहे हैं साइकिल चलाना आता है तो साइकिल कैसे चलाते हैं यह याद रखने की जरूरत नहीं है गाड़ी चलाने की अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो यह याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कौन सा गियर कौन सी जगह पर जाके पड़ेगा क्योंकि वो हमारे व्यवहार में है ऐसे ही जब टैक्स लॉ हमारे व्यवहार में आ जाता है व्यवहार में चीजें आती हैं प्रैक्टिस करते 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 व्यवहार में प्रोविजन आ जाते हैं तो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती रे बच्चे को समझ में आ गया अगर सेक्शन बाईस के साथ एग्रीगेटर्न ओवर तो आएगा ही आएगा बिल्कुल वो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि फिर चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है वो हमारे व्यवहार में आ जाती है बोलो बात पकड़ में आई कि नहीं आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ठीक है सर दस लाख की लिमिट यहां पर आ जाती है इफ़ यू आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम एनी ऑफ द स्टेट नेमली स्टेट है उसमें ए <coughs> पी uh, है यू के है पी है और यूके है मालिक एंड ए पी यू के मेघालय सिक्किम एंड 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 मेघालय सिक्किम हो गया और uh, तेलंगाना और पुंडचेरी तो यहां लिमिट रहेगी आपकी बीस लाख रुपए की ठीक है उसके बाद अगर आप अदर स्टेट्स या यूटी में बात कर रहे हैं तो वहां कई सारी बातें हो जाती हैं अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील कर रहे हैं अदर देन टोबैको पान मसाला आइसक्रीम वगैरह जो गुड्स हैं अपने रूफिंग टाइल्स जो भी अपने यहाँ पे तो उनको आ, उनके अलावा कर रहे हैं तो लिमिट आपकी 40 लाख ,00 की रहेगी अगर आप गुड्स प्लस सर्विस में डील कर रहे हैं लिमिट आपकी 20 लाख ,00 की रहेगी अगर आप गुड्स प्लस सर्विस सर्विस में कौन सर्विस इंटरेस्ट वाली सर्विस है तो लिमिट आपकी चालीस लाख ,00 पर वापस लॉट किया जाएगी अगर आप स्पेसिफाइड गुड्स टोबैको आइसक्रीम पान मसाला टाइप में डील कर रहे हैं तो भी आपकी लिमिट यहाँ पर 20 लाख ,00 ही रखवाई जाएगी तो एग्रीगेट टर्नओवर और लिमिट दोनों की मैंने बात कर दी है अब यहाँ पर जब मैं अपना करूंगा मालिक एनालिसिस एंड कंक्लूजन जब अपना हम यहां पे करके चलेंगे तो क्या किया जाएगा एनालिसिस एंड कंक्लूजन की जब बात करेंगे तो क्या करके चलेंगे मेरे भूरा <laughs> तो इसमें क्वेश्चन जो था वो मेरा ये था कि बताइए है पहला पॉइंट इसमें यस सर पहला पॉइंट मेरे सामने सारा लॉ हिमाचल प्रदेश एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पान मसाला इट्स एग्रीगेटर इन द करंट फाइनेंशियल तो भाई साहब एग्रीगेट टर्न ओवर आपका आ रहा है कितना मालिक ट्वेंटी फोर लेख आ रहा है और इन द लाइट ऑफ अब प्रोविजन योर जो एप्लीकेबल लिमिट है वो आ रही है पान मसाला की आप बात कर रहे हो तो भाई साहब जी लिमिट लगेगी आपके ऊपर कौन सी जी बोलो हिमाचल प्रदेश यानी अदर स्टेट में पान मसाला है लिमिट आ जाएगी आपके ऊपर चालीस लाख रुपए की क्या आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत सॉरी सर, बीस लाख की लिमिट आएगी आपके ऊपर बीस लाख रुपए की तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत पड़ेगी ओ या 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 हमें रजिस्ट्रेशन यहां पे करवाना पड़ जाएगा अक्की लिमिटेड ऑफ आसम इज एक्सक्लूसिवली

तो अगर सर्विस खाली सर्विस में भी डील कर रहे हो भी लिमिट आपकी बीस लाख ,00 की रहेगी तो यहां पर आकर इस सर्विस में डील कर रहे हैं तो लिमिट अभी भी इनकी बीस लाख रुपए की रहेगी और इस लिमिट के चलते हुए इन्हें यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत पड़ जाएगी वैसे करके मालिक बोल दिया जाता है आगे कह रहे हैं आरू लिमिटेड है असम के इंटरस्टेट है वो टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस की बात कर रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर 30 तीस लाख का बनता है तीस लाख का बनता है एग्रीगेट टर्नओवर एंड इनकी जो लिमिट एप्लीकेबल होती है वो गुड्स और सर्विस दोनों में डील कर रहे हैं अब सर्विस कौन सी वाली है मैं तो ये मानूंगा कि अदर देन इंटरेस्ट है और तो इनके ऊपर लिमिट अपनी बीस लाख रुपए की एप्लीकेबल हो जाएगी ये वाली और इसके चलते इनको भी यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा आई होप बात समझ में आ गई होगी मालिक कॉन्फिडेंस आता जा रहा है ना हाँ बोलो हाँ हाँ सर जी आता जा रहा है तो चलो आगे बढ़ते हैं आगे है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टी करके है क्या कहता है मालिक अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन ट्वेंटी नाइन वन ट्वेंटी नाइन वन क्या है ट्वेंटी नाइन वन के अंदर क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन और सेक्शन ट्वेंटी नाइन में देखो बाईस तेईस चौबीस में तो आता है वही कि रजिस्ट्रेशन कब करवाना है किसको करवाना है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन पच्चीस छब्बीस और सत्ताईस में आता है आपका पी डी सी यानी प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन डी फॉर डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड सी फॉर कैजुअल टैक्सीबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सीबल पर्सन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन और थर्टी ये रजिस्ट्रेशन के अपने सेक्शंस आते हैं ट्वेंटी एट में आता है अपना यहाँ पर अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्वेंटी नाइन में आता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और थर्टी के अंदर आ जाता है यहाँ पर रिवोकेशन तो ये जो क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं ये आपका कैंसिलेशन पर बेस्ड है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन ट्वेंटी जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन रिलेटिंग टू सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द पीरियड शन ऑफ रजिस्ट्रेशन तो जब हम कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं एक तो हम अप्लाई करने के लिए जाते हैं। एक अधिकारी उसे कैंसिल कर सकता है जब मैं एप्लीकेशन लिखकर जाता हूं कि मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाए तो इमीडिएटली कैंसिल नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसे सस्पेंड कर दिया जाता है स्टेट थियोरी क्वेश्चन है अपना यह ठीक है उसे सस्पेंड किया जाता है तो आप मुझे बताइए मालिक जब उसको वहाँ पर सस्पेंड किया जाता है तो कौन सी डेट से वो अपना इफेक्टिव होता है सर उसमें बोलते हैं कि देखिए एक तो आपकी जो डिज़ायर्ड डेट है कि कौन सी डेट से आप मांग रहे हो और कौन सी डेट पर आप एप्लीकेशन लेकर पहुँचे हो आज तारीख कितनी है मान लेते भाई मान के लेते हैं आज फोर्टीन मार्च हो गया ठीक है आज हम अपनी एप्लीकेशन लेकर जा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो एक अप्रैल से खत्म कर दिया जाए तो सस्पेंशन कब से इफेक्टिव होगा एक अप्रैल से या चौदह मार्च से आज मार्च है ना चौदह मार्च से या फिर एक अप्रैल से मैं बोल रहा हूं कि एक अप्रैल से मेरा कैंसिल हो जा मतलब हो जाना चाहिए तो विच एवर इज लेटर क्योंकि दस मार्च तो नहीं करूंगा ना चौदह मार्च तो नहीं करूंगा क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं यहां पर आकर है ना ठीक सर जी

सेक्शन ट्वेंटी नाइन के मुताबिक जब पति पत्नी की बोलचाल बंद हो जाती है तो फिर उसमें क्या नहीं कर सकते क्या पत्नी खाना बनाकर देगी नहीं खाना बनाकर बिल्कुल भी नहीं देगी ना क्या पति कमा कर ला कर देगा नहीं मतलब इसमें क्या होता है सीधी सीधी बात कि देखिए हम कोई यहां पर इनवॉइस इशू नहीं कर सकते इसका मतलब यह है कि हम कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते यह मना ही नहीं है बिजनेस कर सकते हैं अपना लेकिन हम इनवॉइस इशू नहीं कर सकते मतलब कि जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते और ना ही हमें कोई रिटर्न वगैरह फाइल करने की जरूरत है ड्यूरिंग दैट पीरियड और ना ही कर सकते हैं क्योंकि हमने जीएसटी कलेक्ट अपना किया ही नहीं है कोई रिफंड वगैरह भी अगर हमें सरकार से लेना बनता है तो वो भी यहां पर पॉसिबल नहीं है यानी कि नो लेन देन न सरकार को देना है ना सरकार से लेना है ये कलाकारियां वहां पर अपने अंदर की जाती है तो ये अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछा गया है जिसका आंसर बड़ी ही आसानी से यहां पर लिखा जा सकता है मालिक ऐसे करके बोल देते हैं क्या लिखा है देखिए वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रेशन शेल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन जैसे कि के हमारे केस में फोर्टींथ मार्च और द डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज सॉट मतलब जिस दिन जो आपकी डिजायर्ड डेट है कि मुझे यहां से कैंसिल कराना है एवर इज लेटर पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ठीक है जी सच पर्सन शेल नॉट मेक एनी टैक्स नहीं कर सकता ड्यूरिंग द पीरियड एंड शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी रिटर्न ना जीएसटी कलेक्ट कर सकता है और ना ही गवर्नमेंट को पे करना है एक्सप्रेशन शेल नॉट मेक एनी टेक्सीबल सप्लाई इसका मतलब क्या है कि वो धंधा तो अपना कर सकता है लेकिन जीएसटी आगे कलेक्ट नहीं कर सकता है ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है ठीक नो रिटर्न नो रिफंड राइट सर आगे बढ़िए मालिक ओहो भाई साहब ओ भाई साहब मेहरबान कदरदान साहिबान हो जाइए तैयार इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर के लिए यहां पर हमें सिखाए जाते हैं सेक्शन नंबर सिक्सटीन सेक्शन नंबर सेवनटीन और सेक्शन नंबर एटीन यहां पर हमारे सिलेबस का हिस्सा बनते हैं हल्का सा क्विक रिवीजन दे दूं सेक्शन नंबर 16 में हम आईटीसी इवन सभी सेक्शंस के अंदर हम आईटीसी बुक करने की बात करते हैं सेक्शन 16 के अंदर बारह तरह की कंडीशंस हैं जिनको पूरा करने पर ही हमें आईटीसी अवेलेबल होता है फटाफट मेरे साथ साथ चलिएगा कि हम कौन कौन सी कंडीशन अगर मुझे आईटीसी बुक करना है तो मुझे क्या किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा नंबर एक मुझे एक टैक्स पेड डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में होना चाहिए चाहे वो इनवॉइस हो सकता है डेबिट नोट हो सकता है इश्यूड बाई द सप्लायर आर का मामला है तो वहां पर मेरा सेल्फ इन्वॉइस चल सकता है जो मैं खुद के लिए यहां पे काट के रखता हूं इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मैटर बिल ऑफ जो एंट्री होती है वो यहां पे चलेगी जिसके बेस पर हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि हाँ हाँ मालिक हमने टैक्स का पेमेंट किया है अगर मैं कंपोजिट डीलर से खरीद के चलता हूं तो एक परसेंट जो उसे गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है वो मुझसे चार्ज नहीं करता मालिक और वो मेरे लिए इनपुट टैक्स नहीं होता ना ही मुझे उसका आईटीसी मिलता है तो मैं बिल ऑफ सप्लाई जो मुझे कंपोजिट डीलर से मिलता है उसके बेस पर मैं आई बुक नहीं कर सकता पहली कंडीशन हो गई दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी सप्लाई मैं ले रहा हूँ चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की हो मुझे रिसीव हो जानी चाहिए या मेरे बिहार पर या मेरे बिहार पर या मेरे बिहार पर किसी थर्ड पर्सन को रिसीव हो जानी चाहिए द मोमेंट वो रिसीव होगी उस दिन मुझे रिसीव मान लिया जाएगा अगर लॉट में माल आ रहा है तो जब लास्ट लॉट आ जाएगा जब कंप्लीटली मेरे पास आ जाएगा तब उसको रिसीव माना जाएगा और उस महीने में मैं यहां पर आई बुक करने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा सप्लायर ने अपना पूरा टैक्स जमा करा रखा हो मैंने भी अपना टैक्स जमा करा रखा हो तो ही मुझे आई अवेलेबल होगा मान लीजिए कि उस बंदे ने अपना जीएसटी तो दिखा दिया इधर मेरे पास में भी आ जाता है मैं उस समय तो क्रेडिट बुक कर लूंगा लेकिन अगर बंदे ने टैक्स अपना फाइनली जमा नहीं कराया तो जो मैंने ले रखा था तो वो मेरा वापस हो जाएगा तो अल्टीमेटली उसे अपना टैक्स जमा कराना ही पड़ेगा पहले 5 वाला आया करता था कि अगर वो कुछ अपने इनवॉइस वगैरह को अपडेट नहीं करता अपनी आउटपुट लाइविटी क्रिएट नहीं करता है तो मुझे पांच परसेंट कुछ क्रेडिट मिल जाएगा अब वो पांच परसेंट वाली बात भी खत्म हो गई है सीधी सी बात ये है वो देगा तो मुझे मिलेगा वरना मुझे नहीं दिया जाएगा ठीक उसके बाद अब आगे आती है आपकी 180 दिन वाली कंडीशन कि ठीक है जब मेरे पास मैं ट्रांजैक्शन के अंदर जब रिसीव होता है तो मैं मेरी किताबों के अंदर आईटीसी बुक कर लेता हूं लेकिन मुझे 180 दिन के अंदर अंदर सामने वाली पार्टी के बिल का पेमेंट कर देना होगा अगर मैं ऐसा करता हूं तो ओके है नहीं तो एक सौ इक्यासीवे दिन मुझे जो क्रेडिट मैंने लिया था वो पूरा या प्रपोर्शन एज द केस में भी रिवर्स करना पड़ जाता है और फिर मैं उसे रीअवेल कर सकता हूं कब, -कब रियल कर सकता हूं पेमेंट बेसिस पर जब जितना पेमेंट पार्टी को करूंगा उसके हिसाब से प्रपोर्शनेटली मैं उसे रियवेल कर सकता हूं यह वाली बात कई जगहों पर एप्लीकेबल नहीं होती अगर मेरी एफओसी सप्लाई है तो एक दिन वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी अगर आरसी वाला मामला बनता है तो वहां पर भी ये 180 दिन वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी मैंने अगर सप्लायर के बजाय उसके ब्याह पर किसी और को पेमेंट कर दिया है तो ये पेमेंट ही किया हुआ माना जाता है तो यहां पर भी बात है सेक्शन ये जो 180 वाली क्लॉज है ये नहीं कराई जाएगी। ऐसे करके यहां पर मालिक बोल दिया जाता है और क्या कंडीशन आती हैं जो मैं अपनी इनवाट सप्लाई यहां लेकर आया हूं वो मेरी बिजनेस पर्पज के लिए यूज होनी चाहिए कैपिटल गुड्स लेकर आया हूं तो मेरा होल लाइफ इस्तेमाल होना चाहिए अगर बीच में धोखा दे दिया तो दिक्कत वाला काम यहां पर आकर हो जाता है मालिक बिल्कुल ठीक है सर जी और क्या था और यहां पर लाइक मेरी जो सप्लाई है वो नेगेटिव लिस्टेड सप्लाई जो सेक्शन सेवन सब सेक्शन फाइव में आती है वो नहीं होनी चाहिए फ्रॉडलेंट इंटेंट का केस नहीं होना चाहिए कैपिटल गुड्स अगर मैं लेकर आया हूं उसमें जो जीएसटी कॉम्पोनेट है या तो उसका मैं आईटीसी क्लेम करूंगा और आईटीसी क्लेम कर लिया है तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उस पोर्शन पर डेप्रेशन क्लेम नहीं होगा और अगर डेप्रेशन क्लेम कर लिया मैंने उस टैक्स वाले पोर्शन पर इनकम टैक्स के अंदर तो मुझे यहां पर आईटीसी अवेलेबल नहीं कराया जाएगा तो इधर आई और डेप्रिसिएशन ऑफ द टैक्स कॉम्पोनेंट

जहां पर हमारे सेक्शन एटीन सब सेक्शन वन में चार पॉइंट हैं ए बी सी डी जिसमें बोलते हैं कि भाई हम ब्लैक एंड वाइट लाइफ से कलरफुल लाइफ में जाते हैं कि पहले हम आईटीसी बुक करने के लिए एलिजिबल नहीं थे अब एलिजिबल हो गए हैं तो कैसे कैसे करके चलेंगे जो भी बच्चा कुचा यहाँ पर लेकर जाते हैं उसका आईटीसी हमें अवेलेबल करवा दिया जाता है ऐसी वाली बात वहां पर दे रखी है एटीन टू के अंदर बताया जाता है कि एक साल पुराना जो आपके बिल्स हैं उन्हीं का क्रेडिट आपको यहां पर अवेलेबल हो जाता है सेक्शन एटीन के अंदर एटीन थ्री के अंदर भी कुछ तरह की बातें की जाती है एटीन फोर एटीन फाइव एटीन सिक्स के अंदर हमारी ये चर्चा की जाती है आगे जो एटीन सिक्स है उसमें बोलते हैं कि अगर आपके पहले आईटीसी बुक करने के लिए एलिजिबल थे लेकिन आप नहीं रह जाते कैपिटल वगैरह था अपना बेचवाच दिया है तो उस केस में आपको वहां पर रिवर्सल करने पड़ जाते हैं ऐसे करके मालिक बोला जाता है आइए देखते हैं कि ये प्रोविजन हमारे व्यवहार में कितने यहां पर आ रहे हैं राइट यस सर कोई सा भी ले सकते हैं मेरे बच्चा सृष्टि यस सर तो चलें सिद्धि लिमिटेड आप देखना कि आप इस चैप्टर के कितने क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हैं कितने में आके रुकते हैं है ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने यहां पे तैयार किए और खूब अच्छी खासी प्रैक्टिस मैंने यहां पे करवाई है कई सारे क्वेश्चंस हैं इस पर बेस्ड तो फोर्टी एट तक हैं फोर्टी एट तक है सात आठ सात क्वेश्चन हो गए ना यस सर आराम से सिद्धि लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड मैनुफेक्चर एंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स सिद्धि लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी दर्टिकुल आर प्रोवाइडेड जी कैपिटल गुड्स परचेज किया गया है तो मालिक कैसे करोगे मैं जरा इधर आ जाता हूँ ये कैपिटल गुड्स परचेज किया है ये है, ये कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ आई टी नेसेसरी uh, एक्सप्लेंस आपको देनी है और ये बता के चलना है ठीक है तो ये क्या चाह रहा है ये आपके ये प्लस माइनस को चेक करना नहीं चाह रहा वो ये चाह रहा है कि क्या इनके पीछे का लॉ आपको पता है या नहीं पता है तो मैं इसके लिए बना के चलता हूँ मालिक यहाँ आइए जरा हम इसको कैसे अपना सॉल्व करके चलेंगे क्वेश्चन नंबर है मेरा फोर्टी टू करके जी साहब सिद्धि लिमिटेड का केस है ये और स्टेटमेंट आईटीसी पूछ रहा है ना स्टेटमेंट ऑफ आई टी सी की हमें वो कितना दिया जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा लिख दीजिएगा यहां पर हमारे पर्टिकुलर्स आ जाएंगे आराम से बिल्कुल आराम से ये पर्टिकुलर्स आ गया और यहां पर हमारा ये अमाउंट मालिक आ जाता है ठीक है <laughs> तो कैपिटल गुड्स परचेज ऑन विच डेप्रिसिएशन हैज बीन टेकन ऑन फुल वैल्यू इंक्लूडिंग इनपुट टैक्स देयर ऑन तो जो मेरा ये कैपिटल गुड्स खरीदा गया है जिस पर डप्शन ले चुके हैं मुझे फटाफट आंसर करते रहिएगा प्लीज आरसीएम का क्या ट्रीटमेंट होता है आईटीसी में आएगा आर उसी क्वेश्चन आएगा डोंट वरी मैं कराऊंगा यहां पर आपको सारे क्वेश्चन बाई हैंड करके देख रहे हैं हम यहां से कैपिटल गुड्स का क्या इसका आईटीसी मिलेगा नहीं इसका आईटीसी नहीं आएगा रीजनिंग लिखिए यही हाथ के हाथ एज पर सेक्शन नंबर सिक्सटीन में ये लिखा हुआ था कि वेयर वेयर डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन क्लेम्ड ऑन जी एस टी कॉम्पोनेंट अगर बोले लिया जाता है देन नो आई टी सी शेल बी अलाउड तो आई टी सी यहां पर अलाउड नहीं होगा इस वजह से भाई साहब मैं इसे मिल करके चल रहा हूं ठीक है जी फटाफट बोलते रहिएगा प्लीज गुड्स परचेस्ड इन जनवरी गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रवि ट्रेडर्स

रवि ट्रेडर्स वाले केस के अंदर कि रवि जो परचेज किया इसमें भी अपना नील रहेगा और यहां लिखेंगे एज पर सेक्शन नंबर सिक्सटीन उसमें लिखा हुआ है कि गुड्स सप्लाई गुड्स या सर्विस की जो सप्लाई है मस्ट बी रिसीव्ड मस्ट बी रिसीव्ड टू अवेल आईटीसी देयरफॉर आईटीसी टी सी ऑफ रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड विल बी अवेलेबल लिखेंगे साफ तौर पर विल बी अवेलेबल इन द मंथ ऑफ मार्च इन द मंथ ऑफ मार्च एंड नॉट इन जनवरी इसका जनवरी में ना मिलेगा मार्च में जाके मिलेगा यह बिल्कुल है ना आम बोलचाल की भाषा उसमें मुझे काम करके चलना है यहां पर आकर ठीक है अच्छा जी कार परचेस्ड फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ कार सच कार इज डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट वाइल बींग यूज फॉर टेस्ट ट्राई बाई द पोटेंशियल कस्टमर क्या मुझे इसका आई टी सी मिलेगा या नहीं मिलेगा जी कार की बात करते हैं ना ठीक है तो यहां देखिए दो तरह से क्वेश्चन को किस प्ले किया गया है तो यहां लिखेंगे एज पर एज पर सेक्शन नंबर सेवनटीन सबसेक्शन फाइव की जो आई टी सी होता है ऑफ कार की अगर हम बात करके चले तो वो अलाउ किया जाता है फॉर सेलेक्टेड पीपल्स सेलेक्टेड को अलाउ किया जाता है उनके अंदर जो कार डीलर्स हैं वो भी आ जाते हैं बट सेक्शन नंबर 16 के मुताबिक अगर सेक्शन 17 को देखो तो वहां तो प्रॉब्लम नहीं है बट सेक्शन सिक्सटीन ये मेरा बोलता है कि अगर मेरा कुछ गुस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है लॉस्ट हो जाता है या नॉट इन यूज हो पाता है तो मुझे उसका आईटीसी टी अलाव नहीं किया जाता है इस वजह से मैं यहां पर उसको डिनाई करके चल रहा हूं तो जिस सोच के साथ उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा है उसी सोच के साथ मैंने उसको यहां पर आंसर भी दे दिया है साहब ओके सर जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अरे भाई बता दिया करो खुशी अग्रवाल सर कहाँ मिलेंगे साठ क्वेश्चन का पीडीएफ मेरे बच्चा ये मिलेगा मेरी वेबसाइट सी डॉट कॉम के फ्री रिसोर्सेज के अंदर ये आपको अवेलेबल हो जाएगा ठीक है जी यस सर आगे चलिए जरा अगला डालते चले ना ये पहला हो गया ये दूसरा हो गया ये मेरा तीसरा हो गया ये चौथा पॉइंट हो गया गुड्स यूज फॉर सेटिंग अप टेलीकोम्युनिकेशन टावर बींग इमूवेबल प्रॉपर्टी अच्छा जी तो जो गुड्स यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी के इस्तेमाल किया गया है उसका सीन क्या रहेगा क्या मुझे उसका आईटीसी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा या नहीं होगा मालिक नहीं साहब इसका आईटीसी भी आपको अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा क्योंकि सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो गुड्स यूज किए जाते हैं फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तो उनका आई को हम ब्लॉक करके चलते हैं इसलिए भाई साहब इसका आई अवेलेबल नहीं करवाया जा सकता है टेलीकम्युनिकेशन जो टावर है इन्होंने बता रखा इमूवेबल लेकिन ये तो मुझे भी पता है कि उसको स्पेशली बोला जाता है इमूवेबल साथ में इसमें एक बात और बोली गई थी कि जो पाइपलाइन होती है अगर फैक्ट्री के अंदर होती है तो उसे तो प्लांट मशीनरी का हिस्सा मान लेते हैं लेकिन जो पाइपलाइन फैक्ट्री के बाहर होती है उसे प्लांट मशीनरी का हिस्सा नहीं मानते वो एक इमूल प्रॉपर्टी की की तरह ट्रीट की जाती है तो जो पाइपलाइन इनसाइड है उसके कनेक्टेड कोई गुड्स यूज किया है है तो तो उसका तो मिल जाता बाहर वाले का अवेलेबल घर वाली का मिल जाता है बाहर वाली का नहीं मिलता पाइपलाइन की बात कर रहा हूं ठीक है जी ओके टेलीकम्युनिकेशन की हमारी बात हो गई ये नहीं मिला हमें उसके बाद में गुड्स परचेस्ड फ्रॉम पूजा लिमिटेड पांचवा फुल पेमेंट इज मेड बाय सिद्धि लिमिटेड टू पूजा लिमिटेड अगेंस्ट अ सप्लाई बट नो टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड बाय पूजा लिमिटेड मुझे बताइए जनवरी के महीने में जनवरी के महीने में मुझे ये आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा टैक्स जमा नहीं कराया सामने वाली पार्टी ने मैंने तो पूरा पेमेंट कर दिया मेरे पास इनवॉइस भी आ गया उसने टैक्स जमा नहीं कराया तो मुझे यहां पर आईटीसी में क्लेम करूंगा या नहीं करूंगा देखिए अच्छा पॉइंट है खतरे का निशान लगा लीजिए यहां पर आप गड़बड़ कर सकते हैं मुझसे जनवरी का पूछा गया है से पूरा ये नहीं पूछा कि आगे तक क्या होगा वो बताइए भैया जनवरी के महीने के अंदर क्या है कि शुरू में भाई GSTR1 में दिखाया होगा मेरा अपना invoice है तो में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा तो मैं का यहां पर आईटीसी अभी तो बुक कर लूंगा हाँ, वो आगे चलकर पक्का पक्का रिवर्स हो जाएगा जब सामने वाली पार्टी उसका पेमेंट नहीं करके चलेगी लेकिन अभी एज ऑफ नाउ मैं इसे यहां पर अवेल करके चलूंगा आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी हाँ बोलो पहले हाँ ये दस हजार का मैं आईटीसी आज अपना क्लेम कर लूंगा मेरे बच्चा जी वो अलग बात है कि आगे चल के मुझे इसका रिवर्सल करना पड़ जाएगा क्योंकि सामने वाली पार्टी पेमेंट नहीं कर रही है तो आज तो मैं इसको बुक कर सकता हूं तो आज थोड़ा ना पता है कि उसने पेमेंट किया है कि नहीं किया है मैं पेमेंट का तो वेट नहीं करता ना कि वो पेमेंट करेगा तभी लूंगा ले पहले लेते हैं पेमेंट वाली कंडीशन बाद में चेक की जाती है कि उसने पे किया या नहीं किया पहले बताइए इज इट ओके और नॉट इज इट ओके ना यस सर राइट सर तो खतरे का निशान लगाना यहां गलती हो सकती थी आपसे आगे है ट्रक परचेज फॉर डिलीवरी ऑफ आउटपुट गुड्स जी साहब ट्रक आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा मालिक ट्रक परचेज किया है देखिए हम आपको बता दें कि यहां ट्रक परचेज किया तो आईटीसी इसका यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा हजार रुपए आ जाएंगे इसमें हम लिखेंगे एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का ये जो मोटर व्हीकल की हम बात कर रहे हैं जो ट्रक वगैरह की बात कर रहे हैं क्या ट्रक का आईटीसी ब्लॉक्ड होता है जी ट्रक का आईटीसी ब्लॉक्ड है ही नहीं नॉट ब्लॉक्ड जो ब्लॉकिंग की बात की जाती है वो जहाजों की है पानी का जहाज हो है हवाई जहाज हो कि भाई अगर वो लाइक like, अपने uh, नॉर्मल इसका आईटीसी अलाउ नहीं होता है उसका आईटीसी सिर्फ सेलेक्टेड केसेस के अंदर ही अलाउ किया जाता है एम आई राइट तो इसके बारे में तो चर्चा है ही नहीं एंड इट इज़ यूज फॉर बिजनेस पर्पज़ तो उसका आईटीसी नॉर्मल तरीके से अलाउ कर दिया जाएगा टोटल यहाँ दे दीजिए बात खत्म तो मुझे मेरे बच्चा बताइए बात अच्छे से पकड़ में आ गई या नहीं आई नब्बे हजार सर यहाँ पर ऐसा हो सकता था क्या कि जो दस हजार का है हम ये मान के चलते पार्टी ने पेमेंट नहीं किया तो हम दें ना देखिए इसमें दो बात आती हैं अगर मुझसे पूछा जाता है कि भाई जनवरी का बताइए जनवरी में आई का बैलेंस क्या रहा फिर तो आपको ये दिखाना चाहिए अगर आपसे ये पूछा जाता कि बताइए फाइनली जीएसटी क्या रहा आईटीसी क्या रहा फाइनली ओवरऑल आगे पीछे सब देखकर तो फिर आप इसको कंसिडर मत कीजिए फिर आपका सिर्फ ये रह जाएगा पहले मुझे बताइए बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप एक फिक्स्ड पीरियड का पूछा जाता है तुम बताओ भाई अभी तो मिलेगा आगे चलकर हो जाएगा ये मुझे पता है ओवरऑल पूछे तो मत बताना पीरियड का पूछे तो बता देना राइट यस yes, सर जी साहब ओके बच्चा मेरे लाल टेक्नोलॉजी विकास गुप्ता मैं देख लूंगा इसको ठीक है चलो <coughs> अगला क्वेश्चन आपके लिए शानदार वाला मजा सा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर है फोर्टी थ्री करके बेहतरीन क्वेश्चन चुन के लाया हूं मालिक आइए जरा सॉल्व कीजिए बिल्कुल उसी एग्जाम वाले फियर में आकर क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री क्वांटो लिमिटेड कंटो कंटो लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर सी जी एस टी एक्ट बट इट विशिज टू ऑप्टेन वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन hmm. इन्होंने लिया है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ओके सो इट अप्लाइड फॉर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ऑन सेवनटीन सेप्टेंबर यहां कर दिया अप्लाइड फॉर ऑफ़ सेप्टेंबर को एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेंबर को आर सी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इनको ग्रांट कर दिया जाता है बहुत बढ़िया बात है भाई साहब बहुत अच्छे ठीक है जी हम्म ठीक है आप मुझे बता सकते हैं कब से इफेक्टिव होगा ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब से इफेक्टिव होगा पच्चीस सितंबर से या फिर सत्रह सितंबर से एज पर सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव के मुताबिक अगर आप वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो वहां तीस दिन जैसी बात तो होती नहीं है तो ऑबी बात है जब जागे तभी सवेरा

तो अब यहां जो 24 सितंबर को जो घटना थी क्योंकि यहां का माल अब इधर आने वाला है तो हमें पता है जो भी बचा कुचा है उसका आई टी सी यहां पर हमें अवेलेबल करवा दिया जाता है ठीक है जी ओके सर जी और ये हमारी बात हो गई तो मुझे एक, एक काम करते हैं पहले ना अपना लीगल प्रोविजन हम लिख लेते हैं यहां पर आकर तो लीगल प्रोविजन में बताइए कौन सा सेक्शन यहां पर एप्लीकेबल हो रहा है एज पर सेक्शन नंबर विच वन सेक्शन आएगा एटीन सब सेक्शन वन क्या क्लॉज बता सकते हैं आप लोग <coughs> सर फाइनल के लिए कब स्टार्ट होगा कल वासु कल शाम पांच बजे सीए फाइनल के क्वेश्चन आंसर आपके स्टार्ट होंगे जी मालिक बताइए एज पर सेक्शन नंबर एटीन सबसेक्शन वन क्लॉज कौन सा है वॉलेंटियर रजिस्ट्रेशन का इसमें आता है पहला था रजिस्ट्रेशन दूसरा है वॉल्ट बी क्लॉज इसमें एप्लीकेबल होता है उसके अंदर ये लिखा हुआ है आपका कि आपका कट ऑफ डेट से पहले का जो भी इनपुट है वो किसी भी फॉर्म में हो चाहे वो एज सच फॉर्म में आपका आ रहा हो डब्ल्यू आई पी की फॉर्म में आ रहा हो या फिर कंटेंड इन फिनिश्ड गुड्स हो वो सब का सब आपका यहाँ पर कैरी करवा लिया जाएगा क्या इसमें आपको कैपिटल गुड्स का भी अलाउ किया जाता है इसका तो इनपुट का तो हो जाएगा कैपिटल गुड्स का आईटीसी अलाउ नहीं किया जाता है क्योंकि जो आपका सेक्शन एटीन वन है उसके ए बी सी डी चार पॉइंट आते हैं ए और बी में सिर्फ इनपुट की बात की जाती है सी और डी के अंदर इनपुट एज वेल एज कैपिटल गुड्स की बात भी करी जाती है ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है ठीक है जी तो यह हम बी में फॉल कर रहे हैं तो कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा इसके साथ साथ हमें एक बात और बतानी पड़ेगी कि एज पर सेक्शन नंबर एटीन सब सेक्शन टू जो है उसके मुताबिक हम लास्ट का एक साल के जो हमारे इनवाइसेज हैं सर हम उन्हीं तक जा सकते हैं यानी कि यहाँ पर मेरी जो कट ऑफ डेट निकल के आ रही है ट्वेंटी फिफ्थ तो ऑफ सेप्टेम्बर जो आ रही है इसके एक साल पीछे तक जो के जो इनवाइस होंगे इस पीरियड के जो इनवाइस हैं उस इनवाइस के आधार पर ही हम इनपुट का आई टी सी अवेल कर सकते हैं अदरवाइज नहीं कर सकते हैं यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली जीएसटी के पोर्टल पर जाकर भी दिखा रखा है इसलिए बातें हमेशा हमें याद रहती हैं ठीक सर कोई दिक्कत नहीं है अब आइए अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन देते हैं किसका मिलेगा किसका नहीं मिलेगा तो हमें दोनों प्रोविजन को ध्यान में रखना है क्या ध्यान रखना है इनपुट का ध्यान रखना और देखना कि क्या यह एक साल के भीतर भीतर का है या नहीं है है तो ठीक है वरना नहीं तो जब मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा कि भाई मुझे कितना आईटीसी यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा तो उसको देखते हैं जरा कैसे कैसे होगा मालिक ये अपने पर्टिकुलर से यहां पर आ जाएंगे हम्म ये पर्टिकुलर से आएंगे अमाउंट अपना इधर निकल कर आ जाएगा तो इनपुट प्रोक्योर्ड ऑन दो नौ इतना इतना तो इसमें हमारा आ, अलग अलग कर लेते हैं ना ये कॉलम बना लेते हैं सीजीएसटी आईजीएसटी वगैरह के कि किसका कितना रहा आईजीएसटी का यहाँ बना लेते हैं आई टी सी सी जी एस टी का आई टी सी यहाँ और एस जी एस टी कॉम्पोनेंट वाइज दे रखा है इन्होंने इसका यहाँ बना लेते हैं तो इनपुट जो था मेरा आ, ये बताइए मिलेगा नहीं मिलेगा लाइंग इन स्टॉक तो सेक्शन नंबर एटीन वन और टू को ध्यान में रखते हुए ये विद इन वन ईयर के अंदर है इनपुट का ही है तो इसका आईटीसी टी यहाँ पर हमें अलाउ करवा दिया जाएगा तो चार हजार पांच सौ बाबू ये आ गया और चार हजार पांच सौ मेरा यहाँ पर ये यह आ जाता है बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे साथ साथ चलते रहिएगा दूसरा इनपुट रिसीव ऑन इक्कीस जुलाई को कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड गुड्स जी यहाँ पर मेरे एक और इनपुट रिसीव किए जाते हैं और वो आए हैं 21 जुलाई इतने इतने को कंटेंट इन सेमी फिनिश कोर्स तो चेक कीजिए एज पर जो मेरा सेक्शन नंबर एट्टीन वन एंड एट्टीन टू को ये फुलफिल करते हैं कि नहीं करते यस yes, ये फुलफिल करके चलते हैं एक साल के भीतर भीतर का इनपुट की बात कर रहा है दोनों सेक्शंस कंप्लाई यहां पर करे जा रहे हैं इसलिए मुझे इसका भी आईटीसी टी यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा सात हजार पाँच सौ और सात हजार पाँच सौ का है वैल्यू ऑफ इनपुट है ये दो लाख रुपए की है और लास्ट ईयर प्रोक्योर्ड उन्नीस नौ लास्ट ईयर अब मुझे बताइए साहब उन्नीस नौ यानी कि उन्नीस सितंबर यहां कहीं पड़ा उन्नीस सितंबर पड़ा तो लेकिन हमारा तो ये पच्चीस है तो यहां भी भाई अपना पच्चीस आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उन्नीस सितंबर एक साल से बियॉन्ड चला गया है तो यहां पर अगले वाले के हम बोल के चलेंगे कि ठीक है इनपुट है ओके सेक्शन एट्टीन वन तो अपना पूरा कर दिया लेकिन एट्टीन टू यहां पर सेटिस्फाई नहीं हो पाया है ये एक साल से ज्यादा पुराना है इसकी लाइफ एक साल से ज्यादा जा रही है इसलिए यहां पर हमें कोई किसी प्रकार का आई से मिलने वाला नहीं है ऐसे करके मालिक यहां आई जी बनता था छत्तीस का तो यहां पर यह अलाउ अपना नहीं किया जाएगा ऐसे करके आगे है इनपुट वैल्यूइंग रुपीज फिफ्टी थाउजेंड प्रक्योर्ड ऑन तीस नौ इतना इतना लाइंग इन स्टॉक और इस पर आईजीएसटी का था अपना नौ हजार रुपए का तो ये इनपुट बनता था अपना क्या ये यहां पर हाँ इनपुट है क्या विद इन द ईयर है एक साल के भीतर भीतर की बात कर रहे हैं हाँ सर एटीन टू भी इसमें फुलफिल कर दिया जाता है लिख के आऊंगा प्रॉपर वर्किंग नोट के रूप में और इसमें बनता था अपना ये नाइन थाउजेंड रुपीज का तो नाइन थाउजेंड मेरा यहां निकल कर ये आ जाता है ठीक है साहब ओके है जी कैपिटल गुड्स परचेस किया है, बारह है नौ को प्रोक्योर किया था कैपिटल गुड्स है मेरा ये प्रोक्योर किया था तो यहां पर सर जी मेरा एटीन वन फुलफिल नहीं होता है उसमें कैपिटल गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं हालांकि मेरा एटीन टू में कोई दिक्कत नहीं है वो तो हो जाता है लेकिन मैं 18 टू देखूंगा क्यों जब मेरा एटीन वन ही फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो मुझे यहाँ पर भी कोई किसी प्रकार की बात नहीं करी जाएगी तो इस तरह से मेरे पास जो यहाँ आई टी अवेलेबल हो जाएगा नौ इसका आ गया सात चार ग्यारह बारह हज़ार यहाँ पर ही आ गया और बारह हज़ार मेरा यहाँ पर ही यह निकल कर आ जाता है तो मेरे बच्चा मुझे बता बात समझ में आई या नहीं आई कुछ और भी कह रहा है ये ये तो मेरा आईटीसी का बैलेंस हो गया है और क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा हम क्वेश्चन में कुछ और भी कह रहा था <coughs> अच्छा ठीक है जी द सी जी एस टी इन आउटपुट जी एस टी लाइब्रेटी फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेंबर चौबीस हजार ईच थी सी जी एस टी एस जी एस टी की लाइब्रेटी भी इनकी बनती थी और ये इनपुट ये सारा हो गया एंड ठीक uh, है यू आर रिक्वायर टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी पेड इन कैश बाई सो एंड सो तो कैश में कितना पेमेंट इनको करना पड़ेगा वो आपको यहाँ पर बता के चलना कोई बात नहीं सेट ऑफ का स्टेटमेंट भी मेरा बनेगा तो आई टी सी से कनेक्टेड आपके तीन तरह के स्टेटमेंट बन सकते हैं मैंने लास्ट क्लास में बताया था नहीं लिखा है तो फिर से लिख लीजिए एक स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स ये बनेगा नंबर दो आईटीसी कितना एक इसका स्टेटमेंट स्टेटमेंट और तीसरा होता है सेट ऑफ का ठीक है तो यहां आउटपुट का स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि बड़ा वेरी 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 सिंपल वे में उन्होंने बताकर दे रखा है तो वो एक एक स्टेटमेंट यहां पर बच जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर आकर ठीक है जी अब यहां पर मेरा ये सेट ऑफ का स्टेटमेंट मैं अपना बनाने के लिए जा रहा हूं जी साहब तो इसमें कैसे करते हैं हम लोग हम बड़ी सिंपल तरीके से बोलते हैं कि भैया आई जी एस टी का आई टी सी यहां ठीक है सी जी एस टी का आई टी सी अपना यहां ओके एंड एस जी एस टी का आई टी सी अपना यहां ऐसे करके आ जाता है इधर साइड में हमारी ये आउटपुट लाइब्रेटी आ जाती है हमारी आई जी एस टी की आउटपुट लाइब्रिटी सी जी एस टी की आउटपुट लाइब्रिटी एस जी एस टी की आउटपुट लाइब्रेटी ऐसे करके मालिक आएगी ठीक है जी तो हम एक काम करते हैं इसमें लिख भी देते हैं कहाँ कितना निकल क्या रहा है तो <coughs> ये तो हमारे पास है नहीं और आउटपुट uh, की अगर हम बात करते हैं भाई नहीं लाइब्रेटी ऊपर लिखेंगे आईटी साइड में लाइब्रिटी यहां लिखेंगे लाइबिलिटी लाइबिलिटी ऊपर आईटी से नीचे सॉरी आई <coughs> इधर आई इधर तो मेरे पास जो आई का बैलेंस बनता था वो बनता था सर जी नौ हज़ार तो इसका था नाइन थाउजेंड मेरा इसका बनता था बारह हज़ार मेरा ये बनता था और बारह हज़ार मेरा ये बनता था ठीक है और जो आउटपुट जी एस टी लाइब्रेटी है वो ट्वेंटी फोर बताई ना उन्होंने ट्वेंटी फोर ईच यस ट्वेंटी फोर थाउजेंड ई है यस बिल्कुल ठीक है तो बताइए मालिक टू फोर जीरो और टू फोर ट्रिपल जीरो अब आपको नियम याद करना है तो आप इसके लिए प्रोविजन लिख सकते हैं यहां पर आकर कि इसका लीगल जो प्रोविजन है वो ये है कि सेक्शन नंबर प्लस प्लस ए रेलिवेंट रूल्स के साथ में वो पूरा कॉन्सेप्ट सी वाला कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रेडिट इस्तेमाल करेंगे अपना आईजीएसटी का उसके बाद हम सी जी एस टी का इस्तेमाल करेंगे इस्तेमाल किया जाएगा इंटरनल एक्सटर्नल हम जानते ही हैं आई जी एस टी पहले अपने अपने के लिए होगा फिर दूसरे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है आई जीएसटी के लिए एस जीएसटी पहले अपने के लिए होगा फिर दूसरे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो वो भी हम यहाँ पर लिखकर चलेंगे तो देखते हैं सबसे पहले नौ हजार को पकड़ा हमने तो यहां तो कुछ है ही नहीं तो भाई अब इनमें से किसके लिए आप इस्तेमाल करके चलोगे तो ये भी बराबर है ये भी बराबर है तो जिसके मर्जी लिए आप इस्तेमाल करा दो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मालिक तो बताइए मैं क्या करूं आप ये आई जी एस टी का क्रेडिट किसके लिए इस्तेमाल करवाना चाहते हैं जैसे मर्जी कर लो कोई फर्क नहीं है हालांकि थोड़ा बहुत आंसर में वेरी कर सकता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो चलो मैंने नौ का नौ पुरुष के लिए इस्तेमाल करवा देते हैं यहां पर आकर ये करवा दिया यहां पर कुछ भी नहीं आया ठीक है तो ये अपना निल है ही है पहले से पंद्रह हजार मेरा ये आ जाएगा और ट्वेंटी फोर थाउजेंड यहाँ पर ये यह आ जाता है फिर मेरा बारह हज़ार का सी जी एस टी था तो बारह हज़ार का मैंने यहाँ पर निपटा दिया इसको ये ख़त्म हो गया ये यह मालिक यहाँ पर नल आ जाता है ये तीन हज़ार आया और ये ट्वेंटी फोर थाउजेंड ऐसे करके आता है फिर बारह हज़ार से मैं इसको पे ऑफ़ कर दूँगा यहाँ पर आकर क्योंकि इसको तो पे ऑफ़ नहीं कर सकता क्योंकि ये सी जी एस टी का है तो ये नल आ गया तीन हज़ार ये आ गया और बारह हज़ार मेरा ये आ गया तो ये मुझे कैश में यहाँ पर पे करना पड़ जाएगा तो मुझे एक बात बताइए क्वेश्चन को हैंडल करना आ रहा है कि नहीं आ रहा यार चाहे थ्योरी है चाहे केस स्टडी है चाहे न्यूमेरिकल है मेरा तरीका वही है लीगल प्रोविजन एनालिसिस लीगल प्रोविजन एनालिसिस बात खत्म कॉन्फिडेंस <laughs> आना चाहिए दिमाग के अंदर कि यस वी कैन ये पॉसिबल है कर सकते हैं हम जी साहब चलें हां जी आगे चलिए तो ये अच्छा क्वेश्चन था बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे ये वाला कंटो का अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर की तरफ क्वेश्चन नंबर अपना फोर्टी फोर मालिक अब तो बस नैया पार लगने वाली है और चलिए आगे सेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है मतलब सेक्शन नंबर याद रखने में प्रोविजन में रिकॉलिंग में इश्यू है या सेक्शन नंबर में इशू ये बताइए आप मुझे अकॉर्डिंगली आपके लिए फिर वो करके चलूंगा उसका सोल्यूशन फोर्टी uh, फोर बोलता है कंफर्टेबल पढ़िए जरा क्वेश्चन को अपनी बुक से uh, जो पीडीएफ में रखा है कंफर्टेबल मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स इट हैज एंटर्ड इट हैज कैरिड आउट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर सो एंड सो इन्होंने कुछ अपने यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स ली हैं मालिक ये ट्रांस ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई साहब एकदम गुड वाला क्वेश्चन है हर क्वेश्चन को देखकर मन से आहर वाहर निकली कि यस गुड नंबर है सर सेक्शन नंबर ठीक है मैंने नोट कर लेता हूँ अपने पास में कि मैं सेक्शन नंबर आपको और किसी डिफरेंट तरीके से और अच्छी तरीके से दिमाग लगाकर आपको याद कराऊंगा माई रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़े रहिएगा यहाँ पर ठीक है जी मुस्कान <coughs> और कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन चेन्नई तमिलनाडु इट इज तमिलनाडु में है चेन्नई में राइट ओके इट इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट इट हैज कैरिड आउट फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द फाइनेंशियल ईयर सो एंड सो एक्स एक्स वाई वाई परचेज किया है एक हजार मैट्रिक टन आयरन एट द रेट वन थाउजेंड पर मैट्रिक टन एक्सक्लूडिंग जी एस टी अच्छा ये जो रेट है इसमें जी एस टी शामिल नहीं है फ्रॉम हार्ड लिमिटेड ऑफ चेन्नई हार्ड लिमिटेड हैज फुलफिल्ड द ऑर्डर एज फॉलोज इसको 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 इतना इतना माल यहाँ पर आया है क्या मुझे बैलेंस ऑर्डर अच्छा कुछ रहेगा क्या ढाई सौ पाँच सौ ये नौ सौ आया है एक हज़ार का कमिटमेंट था बैलेंस यानी कि जो सौ मेट्रिक टन रहे गया उसका क्या फुलफिल्ड बाई हार्ड लिमिटेड ऑन फिफ्थ अप्रैल को हाउ एवर हार्ड लिमिटेड हैज रेज द इनवाइस फॉर फुल ऑर्डर एट द टाइम ऑफ डिस्पैच एट द फर्स्ट लॉट अट्ठाइस फरवरी को ही इन्होंने यहां पर दे दिया था कंफर्टेबल लिमिटेड मेड द फुल पेमेंट ऑन इतना और फरवरी में ही इसका पेमेंट हो गया था अब आपको यह देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है क्या सिर्फ यह पूछा गया कि आई टी सी मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर यह पूछा गया कि इस पीरियड में आई टी सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा दोनों बातों में फर्क है दोनों बातों में फर्क है यहां आई तो मिलेगा पूरे का आई मिलेगा लेकिन अगर पीरियड स्पेसिफाई कर दिया कि इसमें बताओ कि इस पीरियड में मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो फिर अलग बात हो सकती है तो पूछा क्या है इन्होंने मुझसे पूछा है कंप्यूटर जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ कंफर्टेबल लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर अच्छा मंथ नहीं पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए पूछ रहा है तो आप कीपिंग मन माइंड द होल ईयर कि भाई वहां मिलेगा या नहीं मिलेगा कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आई बी रिवर्सड इन द नेक्स्ट ईयर अगले साल में कुछ रिवर्सल करने की जरूरत है या नहीं वो भी आपको यहां पर बताना है ठीक है जी तो मुझे एक बात बताइए <coughs> मैं जब यहां पर स्टेटमेंट अपना बनाऊंगा फाइनेंशियल ईयर का तो क्या इसमें जो मेरा एक्स एक्स और एक्स वाई है क्या इस फाइनेंशियल ईयर में पहली वाली ट्रांजेक्शन का ए ट्रांजेक्शन का आई टी सी लू या ना लू तो यहां पर आता है हमारा सेक्शन नंबर सिक्सटीन उसके मुताबिक जब हमारा सामान लॉट्स में आता है तो ऐसे वाले केस के अंदर हमें आईटीसी पाने के हकदार तब होते हैं जब जब हमारा जो सामान है उसका आखिरी लॉट आ जाता है इस क्वेश्चन के अंदर हम अप्रैल के महीने में जाकर इसका आईटीसी ले सकते हैं मालिक उससे पहले नहीं ले सकते लेकिन उन्होंने मेरे हाथ बांधे हुए हैं कि नहीं आपको इसी फाइनेंशियल ईयर में बताना एक्सेस और वाईवाई वाई के अंदर कि आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा तो बताइए साहब फाइनेंशियल ईयर वैसे तो मिलेगा लेकिन क्या इस फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा ये है प्रॉब्लम सर इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आईटीसी 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 नहीं मिलेगा वो नील हो जाएगा तो मैं लिखूंगा प्रॉपर तरीके से कि भैया यहां तो नहीं मिलेगा अगले साल में जाकर पक्का पक्का इसका दे दिया जाएगा ठीक है सर जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी <coughs> आती आपकी बी नंबर की ट्रांजेक्शन ध्यान से पढ़ना जरा यहां पे बोलते हैं कंपनी हैज रिसीव्ड आईटी इंजीनियरिंग सर्विसेज मैं इसका वो बनाता चलू हाथ के हाथ आईटीसी का स्टेटमेंट चल रहा है मेरा कौन कौन से स्टेटमेंट बताया मैंने एक होता मेरा आउटपुट जीएसटी का स्टेटमेंट हो गया एक हो गया आईटीसी का स्टेटमेंट बड़ा क्वेश्चन जो आएगा उसमें यही स्टेटमेंट अपने आएंगे और एक होगा मेरा सेट ऑफ का स्टेटमेंट बस ये तीन स्टेटमेंट आपको बनाने आने चाहिए मालिक ठीक है जी तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बना रहा हूँ आईटीसी का स्टेटमेंट तो इसमें जब बनाओ तो आप वैसे कर सकते हैं इसमें आईजीएसटी वगैरह के रूप में अगर वैसे करके ट्रांजैक्शंस आपको दी हुई हैं तो, तो ट्रांजेक्शन मेरी कुछ इसी फॉर्मेट के अंदर है तो ये मेरा आईजीएसटी सीजीएसटी और एस इनके क्रेडिट की मैं बात यहाँ पे करके चलूंगा साहब ठीक है ना मालिक यस सर <coughs> तो मैं अपने यहां से पीडीएफ से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को क्योंकि यहां पर लिखता हूँ क्या तो आगे बोलता है पहले वाली ट्रांजेक्शन के अंदर क्या हुआ जो ए नंबर की मेरी ट्रांजेक्शन है उसके यहाँ लिखूंगा और उसमें मुझे कोई भी आईटीसी नहीं दिया जाएगा रीजन साफ कर दिया है सेक्शन नंबर सिक्सटीन के मुताबिक लास्ट लॉट जो है वो नॉट रिसीव्ड इन एक्स 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 वाई तो नो आईटीसी इन दिस पीरियड वो नहीं मिलेगा ठीक है अब आते हैं बी ट्रांजेक्शन पे कंपनी हैज रिसीव्ड आईटी इंजीनियरिंग सर्विसेज़ फ्रॉम डायनामिक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ऑफ चेन्नई रुपीज ग्यारह लाख जी इन्होंने ग्यारह लाख एक सर्विस ली एक्सक्लूडिंग जीएसटी इस पर जीएसटी अगर मिला दिया जाए तो कितना आएगा तो कहा ली कहां से वैसे इन्होंने चेन्नई से ली तो इंट्रा ट्रांजेक्शन बताएंगे कितना आएगा तो नौ परसेंट से निकाला जाए तो नाइन्टी नाइन थाउजेंट ये सी जी एस टी एस जी एस टी नाइन्टी नाइन थाउजेंट ये हो जाएगा कुल वन नाइन्टी एट तो कुल मिलाकर बारह लाख अट्ठानवे हजार ये बिल रहा होगा ठीक है इन फॉर सर्विस रेंडर्ड वाज़ इशूड ऑन फिफ्थ नवंबर अच्छा जी फिफ्थ नवंबर को इन वॉइस इशू कर दिया गया है <coughs> तेरह हजार इकतीस दिसंबर को थर्टी फर्स्ट दिसंबर को इन्होंने चार लाख तेरह हजार रुपए की पेमेंट कर दी है ओके ऑन इकतीस दिसंबर ठीक है बीइंग अनहैप्पी विद द सर्विस प्रोवाइड बाय डायनामिक्स इन्फोटेक इट डिड नॉट मेक द बैलेंस पेमेंट डेफिशियंसी इन सर्विस मतलब कुछ गड़बड़ लगी लेकिन उन्होंने पेमेंट रोक लिया उसका डेफिशेंसी इन सर्विस वॉज मेड गुड डेफिशियंसी को दूर कर दिया गया और मैंने क्या किया फिर तो प्राइवेट लिमिटेड बाई फिफ्टींथ फेब्रवरी तक हुँ. अच्छा कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड मेक पेमेंट ऑफ टू नाइनटी फाइव ऑन फिफ्टींथ फेब्रवरी टूवर्ड्स फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इन्होंने दो लाख पिचानवे हजार रुपए पे की पेमेंट और कर दी कर बस अब नहीं हो सकता जो होना था सो हो गया कब कराया पेमेंट इन्होंने पंद्रह फरवरी को एक पेमेंट इन्होंने ये कर दिया है तो इन्होंने कितना पैसा नहीं दिया तो कोई मैं बता सकता है सर कितना पैसा नहीं दिया वो आएगा निकल के कुछ ऐसे करके यहाँ से बारह लाख अट्ठानवे हज़ार माइनस चार लाख तेरह हजार माइनस दो लाख पचानवे हज़ार पाँच लाख नब्बे हज़ार रुपये इन्होंने ये नहीं किया। यहां पर आप आ, क्या देख रहे हैं कहां पर क्या क्या है इसमें इस बाबू मेरे 180 दिन वाली बात निकल कर आ रही है तो पहले मुझे बताइए जब मेरे पास इनवाइस आया होगा तो मैंने सेम कब आया था इनवाइस ये फिफ्थ नवंबर को इनवाइस था ये तो क्या उस समय मैं इसका आईटीसी पूरा पूरा आईटीसी टी लूंगा या नहीं लूंगा सेक्शन १६ के मुताबिक उसमें ये कहा जाता है एज़ पर द प्रोज सेक्शन १६ ये बोला जाता है कि हमें जैसे ही इनवाइस मिलता है हम उसका यहाँ पर आईटीसी अपना बुक कर लेते हैं लेकिन अगर 180 दिन में पेमेंट नहीं किया जाता है तो फिर एक सौ दिन हमें यहाँ पर रिवर्सल करना पड़ता है ऐसी बात आ रही है और फिर हम उसको फिर अगर पेमेंट कर देते हैं तो फिर वहां पर आकर हमें रीअवेल वो करना होता है ठीक है वो भी पेमेंट बेसिस पर आकर इज इट ओके यस सर तो हाजी शुभम ठीक है हाय मेरा बच्चा प्रशांत मेरा लाल मेरा कबूतर आजा चल तो ये अपना यहां पर रीअवेलमेंट की बात आ रही है अब इसमें आके हमें क्या करना है मालिक हम्म तो तो मुझे आई पूरा मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा पहले बताइए क्या फाइनेंशियल ईयर एक्स 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 वाई के अंदर मैं पूरा 198 का आई ले लूं या ना लूं मुझसे एक स्पेसिफिक ईयर के लिए पूछा गया है यस yes, सर मैं पांच नवंबर को ही आई बुक कर लिया होगा 99 ये और ये मेरा यहां पर आ गया होगा वैसे करके करेक्ट है जी यहां तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है देखेंगे जब ये एक सौ दिन में देखें रिवर्सल इसी साल में हुआ कि नहीं होगा पहले तो मैं अवेल करूंगा अब देखते हैं कि एक सौ दिन कहाँ पूरे हो रहे हैं इसके तो इनवाइस की डेट क्या पड़ रही थी इनवाइस से गिनो जरा एक सौ दिन कहाँ जाके पड़ेगा तो पाँच नवंबर से नवंबर में रह गए भाई साहब भगवान झूठ ना बुलाए नवंबर के महीने में पड़े पच्चीस दिन है ना दिसंबर में आपके आए इकतीस जनवरी इकतीस फेबररी मार्च तक देख लो कितने पूरे हो रहे हैं कितने दिन बने <coughs> पच्चीस भाई आ, दो पाँच, तीन और दो पाँच, छः सात आठ नौ दस सौ दिन तो ये हो गए दस दस एक सौ तीस दिन एक सौ तीस एक सौ एक सौ चालीस एक सौ पैंतालीस दिन के आसपास के शायद ये बन रहे हैं तो एक सौ इक्यासीवा दिन जो है वो फाइनेंशियल ईयर एक्स एक्स से एक्स वाई में फॉल नहीं कर रहा है तो हम इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो रिवर्सल नहीं करेंगे इनको कितना रिवर्सल करना पड़ जाएगा कोई मुझे बता सकता है अगले फाइनेंशियल ईयर में इनको कितना रिवर्सल करना पड़ जाएगा ऐसे करके मेरे बच्चा सर देखिए यहाँ पर टोटल आईटीसी बनता था 198 का ठीक है और इसमें प्रपोशनिट कर देंगे हम पेमेंट के हिसाब से बारह लाख अट्ठानवे हजार की ये बात हो रही थी और पेमेंट नहीं किया है पाँच लाख नब्बे हज़ार रुपए का तो बता दीजिए मालिक क्या सीन रहेगा एक लाख अट्ठानवे हजार डिवाइड बाई बारह लाख अट्ठानवे हज़ार और इन टू मैं कर दूंगा इसका पाँच लाख नब्बे हज़ार तो ये आ जाएगा मेरा नब्बे हजार रुपए यहां पर आ जाता है सिंपली वैसे भी देख सकते हैं पांच नब्बे की पेमेंट नहीं करिए जिसमें कि आपका नब्बे हजार का आई छुपा हुआ था तो नब्बे का मैं यहां पर आकर रिवर्सल अपना मालिक

आप हो सकता है कि ग्यारह लाख की फिगर को पकड़ के ही काम करें मालिक जो पेमेंट किए जाते हैं ना कि कभी यह पेमेंट किया है यह पेमेंट किया यह बिल अमाउंट का पेमेंट किया है और आप गलती करो इसलिए आपको बोला था कि जो वैल्यू है वो ग्यारह लाख है एक्सक्लूडिंग जीएसटी पूरी बिल वैल्यू निकालने के लिए हमें जीएसटी जोड़ के देखना पड़ेगा दिस वाज द बिल वैल्यू और इसमें से ये पेमेंट अपने हुए हैं तो ये आपका खतरे का निशान है यहां पर आप गलती कर सकते थे क्या मैं ठीक बोल रहा हूं कोई बात नहीं बताइए इज इट ओके मालिक तो गलती कहां हो सकती है वो भी मैं आपको इस क्वेश्चन में बता रहा हूं बेहद ही शानदार क्वेश्चन है वाला ठीक साहब आगे बढ़ते हैं आगे <coughs> क्या आता है तो मैंने ये क्रेट अपना ले लिया यहां पे आके फिर मेरा इसमें आता है सर जी आ, सी पॉइंट आता है सी पॉइंट बोलता है कंपनी हैज मेड द फॉलोइंग स्टेट सप्लाई एक्सक्लूडिंग जीएसटी ये आउटवर्ड सप्लाई के लिए काम में आएगा अच्छा आईटीसी का सीन खत्म वाह वाह क्या बात है <coughs> और ये हो गया ठीक है जी एंड आउटपुट जी एस टी लाइब्रेटरी यहाँ से कंप्यूट कंप्यूटर आउटपुट जी एस टी वैल्यू ऑफ इंटर एंटर ये हो गया सी जी एस टी रेट क्या है ये बस तो आई टी सी में तो बस ये बनता था मालिक देख लो कहीं छूट ना रहो भाई साहब आई टी सी में देख लो मेरे लल्ला यही है ना हाँ यही है सर तो लिख दीजिए भाई साहब और करना क्या है फिर भाई देखना आई टी सी कोई और ट्रांजैक्शन तो नहीं है कोई ओपनिंग वगैरह बैलेंस तो नहीं है ना इसमें नहीं है साहब वेरी गुड तो ठीक है तो नाइन्टी नाइन थाउजेंड ये आ गया और नाइन्टी नाइन थाउजेंड मेरा ये आ जाता है अब आइए बनाते हैं आउटपुट जीएसटी का स्टेटमेंट तीन स्टेटमेंट बनते हैं बड़े क्वेश्चन के अंदर ये यह बनेगा यहां पर आकर सर ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करोगे चुपचाप दिखता रहे भागने की कोशिश मत कर यहाँ पे आ जा तो इसके लिए भी आप तीन कॉलम बना के चलें अगर इंटर एंटर का चक्कर पड़ रहा है तो तो ये अपना आई जी एस टी ये एस सी जी एस टी और ये अपना एस जी एस टी की बात कर लेंगे ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जिससे ज्यादा कि बाद में देख, बाद में कभी कुछ नहीं हो पाता यार लाइव चल रही है लाइव देखो बात खत्म लाइव चल रही है भैया लाइव देखो बात खत्म कर लेंगे ऐसा कौन सा इंपोर्टेंट काम शेयर हम्म ठीक है ओके okay. तो यह आउटपुट जेस्ट लेबरेटी में क्या बोलता है <coughs> इसमें कह रहा था वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन तो ये इंट्रा करी गई है और रजिस्टर्ड पर अच्छा रजिस्टर्ड उ अनरजिस्टर्ड इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा दोनों ही इंट्रा हैं एक दस लाख रुपए की और एक मेरी बारह लाख रुपए की है तो ये यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू क्या है <coughs> एक दस लाख रुपए की और एक दो लाख की है दूसरी भी इंट्रा ही है अब किसको की इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दो लाख रुपए की आ गई तो इन पर निकालते हैं अगर हम अठारह अच्छा परसेंट का जीएसटी के हिसाब से देखा जाए तो इंटरेस्टेट है भाई साहब तो भगवान झूठ तो बिल्कुल ना बुलाए तो कितना कितना आ गया जी नब्बे हज़ार इसका आया नब्बे हज़ार इसका आया और अठारह हज़ार यहाँ पर आया और अठारह हज़ार यहाँ पर आ जाता है ऐसे करके तो एक लाख आठ हज़ार ये आया एक लाख आठ हज़ार ये आया कहीं कुछ और तो नहीं है ना कोई छुपी शर्तें नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है अब आइए सेट ऑफ का स्टेटमेंट यहां पर बना देते हैं हम लोग तो सेट ऑफ स्टेटमेंट कैसे बनता है सर अरे बड़ा आसान है यार। तो सेट ऑफ़ के लिए इस क्वेश्चन में ना ओपनिंग बैलेंस भी देना चाहिए था ना इनको अगर देता तो थोड़ा तो तो और अच्छा लगता क्वेश्चन में थोड़ा तो और दम पड़ जाता लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ है कोई बात नहीं तो ये आएगा यहां आई जी एस टी आउटपुट सी जी एस टी का आउटपुट और एस का आउटपुट जीएसटी अपने यहां पर आ गए हैं तो यह है एक लाख आठ हजार एक लाख आठ हजार एक लाख आठ हजार और एक लाख आठ हजार ठीक सब ओके जी एंड यह है आई टी सी आई जी एस टी का आई टी सी आई टी सी हो गया मेरा सी जी एस टी का और आई टी सी हो गया मेरा यहाँ एस जी एस टी का कितना कितना सर जी इसका तो कुछ नहीं है इनका कितना था नाइन्टी नाइन था ना हाँ नाइन्टी नाइन इसका बनता था नाइन्टी नाइन इसका बनता था कोई तो बड़ा आसान है सेट ऑफ करें इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं तो इसका अपने के लिए इस्तेमाल कर दिया और इसका अपने के लिए इस्तेमाल कर दिया नाइन्टी नाइन वह हो गया आ, तो नौ हज़ार ये कैश में जाएगा क्वेश्चन में खूबसूरती क्या थी पॉइंट ए और पॉइंट बी बाकी क्वेश्चन तो बड़ा आसान है जी बाकी क्वेश्चन बेहद आसान है सर ब्रेक नहीं दोगे ब्रेक दूंगा मैं सोच रहा हूं कि इसके क्वेश्चन निपटा दें आईटीसी क्वेश्चन निपटाने के बाद फ्री ब्रेक दूं मैं ऐसा मुझे लगता है कि नहीं सर आई टी क्वेश्चन निपटाऊंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा चलो एक क्वेश्चन फिर ब्रेक दूंगा मैं आपको राइट right? हाँ सर ठीक है फोर्टी फिफ्थ पंद्रह क्वेश्चन तो हो जाएंगे ना हमारे भाई तीस करने हैं आज हमने पंद्रह हो जाने के बाद आधे हो जाने के बाद ब्रेक देंगे फोर्टी 40... नहीं कौन सा <coughs> प्रद्युम्न ये भी अच्छा क्वेश्चन है प्रद्युम्न Corporation प्राइवेट लिमिटेड अ रजिस्टर्ड डीलर ऑफ मुंबई फर्निशिज यू द फॉलोइंग information फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर तो आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर दी जा रही हैं प्रद्युमन दे रहे हैं आपको देना है जवाब पहला पॉइंट इसमें बोला जाता है सर नो नीड ऑफ ब्रेक क्या बात है भाई साहब दस मिनट का दूंगा ज्यादा नहीं दूंगा कुछ बच्ची मांगते हैं ब्रेक सर अगर ओनली इंट्रा की बात हो तो आईजीएसटी लिखा जाना जरूरी है या नहीं लिखो लिखो वरना परेशानी हो जाएगी आपको फिर कंफ्यूज हो जाओगे स्टेटमेंट फ्रेमवर्क एक जैसा रख के चलो आईजीएसटी नहीं है तो नील डालो आईजीएसटी के अंदर लेकिन फ्रेमवर्क में अपने में कोई दिक्कत मत करो ठीक है इंट्रा स्टेट पर एक बात यार घंटे वहां घंटे घंटे हो गए आई बात पकड़ में जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं कॉन्फिडेंस है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है चाहे क्वेश्चन आ रहा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा कैसा आए उसको आ गया कैच करना मतलब पकड़ूं कैसे लिखूं कैसे कैसे लिख जो आपका अक्सर एक सबसे बड़ी क्वेरी दिमाग में बनी रहती थी वो चीज आई कि नहीं आई हम मैं अपलोड कर दूंगा एग्जामेशन चैप्टर का चार्ट कल सुबह मिल जाएगा आपको जी जी क्वेश्चन फोर्टी फाइव प्रद्युम्न पहला इसमें ट्रांजैक्शन है इंट्रा स्टेट है मालिक इंट्रा स्टेट सेल ऑफ टैक्सीबल गुड्स आउट ऑफ फिफ्टी थाउजेंड वॉज रिसीव्ड एज एडवांस इन सेप्टेंबर टू तो पूछ क्या रहा है कंप्यूटर लाइबिलिटी ये लाइबिलिटी आपसे पूछी जा रही है प्रद्युमन की फॉर द मंथ ऑफ इतना इतना जीएसटी बता रखे टर्न ओवर प्रद्युमन वॉज टू करोड़ इन द प्रिडिंग फाइनेंशियल ईयर तो <coughs> कुछ दिया भी है कुछ लिया भी है तो ये आउटवर्ड सप्लाई इसकी है ना इंटरस्टेड सेल ऑफ टैक्सीबल गुड्स ओके गुड्स परचेज ये इनवर्ड है गुड्स पर आई देखना है इसमें रिसीव फॉर सर्विस बाई वे ऑफ लेबर अच्छा रिसीव्ड फॉर सर्विस बाई वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रेक्ट फॉर रिपेयरिंग सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट एज ए पार्ट ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन ये आउटवर्ड है ओके रिसीव्ड फॉर सर्विस प्रोफेशनल फीस पेड टू ओडिती तो पेमेंट आपने किया है तो ये आपके लिए इनवर्ड है तो बताइए साहब पहले के अंदर क्या होगा इंटरेस्टेट अच्छा कौन से महीने के लिए पूछ रहा अक्टूबर महीने के लिए आपको बताना है क्या सीन रहा इनका तो ये ट्रांजैक्शन अक्टूबर के महीने बोल रखी है इंटरेस्टेट सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स आउट टिफ्टी थाउजेंड वॉज रिसीव्ड एज तो पचास हजार पिछले महीने में एडवांस आ चुका था ट्रांजेक्शन अब हुई है उसकी बिलिंग वगैरह अब हुई है गुड्स की है तो बताइए टैक्स उस पे कब आएगा सर देखिए यहां पर हमारा जो आंसर निकल के आएगा मर ये हैंग कैसे हो रहा है ये आया क्यों नहीं भाई क्या बात हैं है हैंग हो गया क्या अच्छा जी जब बात अभी ठीक करते हैं उसको तो क्या देंगे इसकी रीजनिंग के अंदर हम आकर यहां ये जरा क्वेश्चन नंबर मेरा फोर्टी फाइव है और मैं पहले बना रहा हूं यहां पर आउटवर्ड मेरी जो स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग आउटपुट जीएसटी एस लाइबिलिटी एक ये बनेगा एक आई का स्टेटमेंट बनेगा एक सेट ऑफ का बना देंगे ठीक है तीन कॉलम खींच देते हैं इसके अंदर हम आई जी एस टी सी जी एस टी वगैरह वगैरह आई जी एस टी सी जी एस टी और एस जी एस टी और ये पर्टिकुलर्स का हो जाएगा तो आउटवर्ड सप्लाई इन्होंने करी है सेल करी है और उसकी ये वैल्यू को बना देते हैं दो लाख रुपए की थी तो टैक्स अभी आएगा या बाद में आएगा बताइए कलकत्ता में मिलके बहुत ही मजा आया अरे मेरा बच्चा मेरा कबूतर मेरा लाड रिसीव्ड फॉर सर्विस रिसीव्ड से खेला हुआ है हाँ आई ना बात में कहाँ खेल रहा है ये तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है ऐसे करके कि भाई पिछले महीने एडवांस आया था तो गुड्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो गुड्स का जो एडवांस आया है तो एडवांस से कोई फर्क नहीं पड़ता पेमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता जब इनवॉइस होती तब टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाता है तो यहां लिखेंगे सेक्शन नंबर सिक्सटी सिक्स ऑब्लिक टू थाउजेंड सेवेंटीन टाइम ऑफ सप्लाई केस ऑफ गुड्स जो आपका बनता है वो कौन सा बनता है वो बनता है इनवॉइस डेट चाहे वो उसकी टाइम से इशू हुआ है तो उसकी एक्चुअल डेट और नहीं तो उसकी लास्ट डेट वो निकल कर आती है तो चूंकि फिफ्टी थाउजेंड का जो ए, मन की बात कह दो ना उससे यार कुछ नहीं करना आपने इन सितंबर तो उसका भी टाइम ऑफ सप्लाई आपका इनवॉइस मंथ में निकाला जाएगा इनवाइस मंथ का मतलब वो आपका अक्टूबर में ही निकाला जाएगा इसलिए पूरे के पूरे दो लाख की हम यहाँ पर आकर बात कर रहे हैं दो लाख पर मेरा जो जीएसटी बनेगा वो कितना बनेगा सर जी uh, सर इंट्रा ट्रांसैक्शन है तो अठारह हजार यहां बन जाएगा अठारह हजार यहां पर बन जाएगा, और मेरा यहां पर बना जाएगा। ठीक है दूसरी आउटवर्ड सप्लाई मेरी क्या है यहां पर अगली वाली तो इनवर्ड थी ना रिसीव फॉर सर्विस बाई वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज एन पार्ट ऑफ द रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तो ये रिपेयरिंग है रेजिडेंशियल मतलब घर की सिंगल यूनिट वाले की सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट की रिपेयरिंग है तो कुछ लिंक याद आता है कहां से खेल रखा है पता आपको बताते हैं इन्होंने रिपेयर करी है सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट की और इसकी जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही है यहां पर आकर फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की तो हम ये जानते हैं कि जो हमारी एग्जामेशन नोटिफिकेशन बारह बटे दो हजार सत्रह है उसमें सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट का कोई कंस्ट्रक्शन है है ना कंस्ट्रक्शन है रिनोवेशन है एटसेट्रा तो उस पर जीएसटी एग्जाम होता है तो ये चाह रहा है कि बच्चा उस एग्जामेशन को ध्यान में रखते हुए यहां पर जीएसटी लिखे ही ना और बोले कि ये तो एग्जेम्ट है लेकिन इसने एक शानदार सा वर्ड लिखा है रिपेयरिंग रिपेयरिंग एग्जाम नहीं होती है रिपेयरिंग टैक्सेबल ही होती है तो इसलिए उस पर भी यहां अपना जीएसटी मालिक रखवाया जाएगा ठीक साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ओके सर जी तो यहां पर यह क्या कह रहे हैं अमाउंट बनता था इनका यहां फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का अब फिफ्टी थाउजेंड के अकॉर्डिंग हम चेक करके चले मालिक तो 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 तो, तो, तो बनेगा अठारह परसेंट था ना यहाँ पे हाँ सर था तो यही नौ तो परसेंट हो गया तो इंटरास्टेट है हाँ गुड इंड सर्विस फ्रॉम सो एंड सो इंट्रास्टेट हाँ ठीक है तो ये पैंतालीस सौ चार हजार पांच सौ और चार हजार पांच सौ मतलब जिस पॉइंट के साथ वो खेल रहा है ना उसे खेल को उजागर कर दो ना कि जो तू सोच रहा है ना वैसा है नहीं बिल्कुल भी वैसा नहीं बिल्कुल भी बोल दो उसको जाकर सर प्लीज प्रोवाइड पार्ट वन लिंक मेरे चैनल पर आप देखो ना मालिक जाके लाइव वाले सेक्शन में इससे पिछला वीडियो वही तो है जी साहब जी मालिक और क्या बस यही दो ट्रांजैक्शन थे वहां पर आकर तो इन दोनों का मैं टोटल कर देता हूं तो ये निकल के आएगा और भी कुछ है क्या देखते हैं और क्या है आहा ये आ गया वो वाला क्वेश्चन आपका जो आप कह रहे थे ना कि आरसीएम की ट्रांजैक्शन का भी बताइए प्रोफेशनल फी पेड टू उदती लोकेटेड इन नॉन टैक्सीबल टेरिटरी एमाउंट टू इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन तो यह आपकी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है जिसके ऊपर की आपका आर सी एम लगाया जाता है और जब हम आर सी एम की बात करते हैं मालिक तो आपको बात अच्छे से और भली और भांति पता है कि आर सी एम जो लाइब्रिटी है उसकी डबल एंट्री की जाती है वह आपकी आउटपुट जीएसटी लाइब्रिटी में भी एड किया जाता है और वो आपकी यहां पर आकर जो आईटीसी है उसमें भी शामिल किया जाता है दोनों जगह उसकी एंट्री की जाएगी कैसे भला तो जब मुझसे पूछा जा रहा है कि ठीक है भाई साहब आपकी लाइब्रेटी में भी ऐड होगा और आपके आईटीसी में भी आएगा ठीक सर जी तो ये आगे मेरी यहां पर एन सी एम यानी फॉरवर्ड चार्ज लाइब्रिलिटी ये आ गई फॉरवर्ड चार्ज लाइबिलिटी ये कुछ नहीं है आठ और चार बाईस हजार पाँच सौ और बाईस हजार पाँच सौ <coughs> बाईस पांच सौ और बाईस पांच सौ हम्म 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 ठीक है ना मालिक हाँ सर एकदम ठीक है तो ये सब ओके okay. और मेरी जो आर की लाइबिलिटी वो क्या आर की लाइबिलिटी वो अलग से लिखता हूं यहां पर आकर टोटल में नहीं डालता उसको मैं वो यहां कुछ नहीं यहां कुछ नहीं और यहां आई है मेरी वैल्यू बनती थी इसकी फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की, <coughs> 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 की आईजीसटी बनेगा और वो नौ हजार का मेरा यहां पर आ जाता है तो दिस इज द RCM लायबिलिटी है ये NSM की लायबिलिटी है ठीक अच्छा जी अब मुझे लायबिलिटी को पे ऑफ करना है तो RCM लायबिलिटी 2B पेड इन कैश इसको हमें कैश में पेमेंट करना पड़ेगा वो कैसे करेंगे साहब तो लायबिलिटी आती है अपनी IGST की IGST CGST SGST ऐसे करके लिख सकते हैं IGST 9000 बनता है या कुछ नहीं है और ई कैश लेजर से इसको हम पे ऑफ करके चलेंगे नाइन ऐसे करके ठीक है अच्छा जी या अभी पहले आई टी सी स्टेटमेंट बना लें इसके बाद इसको कर देंगे हम चलो पे ऑफ बाद में कर देंगे कोई दिक्कत जैसा आपकी मर्जी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम इसको आगे लिख देते हैं आगे भी चला सकता है चलो आरसी को पे ऑफ करेंगे अब हम आई टी सी का स्टेटमेंट बनाते हैं लाइब्रेट स्टेटमेंट हमारा पूरा हो गया है आई टी सी स्टेटमेंट जी साहब तो इसमें आएगा अपना आई जी एस टी सी जी एस टी और एस जी एस टी ठीक मालिक हाँ जी 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 ध्यान से देखना क्वेश्चन को ना आराम से ये अपने पर्टिकुलर्स में आ जाएगा दो मेरी इनवाट सप्लाई थी <coughs> इसमें थी मेरी गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर परचेज किया था बीस अक्टूबर को और टेन थाउजेंड इन केस ऑफ इंटर एंड बैलेंस इन इंट्रा तो परचेज किया फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर से तो बताइए साहब आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा कितना शानदार तरीके से कदम कदम पर खेल रखा है इस क्वेश्चन के अंदर <coughs> अनरजिस्टर्ड डीलर है जीएसटी चार्ज किया नहीं होगा जब जीएसटी चार्ज ही नहीं कर सकता है तो भाई साहब सवाल ही पैदा नहीं होता है अब दूसरी एक और बात समझिए सिर्फ एक ही टाइप की ऐसी सप्लाई है जो अनरजिस्टर्ड डीलर से लेने पर टैक्सेबल हो जाती है और वो है अगर आपकी सप्लाई नाइन फोर के अंदर फॉल करती है तो नाइन फोर कब लगता है कि जब अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड को सप्लाई की जा रही हो लेकिन वो सप्लाई स्पेसिफिक है कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़ी हुई सप्लाई है तो क्या यहां पर वैसा कुछ है तो मैं नाइन फोर के अंदर इसका इसको मान के चलूं या ना मान के चलूं जैसे आप कहेंगे मैं वैसा यहां पर ले लूंगा बताइए मालिक मैं क्या करूं क्या मैं इस सप्लाई को क्या मैं इस सप्लाई को यहां पर मान के चलूं या ना मान के चलूं मेरे बच्चा मेरे भूरा मेरे कबूतर मेरे लाल सर देखिए यहां पर जनरल सी बात कर रखी है कोई स्पेसिफिक बात नहीं बताई गई है तो जब जीएसटी नहीं है तो कोई आईटीसी की यहां पर बात नहीं करी जाएगी मैं से यहां पर नहीं पकड़ता और ये जो प्रोफेशनल uh, फीस की बात कर रहे हैं तो ये आरसीएम के अंदर फॉल करता है ये वाला पॉइंट स्पेसिफिकली हमें पता है और इसका हमें आई टी सी यहां पर आकर नौ हजार रुपए का अवेलेबल करवा दिया जाएगा तो देख रहे हैं आप जो आर सी एम वाली ट्रांजेक्शन है वो एक तो मेरी यहां पर आ गई मैंने आई टी सी भी इसका बुक किया है ठीक है और एक किसकी जो लाइब्रिटी है वो लाइब्रिटी भी यहां पर आ गई लेकिन लाइब्रिलिटी अछूत है थोड़ी अलग रहेगी अलग क्यों रहेगी ये भी मैंने आपको बता दिया है कि भाई ऐसा ना हो कि राहु केतु बनकर कहीं ये भी अमृत पी जाए इसलिए मैंने इसको दूर कर रखा है कि ऐसा ना हो कि इसमें डायरेक्ट जोड़ दिया तो मुझसे गलती होने के चांस हो जाते क्योंकि इसका पेमेंट मुझे कैश में करना पड़ेगा इस रियल को अलग करा हुआ है ठीक यस सर लेकिन अगर आप पूछोगे टोटल बताइए आपकी टोटल लाइब्रिलिटी क्या बनती है इसको आउटपुट लाइब्रेटी मत बोलना इनवर्ड सप्लाई जो हमारी होती है ना ये मेरा इनपुट टैक्स होता है मालिक तो ये आउटवर्ड लाइब्रेटी आप इसको नहीं बोल सकते ये मेरा इनपुट टैक्स होता है तभी तो मुझे क्रेडिट मिल पाया और ये मेरा आउटपुट टैक्स होता है कि दोनों को ऐड करना भी ठीक नहीं है बट अगर फिर भी कोई पूछे कि टोटल लाइब्रेटी बताओ कितनी आई है तो टोटल लाइब्रेटी में नौ मेरी ये है बाईस मेरी ये है और बाईस मालिक मेरी यहां पर आकर ये बन जाती है आई होप बात समझ में आ गई होगी हाँ बोलो हाँ यस yes, सर अगर तुमसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि आउटपुट लायबिलिटी बताओ तो बेटा इसका नाम लियो बस तु। अगर तुमसे इनवर्ड सप्लाई जन्मता है वो इनपुट टैक्स होता है इनपुट टैक्स का मिलता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव था यहां डबल एंट्री सिखाना डबल एंट्री सीख पाए या नहीं सीख पाए ना यस सर तो ये आ गया नौ हजार ऐसे ऐसे करके अब मैं बनाऊंगा यहां पर सेट ऑफ स्टेटमेंट अपना ठीक है तो सेट ऑफ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मालिक आ, इधर मेरे ये आएंगे आई जी एस टी का जो आई टी सी है वो यहां आएगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखूंगा आप कोई फिगर नहीं तो नहीं है मैं क्या करूं ये एस जी एस टी का मेरा आई टी सी यहां पर ये आ जाएगा ठीक है कितना कितना अमाउंट बनता जरा बताएंगे आप हमें सर इनका जो बनता था नौ सर एक ही है बस ले कोई बात नहीं कोई बात नहीं क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन नहीं नौ हजार आ गया चलो आउटपुट आई जी एस टी आउटपुट सी जी एस टी और आउटपुट मेरा एस जी एस टी की बात करते हैं <coughs> तो ये आउटपुट आई जी एस टी मेरा कितना था सर जी नहीं था बाईस पांच सौ बाईस पांच सौ ये थे मेरे बाईस पांच सौ ये था और बाईस पांच सौ मेरा ये बनता था ठीक है जी अब मुझे बताइए मैं कैसे सेट ऑफ करूं यहां तो कुछ है ही नहीं कुछ है ही नहीं तो कोई बात नहीं यार एक काम करो चाहे पूरा स्किल इस्तेमाल कर दो चाहे स्किल इस्तेमाल कर दो आधा आधा दे दो मुझे कोई आपत्ति बिल्कुल भी नहीं है आप हमें बताइए हम क्या करें क्या करें हम हाला क्वेश्चन में ग्रॉस लाइब्रिटी पूछिए नेट पूछिए ग्रॉस से पूछिए सेट ऑफ नहीं कराया कोई बात नहीं हम कर देते सेट ऑफ क्या दिक्कत है तो भाई चलो इनका दिल ना दुखे इतना इतना कर लो दिल ना दुखे तो ये क्या बचा जी अठारह हजार अठारह आप एक के लिए भी दोनों दे सकते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी ठीक तो ऐसे करके मालिक ये अपना यहां पर आ जाता है और <coughs> यहां एक छोटा सा करेक्शन करेंगे आप लोग ये ग्रॉस लाइबिलिटी थी हमारी यहां पर आकर ये आ गई यहां पे अनरजिस्टर्ड uh, से आया था ये हो गया रिसीट फ्रॉम सर्विस लेबर कॉन्ट्रैक्ट ये हमारा ये आ गया ठीक है तो आउटवर्ड लाइब्रेटी जोड़ी गई है ग्रॉस तो वो यहाँ पर ऐसे आएगी बाईस पाँच सौ टोटल थोड़ा गलत हो गया है बाईस पाँच सौ ठीक है मैंने सेट ऑफ भी करके दिखा दिया इसको आगे चल के कि सेट ऑफ़ करने पर ये आएगा तो प्लीज़ यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा हल्का सा ठीक साहब अब चलिए मैं आपको देता हूं ब्रेक और ब्रेक के बाद हम चीजों को आगे डिस्कस करके चलेंगे तो 45 नंबर तक हम आ चुके हैं लेट्स अ ब्रेक चलो 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 भाई चलो चलो राज जाओ भाई आ गए चले चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से यह है मिस्टर एकांत आगे सब लोग कम ऑन बेबी कम ऑन मिस्टर एकांत अ सप्लायर रजिस्टर्ड इन दिल्ली होए ज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ प्लास्टिक रेनकोट ही फर्निशिज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड बाई हिम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई जुलाई मंथ का डिटेल उन्होंने दे रखा है वैल्यू ऑफ इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई अच्छा इंटरस्टेट है और आउटवर्ड ओके okay.

तो ये आ गया आपका एक पॉइंट ये आ गया अलग पॉइंट और एक ये पॉइंट आया तो जरा बताएं पहले वाले पॉइंट में तो आपको मिल जाएगा ना आई टी हाँ इसका तो मिल जाएगा सी जी एस टी एस जी एस टी का दे रखा था ये पचास हजार ईच क्योंकि तो अमाउंट लैक्स में है और इसमें से आपका जो क्लब मेंबरशिप है तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो दिख नहीं रहा कहीं पर भी तो जो ये जो मेंबरशिप है ये डिसअलाउ आपकी हो जाएगी और 45 के एंड 45 के ये आपको यहां पर आईटीसी मिलेगा ठीक बात है अवेल्ड सुजीत लॉयर एडवोकेट इंट्रा स्टेट है एक लाख रुपए की यहां पर बनती है तो ये है आरसीएम की सप्लाई तो मुझे बताइए क्या यहां पर आपके लिए आम, आम, मालिक आर की क्या होगी डबल एंट्री हमेशा याद रखें जब भी आर की बात आए तो उसकी होगी डबल एंट्री द अमाउंट ऑफ आई टी सी ब्रॉड फॉरवर्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई इतना है दो लाख दो लाख इतना आपको बताना है कि कैश में कितना पेमेंट करना पड़ेगा तो बहुत ही अच्छा सा और बढ़िया सा क्वेश्चन है करके दिखाऊं या आप करेंगे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ साथ आप भी इस क्वेश्चन पे लग जाइए बिल्कुल फॉर्मेट के साथ साथ जो उसमें जैसे लिखा हुआ है ठीक है तो <coughs> क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स करके और देखते हैं कौन पहले निकालता है ठीक है तो यहां पर बनेगा एक आपका आउटपुट जीएसटी का स्टेटमेंट हम बनाने के लिए जा रहे हैं आप प्लीज़ बनाइए ना मालिक देखिए आप डबल एंट्री कैसे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर अपने वो पर्टिकुलर्स आ जाएंगे और पर्टिकुलर्स के बाद में यहाँ पर डाल देते हैं भाई साहब भगवान झूठ ना बुलाए इधर अपनी वैल्यू आ जाएगी अमाउंट जो उसका बनता है और इधर आईजीएसटी की बात करेंगे यहाँ पर अपना सी और ये अपना हो जाएगा एस जी एस टी ऐसे करके फटाफट देखते कौन पर निकालता, राइट फाइनल की वीडियो कब आई कल आएगी फाइनल की कल शाम पाँच बजे वैल्यू ऑफ इंटरस्टेट है इंटरेस्ट ये पहली फिगर थी तीस लाख की इंटर स्टेट है और ये है यहाँ पर थर्टी लाख रुपीज तीस लाख को ऐसे लिख दो क्या दिक्कत है ये कर दिया तीस लाख रुपये इंटरस्टेट था ये तो अठारह परसेंट का रेट है ना हमारा हाँ तो एक बच्चा मेरी हेल्प करता रहे जरा अठारह परसेंट से कितना बना सर बना पाँच लाख चालीस हज़ार एक बच्चा मेरी मदद करता रहे वैल्यू ऑफ इंटरस्टेट अब भैया किसी को भी कर लो इंटरस्टेट आउटवर्ड है इंटरस्टेट आउटवर्ड वैल्यू है पचास लाख रुपये की तो चार लाख पचास हजार यहाँ आ जाएगा इंट्रा है ना चार लाख पचास हजार चार लाख पचास हजार वैल्यू ऑफ इंटरट आउट टू वर्ल्ड फेक और इंटर आ गई पंद्रह लाख की बताते रहे ना कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए ठीक है कुछ गलती चेक करो कुछ हेल्प करो कुछ खुद से सॉल्व करो पंद्रह लाख पत्र कितना आया इसका पंद्रह लाख का आता है भाई साहब जी इंट्रा है तो पंद्रह लाख का नौ परसेंट निकलूंगा मैं

कैलकुलेट करिए जीएसटी की लायबिलिटी नहीं भाई साहब बस आउटवर्ड तो अपना यही बनता था जी ठीक है तो पाँच लाख चालीस हज़ार ये आ गया और पाँच लाख पचासी हज़ार ये आ जाता है और भाई साहब जी पाँच लाख पचासी हज़ार ये आ जाता है ये है आपकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी ऐसे करके ठीक है अब यहाँ पर ये तो आ गई आपकी फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आ जाती है क्योंकि यहाँ पर रिवर्स चार्ज की भी है तो रिवर्स चार्ज की जो लाइबिलिटी है उसे भी अलग से लिखूँगा लिखूंगा वहीं लेकिन अलग से लिखूँगा रिवर्स चार्ज में आ रही थी इनकी लाइबिलिटी ए वेल्ड कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम सुजीत लॉयर से और अमाउंट ये सर्विस का अमाउंट था या जीएसटी का अमाउंट था फॉर आईजीएसटी आई जी एस टी ऑन क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स इतना ये आईजीएसटी का था ये इतने का था इंटरस्टेट एक लाख की सर्विस थी या एक लाख का देखना क्या बता रहा भाई साहब एक लाख की सर्विस है या एक लाख का टैक्स है नहीं टैक्स नहीं एक लाख की सर्विस है तो एक लाख की ये सर्विस है और तो इसका नौ हजार यहाँ पर टैक्स होगा तो बताएगा ना खुल के टैक्स अमाउंट है नौ हज़ार यहाँ पर आ जाएगा ये तो ऐसे करके इसका हो गया ये नौ हज़ार ये आ गया नौ हज़ार ये आ गया हाँ ये बोल सकते हैं कि यस टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी ये बनती है टोटल पूछे तो कोई बता दीजिए पाँच लाख चालीस हज़ार ये बनता है पाँच पचासी पाँच पचानवे पाँच पचानवे फाइव नाइन्टी फोर ये बनता है और फाइव नाइन्टी फोर आपका ये बन जाता है ठीक है ऐसे करके ये तो होगी बात ख़त्म अब अपना आई टी सी का आसान है ना यस इतनी प्रैक्टिस कर दो इतनी प्रैक्टिस कर दो भाई साहब कि मजा सा आ जाए ठीक है और ये आपके पर्टिकुलर्स आ आ जाते हैं यहां पर ये गई इसकी वैल्यू आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी आईटीसी की बात कर रहे हैं आईजीएसटी ऑन क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स तो कैपिटल गुड्स के ऊपर है क्रेडिट बोल रखा आई डी का डेढ़ लाख रुपए का तो एक लाख पचास हजार यहां कुछ नहीं है सी जी एस टी जी एस टी क्रेडिट तो स, आ, किस पर है ये अदर इनवर्ड सप्लाईज़ ये है अपनी अदर इनवर्ड सप्लाई और एज पर सेक्शन नंबर सेवनटीन सबसेक्शन फाइव जो क्लब मेंबरशिप है उसका आईटीसी ब्लॉक्ड ब्लॉकड है भाई साहब तो यह आएगा आपका फोर्टी फाइव थाउजेंड और फोर्टी फाइव थाउजेंड ऐसे करके और अगली है आपकी वो यहाँ पर जो आर की सप्लाई है कंसल्टेंसी है और आर के अंदर है वैल्यू एक लाख की बता रखी थी ये नौ हज़ार और ये नौ हज़ार हो गया डबल एंट्री डबल एंट्री ये आईटीसी के स्टेटमेंट में भी आ गया पिछली क्लास में बच्चा पूछ रहा था ना कि डबल एंट्री बताओ कैसे होगी ये डबल एंट्री आर की राइट तो <coughs> साथ में कुछ हमारा ओपनिंग बैलेंस भी है सी जी एस टी दो लाख एस जी एस टी दो लाख आई जी एस टी का पांच लाख क्या बात है भाई साहब पांच लाख इसका है दो इसका है और दो इसका है जरा और तो कुछ नहीं है ना और कुछ ना है बताइए साहब टोटल आई से हमारे पास कितना हो गया मालिक <coughs> हमारे पास टोटल आईटीसी कितना बनता है हुँ? <coughs> अच्छा अभी तो वो रह गई ना हमारी अभी हाँ अरे वो अभी नॉर्मल ट्रांजैक्शन और रह गई हैं हम नीचे वाले देखें ऊपर वाले ट्रांजैक्शन रह गई वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अच्छा जी हमने कुछ इनवर्ड सप्लाई और ली हुई हैं रजिस्टर्ड पर्सन से दस लाख रुपए की ली थी जो प्राइमरी टेबल है ना अपने उसी में दे रखा है दस लाख की ली थी रजिस्टर्ड पर्सन से तो कैसी थी ये इंट्रा थी दस लाख का नब्बे हज़ार नब्बे हज़ार तो नब्बे हज़ार यहाँ जाएगा और नब्बे हज़ार यहां आ जाएगा ठीक तो है वैल्यू ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन तो इनवार्ड ली है और इंटरस्टेट ली है रजिस्टर्ड पर्सन से ली है ये पांच लाख के लिए है तो नब्बे हजार यहां पर आ जाएगा ठीक है जी ये हो गया और कुछ वैल्यू ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन ली है अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली है तो वहां तो जीएसटी चार्ज ही ना हुआ होगा तो क्रेड जैसी यहां पर कोई बात होगी भी नहीं ठीक है तो अब यहां पर अपना हम टोटल कर देते कि हमारे पास टोटल आई कितना है अब इस बताओ बताओ यार ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर सकते हो ना आप उसे हाँ सर कर सकते हैं तो बताओ टोटल करके कितना आया निकल के सर ये हमारा जो निकल के आया है तो एक लाख पचास हजार प्लस पांच लाख और नब्बे हजार प्लस पांच लाख प्लस नब्बे हज़ार सात लाख चालीस हज़ार तो ये आ जाता है ठीक है और <coughs> वो पैंतालीस हज़ार प्लस नौ हज़ार प्लस दो लाख नब्बे हज़ार थ्री फोर्टी फोर मेरा ये आ जाता है थ्री फोर्टी फोर और थ्री फोर्टी फोर ही मेरा ये दूसरा वाला निकल कर आ जाएगा तो ये आ गया साहब मेरा आईटीसी, ठीक है जी शानदार वाला कैसे है अच्छा क्वेश्चन है बढ़िया है डबल एंट्रीज के अंदर दे रखी है कई सारी ट्रांजेक्शन के अंदर दे रखी है तीनों तरह के स्टेटमेंट यहाँ बनाने पड़ रहे हैं हमें अब ऐसे करके है सेट ऑफ़ की बात करते हैं तो सेट ऑफ़ में ये आ गया जी आपका आई और आई किस किस का आई हमारा आई का आई टी का आई टी सी और एस जी एस टी का आई टी सी यहाँ आ जाता है यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल देते हैं तो आई जी एस टी के हमारा जो क्रेडिट है उसकी वैल्यू है सात लाख चालीस हज़ार सात लाख चालीस हज़ार थ्री फोर्टी फोर ये है थ्री फोर्टी फोर मेरी ये वाली है और इधर मेरी आउटपुट आई जी एस टी आ जाएगा आउटपुट सी जी एस टी आ जाएगा और आउटपुट मेरा एस जी एस टी आ जाएगा ठीक मालिक तो बताइए कितना है आपका आप ध्यान दीजिएगा आउटपुट में आप अपना इस फिगर को मत पकड़ लेना ये वाली आएगी पाँच चालीस पाँच पिचासी और पाँच पचासी ठीक है <coughs> पाँच लाख चालीस हजार फाइव एट्टी फाइव और फाइव एट्टी फाइव ठीक है सब हाँ ठीक है जी करो जरा पहले अपने का पेट भरवाइए तो पाँच लाख चालीस हजार तक यहाँ ठिकाने लग गया ये ठीक है जी तो यहाँ बस ये यह तो नील हो गया अपना बाकी बचा दो लाख अब दो लाख में से कौन से वाले की मदद करोगे किसी भी कर दो दोनों बराबर बराबर है अब जोन से वाले में ठीक करना चाहो आप कर सकते हैं हमें यहाँ पर कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है बचा कितना वैसे दो लाख बचा है तो किसके लिए लगाऊं ठिकाने बताइए आप आप जो कहेंगे मैं तो कर दूंगा भाई साहब आप जिसके लिए बोलेंगे मैं उसके लिए ठिकाने इसको लगा दूंगा मुझे कोई आफत नहीं एक एक लाख लगा दूं दोनों के लिए में लगा दूं कैसे कर लो क्या फर्क पड़ रहा है वो थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है क्वेश्चन के आंसर में तो दो लाख यहाँ लगा दिए चलो ये नील ठीक है तो यह आता है अपना थ्री एट्टी फाइव और ये फाइव एट्टी फाइव <coughs> ये तीन चवालिस यहाँ लगा दिया और ये वाला तीन चवालिस हमने यहाँ पे लगा दिया थ्री फोर्टी फोर ये लगा दिया तो फाइनली ये ना है थ्री एट्टी फाइव माइनस इतना मेरा बच्चा अतुल यादव थ्री एट्टी फाइव ये आता है, यह है यहाँ पर माइनस थ्री फोर्टी फोर फोर्टी वन थाउजेंड ये बचता है एंड मालिक टू फोर्टी वन ये बचेगा मेरा आके ठीक है तो ये मेरी आ गई तो ये है मेरा कैश लेजर से आर सी एम लाइबिलिटी को यहाँ पे ऑफ कीजिए आर सी एम लाइबिलिटी फ्राम ई e कैश ई e कैश कितनी बनती थी वो अपनी नौ हज़ार और नौ हज़ार की ठीक है तो उसको पे ऑफ भी तो करना पड़ेगा ना नौ हज़ार और नौ हज़ार टोटल पेमेंट टोटल फ्रॉम ई कैश मेरा कितना होगा नील और ये आ गया जी फोर्टी नाइन थाउजेंड और टू फोर्टी नाइन कराओगे एग्जाम में नहीं है भाई एग्जाम में कराओगे या नहीं अरे बोलो रे अरे बोलो रे बोलो हाँ सर जी हम कर देंगे एग्जाम में वेरी गुड बहुत ही बढ़िया <coughs> चलो आगे बढ़ते हैं अब अब क्वेश्चन आता है आपके लिए फोर्टी सेवन नंबर का तो फोर्टी सेवन नंबर क्या बोलता है आइए जरा और देखो पूरे जोश के साथ बैठे रहिएगा जैसे बैठे हो यह भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मतलब सारे क्वेश्चन मैं चुनिंदा लेके आया हूं आपके लिए हम्म ठीक है, ओके एक्स वाई ऑफ कोलकाता इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इट पेड जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम ओके द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाई इट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई जुलाई के लिए कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई हैं इंटर स्टेट परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी इन्होंने कुछ ऑफिस स्टेशनरी परचेज करी तो परचेज का मतलब क्या मतलब ये इनवर्ड है इसके राइट right? ठीक है जी और ये क्या है ये इसके आउटवर्ड आ जाते हैं मालिक ओके okay, सर जी अमाउंट ये है रिपेयरिंग ऑफ लॉरी यूज इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस टू सुवेंड सो तो बताइए यहाँ पर आई मिलेगा नहीं मिलेगा इसका जी बताइए फटाफट से इसको रफली सॉल्व करते हैं यस मिल जाएगा इसका आई मिलेगा नहीं मिलेगा हु? सर रिपेयरिंग ऑफ लॉरी यूज इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम वेरा तो लॉरी का मिलेगा उसकी लॉरी की रिपेयर का भी मिल जाएगा ठीक है इसका मिल जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ ऑफिस स्टेशनरी यहाँ पर अपना आउटपुट जीएसटी लाइब्रेटी आ जाएगा स्टेट सप्लाई ऑफ फाइव हंड्रेड कॉम्बी पैक्स कंटेनिंग वन कैलकुलेटर एंड डायरी जिसमें यह भी था इस पर भी जीएसटी आ जाएगा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू शुभ विधि

इंटरस्ट्री सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ बिजनेस बिजनेसेंट ने इसको दी है तो उसके बाद आगे बोलते इंफॉर्मेशन मतलब एक भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो सिमिलर नहीं है अलग टेस्ट का क्वेश्चन है फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन एक्स वाई इन द अब एंड पेमेंट ये है

द कैलकुलेटर एंड द डायरी आर इंडिविजुअली प्राइज्ड एट इतना इतना अच्छा ठीक है जी तो हमें ये ये देखना कॉम्बो है तो इसमें कैलकुलेटर और डायरी के रेट की बात करते हैं कि कौन सा यहाँ पे लगेगा तो ये वैसे तो अपना मिक्सड सप्लाई है लिखेंगे इसके रीजनिंग के अंदर हम तो उसमें सेक्शन आठ के मुताबिक अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल का हिसाब ले लिया जाएगा तो कैलकुलेटर और डायरी <coughs> ये रे रेट ऑफिस एंड कैलकुलेटर नौ परसेंट नौ परसेंट रेट्स ऑफ सो एंड सो आई यूस टी फॉर डायरी डायरी पे ट्वेंटी एट है और बाकी उस पर अठारह परसेंट है तो ये जो कॉम्बी अपना ट्वेंटी एट परसेंट के रेट में क्लासीफाई कर दिया जाएगा ठीक है ओके एंड उसके बाद में इन्वाइस ऑफ फोर्टी थाउजेंड टुवर्ड्स परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशन इज मिसिंग एंड नो अदर टैक्सपेइंग डॉक्यूमेंट अच्छा ये जो आपने परचेज़ किया था इसमें से आपका उज हो जाएगा क्योंकि आपका इन वॉइस मिसिंग है तो आपको जो यहां पर आई मिलेगा वो एक लाख के रिस्पेक्ट में ही मिलेगा तो एक लाख का 18 तो आपको मिल पाएगा वेरी गुड ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि ट्रायल बैलेंस दिया करते थे नीचे एडजस्टमेंट हुआ करती थी और फाइनल अकाउंट बनाने पड़ते थे ट्रेडिंग पी एंड बैलेंस शीट ये कुछ वैसा ही है ओके okay जी आगे है खत्म हो लिए होलियेस वाला ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी हैं रेट ये बता रखें ये हो जाएगा तो बताइए आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे मैंने आपको वैसे सॉल्व करा दिया है प्रेजेंटेशन मोड आप अपनी तरह से दे सकते हैं हा हाँ यस आराम से कर सकते हैं आप इसे यस सर <coughs> क्या क्या बनेगा आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट बनेगा आईटीसी का स्टेटमेंट बन जाएगा और फिर आप सेट ऑफ का स्टेटमेंट वहां पर उसका बनाकर काम खत्म कर देंगे ओके सर जी आगे है फोर्टी एट नंबर पे आके क्या बोल रहे हैं यहां पर आकर मालिक के एन के लिमिटेड लिमिटेडिस्टर्ड सप्लायर ऑफ मुंबई इज अ अफैक्चर इज ए मैन्यूफेक्चरर ऑफ हैवी मशीन्स इट्स आउटवर्ड सप्लाई एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी आर एज फॉलो इनकी सप्लाई कुछ ही बता रखी है इंट्रा है और इंटर है एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स जीएसटी नो परसेंट नो परसेंट डिटेल ऑफ जीएसटी पेड ऑन स्टेंट सो ये है रॉ मेटीरियल ए lying ऑफ stock. तो मुझे बताइए ITC पूरे का मिलेगा या मुझे कुछ कम का मिलेगा मालिक जवाब दें आप 70% परसेंट यूज <coughs> कर लिया है बाकी अभी 30% परसेंट टू भी यूज होगा अभी यूज नहीं कर रहे हैं उसे तो आपको आई टी सी पूरे का मिलेगा या सत्तर प्रतिशत का मिलेगा सर देखिए आई टी यूज़ करने के जो कंडीशन उसमें लिखा हुआ है यूज और इंटेंड टू बी यूज इंटेंड टू बी यूज पर हमें आई टी अवेलेबल हो जाता है तो यहां पर कोई कटौती होने वाली नहीं है हमें पूरा का पूरा आई अवेलेबल इसका करवा दिया जाएगा ऐसे करके ग्रेट रॉ मेटेरियल बी है ऑफ विच नाइन्टी परसेंट ऑफ मेटेरियल रिसीव इन द फैक्ट्री एंड रिमेनिंग मेटीरियल कंप्लीटली डैमेज ड्यू टू रोड एक्सीडेंट ऑन द वे टू फैक्ट्री मतलब कोई आया ही नहीं है Metal पहुंचा ही नहीं है और ये कोई नॉर्मल लॉस नहीं है कि छोटा मोटा चलो भाई हो गया हो ये आपका नेगेलिजिबल नहीं है बिल्कुल भी तो कोई बात नहीं हम इसका नाइन्टी ही आपको अलाउ करके चलेंगे और नाइनटी आता है इसका पैंतालीस इसका मिलेगा और पैंतालीस में इसका अवेलेबल करवा दिया जाएगा ठीक है यस सर कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइन लीड आउटसाइड द फैक्ट्री पर अब बताइए ये कहां से खेल गया मालिक सर ये दरअसल खेल गया है ये खेल गया है हमसे आकर हम्म हम हम्म आउटसाइड मैंने बताया था कुछ दूसरे क्वेश्चन में बताया था एक में कि जो इनसाइड होती है ना तो भाई मेरे आ, उसको तो हम लोग प्लांट मशीनरी का पार्ट मानते हैं और कोई भी कैपिटल गुड्स अगर यूज किया जाता है फॉर द प्लांट एंड मशीनरी उसका माइटीसी मिल जाता है हाँ बोलो हाँ लेकिन जो पाइपलाइन फैक्ट्री के बाहर पड़ी हुई है उसका आई नहीं मिलता मतलब घर वाली का आई टी सी मिलता है बाहर वाली का आई टी सी नहीं मिलता है रे ओके okay, तो इसका आईटीसी मिलने वाला नहीं बिकॉज इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी ओके तो नहीं मिलेगा इंश्योरेंस चार्जेस पेड फॉर ट्रक्स यूज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो हम जानते हैं जो ट्रक यूज किए जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो ट्रक का खुद का आईटीसी मिलेगा हाँ मिलेगा तो ट्रक का अगर मिलेगा तो ट्रक से जुड़ी हुई जो रिपेयरिंग है उसका मिलेगा क्या यस रेस नो हाँ जी उसका भी ऑब्वियस सी बात है अवेलेबल करवा दिया जाएगा तो इसका मिल जाएगा फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव दर इज नो ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं है अच्छी बात है बहुत बढ़िया होता तो आईटीसी के स्टेटमेंट में ऐड कर देता डिटेल्स ऑफ जीएसटी पेड ऑन वर्ट सप्लाई आर अवेलेबल इन टू एक्सेप्ट फॉर आइटम वन आ टू ए की जगह टू बी पढ़ेंगे इसको हम क्योंकि अब तो खत्म ही है एक्सेप्ट आइटम नंबर वन रॉ मेटीरियल फॉर विच सप्लायर हैज नॉट पेड जीएसटी जीएसटी आर नहीं दिख रहा उसके पे टू ए बी में नहीं दिख रहा है तो बताइए क्या करें वैसे तो अदरवाइज उसका आई टी सी मिल जाता है लेकिन सेक्शन सिक्सटीन में ये भी बोला जाता है कि भाई आपके उसमें दिखना चाहिए तभी मिलेगा तो फाइनली इसका आई टी सी अब नहीं मिल पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन तो आपको बताना है कि आपका आई टी सी का स्टेटमेंट बना दीजिए और आप आउटपुट जीएसटी का स्टेटमेंट बन जाएगा ऊपर वाले के हिसाब से तो बड़ा आसान है और सेट ऑफ की बात कर लेंगे तो मुझे बताइए क्या आप इसका फ्रेम कर सकते हैं कि नहीं मालिक मैं जो पूछ रहा हूं जवाब दीजिए क्या आप इसका सोल्यूशन क्योंकि मैंने चार पांच क्वेश्चन एक ही स्ट्रक्चर वाले कराए हैं जिसमें आउटपुट जीएसटी स्टेटमेंट बन रहा है एक आईटीसी का स्टेटमेंट बन रहा है और एक सेट ऑफ का स्टेटमेंट बन रहा है हाँ ये 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 वाली 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 है 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 ना ये? हाँ भार वाली है। ये लो नवंबर 2020 में आठ नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है तो बताइए ये नंबर आप ला सकते हो या नहीं मालिक यस कर सकते बस यही तो चाहिए था मैंने पीछे इतनी प्रैक्टिस करा दी आपको कि अब ये आपको पता नहीं था कि ये क्वेश्चन आया हुआ है तो नवंबर 20 का आया हुआ क्वेश्चन है अपना ये ठीक है जी <coughs> साहब आईटीसी के आपके क्वेश्चन आंसर खत्म हुए और कहते कि जिसने समंदर में तैरना सीख लिया हो उसके लिए नदियों में तैरने के लिए अलग से ट्रेनिंग कोचिंग की जरूरत नहीं होती है तो मालिक आप आईटीसी के क्वेश्चन कर चुके हैं तो अब सारे क्वेश्चन आपको बचकाने से लगेंगे जीएसटी आर टू ए टू भी समझा दो अरे कुछ नहीं पहले क्या होता था वो ये सप्लायर है ये रेसिपिएंट है ये जीएसटी पोर्टल पर अपना जी एस वन अपडेट किया करता था तो यहाँ से इंफॉर्मेशन इधर आती थी जी एस टी आर टू ए के अंदर आती थी लेकिन ये डिसकंटिन्यू कर दिया अब टू भी कर दिया है टू ए आपका डायनामिक हुआ करता था और टू भी आपका स्टैटिक है डायनामिक मतलब कि उसमें कोई चेंज अगर मान लीजिए टू ए मेरा जनरेट हो चुका था छः महीने पहले का आज कोई चेंज करता हूँ तो उसमें रिफ्लेक्ट करेगा उसकी फिगर चेंज हो जाएगी टू बी क्या स्टैटिक है कि एक बार जो निकल गया बन गया सो बन गया उसमें कोई चेंज लेटर ऑन नहीं हो सकता है ठीक है यस सर मैनर ऑफ पेमेंट अब खुद ही बताना कि मैं हाथ से सॉल्व करूं या हो जाएगा क्योंकि पचास नंबर तक आ मोटा मोटी तब तो, तो शायद बिना उसके काम चल जाएगा हरी हर सप्लायर ऑफ गुड्स पेस जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम ही हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाई तो इंट्रा है ये इंटर है ये परचेजेस इनके चीज इंट्रा है और इंटर है या आई का ओपनिंग बैलेंस है तो कुछ नहीं करना है इसमें प्लेन क्वेश्चन है अपना ये जी मालिक ओके लेकिन ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं पीछे तो इसलिए मैंने आपको ये बता के चले हैं <coughs> क्वेश्चन नंबर पचास देखते हैं क्या बोलता है ग्रे तो हाफ सेंचुरी पूरी होने वाली है इसलिए शिद्दत से देखें और जरा नोटिस करना अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना यार अब नोटिस करना कि आप गलती कर रहे हो या कर पा रहे हो ठीक जहां भी गलती करो प्लीज प्लीज आप उसे मार्क जरूर कर लेना ग्रे अ रजिस्टर टैक्सीबल पर्सन अंडर रेगुलर स्कीम है प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाईज मेड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है आईजीएसटी यहां पर आ जाएगा वेरी गुड इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ़ हंड्रेड पैकेट ऑफ डिटर्जेंट चार्लास्टिकार एट द रे चार सौ चार सौ के भाव से थे और पांच सौ पैकेट बनते थे तो आ गया दो लाख रुपए और दो लाख का अट्ठाईस परसेंट निकाल देंगे छप्पन तो हजार आई जी एस टी क्या है इंट्रा है तो ये आ जाएगा अपना यहां पर आकर अट्ठाईस हजार और अट्ठाईस हजार ऐसे करके हो जाएगा सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जनरल्स टू पिनाकल अ प्राइवेट कोचिंग प्राइवेट कोचिंग सेंटर प्रोवाइडिंग ट्यूशन टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स एक्स अब मुझे बताइए रीजनिंग <coughs> के साथ चलना है रीजनिंग <coughs> के साथ चलना है तो ये जो इन्होंने किया है कहां से खेल रहा है मैं बताऊं

हाँ सर जी एकदम ठीक है गुड्स यस yes, सिर्फ कॉलेज के लिए एग्जाम है तो ये जीएसटी लगेगा इसके ऊपर ग्रे हैज ऑल्सो रिसीड फॉलोइंग वर्ट सप्लाई इंटरस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स आउट ऑफ विच इन वॉइस ऑफ गुड्स वर्थ्रूप ट्वेंटी थाउजेंड मिसिंग एंड नो अदर टैक्स तो ट्वेंटी थाउजेंड मिसिंग है तो यहां आपका सिर्फ पचास हजार का ही ये आपको मिल पाएगा वर्किंग नोट देंगे सेक्शन 16 के मुताबिक जो मिसिंग है उसका आई मिलने वाला नहीं है रिपेयरिंग ऑफ बस है स्टेट सप्लाई सी मिलेगा या नहीं मिलेगा आप हमें दीजिए इसका जवाब मालिक मेरा डिनर आ गया है पर मैं अभी डिनर नहीं करूंगा क्यों नहीं करूंगा क्योंकि हम कंप्लीट करने के बाद ही इसकी बात मालिक करके चलेंगे तो आप मुझे बताएं जरा बीस पैसेंजर की कैपेसिटी थी आईटीसी अवेलेबल होगा या नहीं होगा मालिक ये सुन लो सर मे बात जानते हैं देखो आ, मोटर व्हीकल का गुड़ दे दिया है गन्ना भी देंगे हमें अगर मोटर व्हीकल का आईटीसी मिलता है तो उसकी रिपेयरिंग का भी आई रिपेयरिंग इंश्योरेंस वगैरह का भी आई मिल जाता है इसके दो एक्सेप्शन टाटा मतलब मोटर व्हीकल का मिल रहा है तो मोटर व्हीकल से कनेक्टेड सर्विसेज का भी मिलेगा मोटर व्हीकल का नहीं मिल रहा है तो कनेक्टेड सर्विस का भी नहीं मिलेगा दो एक्सेप्शन है अंबानी और अडानी अंबानी मतलब इंश्योरेंस अगर स्टॉक का इंश्योरेंस कराया गया है तो उसका भी आपको मिल जाएगा और दूसरा एक और था कि जो लाइक uh, like, uh, जो ऑथराइज सर्विस स्टेशन होते हैं जिनका प्रीमियम uh, आता है इंश्योरेंस का प्रीमियम uh, आता है और क्लेम देने पड़ते हैं रिपेयरिंग वगैरह के उनको भी अवेलेबल हो जाता है तो मुझे पहले बताइए जो 20 पैसेंजर वाली बस है इसका हमें आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा सर इसका तो सर जो बाउंडेशन है वो uh, 13 और लेस के लिए है ना सेवनटीन फाइव में जो ब्लॉकेज है वो कार के लिए है बेसिकली लेकिन यहाँ तो बस आ गई ना अपनी तो इस पे के लिए सेक्शन सेवनटीन फाइव में कोई ब्लॉकेज जैसी बात नहीं है नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी हमें आई अवेलेबल हो जाएगा तो ये पॉइंट थोड़ा निशान लगाइएगा हो सकता था कि आप इसमें गलती कर बैठे ठीक है यस सर इनवर्ट सप्लाई आपकी ये रही तो हमें बताएं बस हो गया क्वेश्चन यही है आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ट सप्लाई मैं करके दिखाऊं हाथ से या हो जाएगा जैसे आप बोलेंगे क्योंकि तो मैं पचासवें क्वेश्चन पे खड़ा हूं इस समय लगभग सारे क्वेश्चन हमने आज से सॉल्व किए हैं जैसा बोलेंगे हम तो वैसा कर देंगे मालिक हमें कोई दिक्कत नहीं है चाहे रात के दस बजे ग्यारह बजे बारह बजे तो खत्म करके ही सांस लेंगे अब हम ठीक है साहब हो जाएगा सर अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्प्लॉय वाला कॉन्सेप्ट को नहीं लगा नहीं बस की बात कर रहा है ना ये तो ये तो बस की बात कर रहा है और वैसे सेक्शन सेवनटीन फाइव में ये जो पॉइंट है ना आएगा ही नहीं वहां पे बात चेक ही नहीं करना आपने वहाँ चेक ही नहीं करना आपने मेरी बात समझो देखो एक एग्जामेशन के अंदर पॉइंट आता है आप वहां से परेशान हो रहे होंगे कि वहां बोलता है कि बस या मिनी बस को जब हम किराए पर देते रेंट पर देते हैं किसको डेहली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग वगैरह को तो एग्जाम्शन मिलती है यहां बसेस वगैरह की बात नहीं कर रहा यहां बसेस के आईटीसी की बात कर रहा है तो सेक्शन सेवनटीन फाइव में मोटर व्हीकल के आईटीसी की बात करते मोटर व्हीकल का मतलब थर्टीन और लेस से है वहां कार की ब्लॉकेज है तो आईटीसी के चैप्टर में तो बसेस की चर्चा ही नहीं है और अब हमें ये देखना है कि भाई और रिपेयर मेंटेनेंस की बात है तो रिपेयर में, में ये लिखा हुआ है कि जिन मोटर व्हीकल का आपको आईटीसी मिल जाता है उनसे का भी मिल जाएगा। तो जो मोटर व्हीकल आप अपने बस का तो आईटीसी मिलेगा ना बस का मिलेगा तो बस से कनेक्टेड रिपेयर का भी आईटीसी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा ठीक है जी जाएगा कर लेंगे वेरी गुड ठीक है जी

उन फर्जी लोगों को पकड़ते थे जो बड़े बड़े अपने फर्जी वाड़े करते थे नौ नौकर है माली है है ना ड्राइवर है उनके नाम पर बड़ा बड़ा बिजनेस किया करते थे तो वहां ये बोलते थे प्रोविजन ये कहता था कि 50 लाख से ऊपर की टैक्सेबल सप्लाई आप मंथली कर रहे हो तो आपको 86 बी फॉलो करना पड़ेगा भले ही आपके पास में सफिशियंट आई अवेलेबल है लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपना आप अपने आई को नाइनटी परसेंट तक यूज कर सकते हो मीनिंग डियर बाय वन ऑफ योर आउटपुट लाइबिलिटी है आपको एक परसेंट कैश में पे करना ही पड़ेगा ठीक है यस yes, सर कैश पे करना पड़ेगा लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी आते थे कुछ लोगों को यहां से बाहर निकाल दिया गया था कि अगर कोई वो व्यक्ति है जो इनकम टैक्स मोर देन वन लैख पे कर रहा है तो इससे क्या पता लगता है हम उनको ढूंढ रहे थे जिन्होंने अपने माली नौकर ड्राइवर के नाम पर कर रखी थी अब एक्चुअल में अगर कोई ऐसा केस है तो बताइए क्या माली नौकर ड्राइवर जो रजिस्टर्ड पर्सन को कराया गया है क्या वो एक लाख रुपए का टैक्स भर रहा होगा वो तो शायद अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल ना कर रहा होगा तो वो टैक्स जमा कर रहा है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक किन केस है, फ्रॉड वाला केस नहीं है तो इसके लिए 86 बी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है ऐसे रिसीट और रिफंड आपका एक लाख से ऊपर का अगर आ रहा है आईटीसी का मतलब आईटीसी का भंडार है लेकिन आईटीसी का आपको रिफंड वगैरह आ रहा है प्रोविजंस के मुताबिक तो भी आपको परिणाम लगेगा एक परसेंट वाली बात को हम क्यूमुलेटिवली देख के चलते हैं ऐसा नहीं कि हर महीने चेक किया जाएगा अगर किसी महीने आपने ज्यादा कैश लियर से भर दिया है तो अगले महीने उसका कॉम्पनसेशन आपको मिल जाएगा जैसे ग्रुप का कॉम्पनसेशन आपको मिल जाता है कि जैसे फाइनल का एग्जाम है दो दो सौ नंबर के पेपर हो गए एक में आ रहे हैं भैया आपने 198 आ रहा है एक का दो दो आ रहा है जय जय श्री राधे कॉम्पनसेशन का बेनिफिट आपको यहां पर अवेलेबल मिल जाता है और कुछ स्पेसिफाइड लोगों के ऊपर भी यह प्रोविजन आपका लागू नहीं होता गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी सर्च रिबॉडी क्या लगता है ये इस प्रकार से फर्जीवाड़े में शामिल होंगे द आंसर इज नो और इसके अलावा गवर्नमेंट कुछ नोटिफाइड व्यक्तियों को भी यहां पर ला सकती है कि भाई आपको ये एट्टी बी फॉलो करने की जरूरत नहीं है स्पेशली दो पीपल्स जिनका बिजनेस सीजनल होता है जैसे मान लीजिए गर्म कपड़ों का बिजनेस मेरा है तो गर्मी मैनुफैक्चरिंग होती है सर्दियों में उसकी सेल होती है तो so, ड्यूरिंग मेरे पास आईटीसी का तो भंडार होगा लेकिन आउटपुट मेरा मेरा शायद ना के बराबर चल रहा होगा तो so, ऐसे थैंक यू ज्योति थैंक यू थैंक यू सो मच वन परसेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पेड इन कैश वेरी गुड आजाद जी साहब तो लीजिए साहब आगे हम अपने अगले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है रिटर्न का क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू है अपना गौरी शिवा कौन है भाई पचास क्वेश्चन पचा, क्वेश्चन पचा, नहीं ये क्या रहा में में? Sorry, ओ, ले, 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 ले। ये अपने आप सुन रही है मुझे नहीं पता गौरी शिवा अ रजिस्टर्ड पर्सन इन पंजाब सप्लाइज गुड्स टैक्सेबल एट द रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट सीजीएसटी एसजीएसटी इतना इतना है आई जी एस टी इतना है इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ही फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स ओके एंड इन रिलेशन टू इंडिपेंडेंट सप्लाई पूछ पूछकर राबे एग्रीगेट एनुअल टर्न ओवर ऑफ गौरी शिवा इन द प्रेटिंग फाइनेंशियल ईयर इज वन पॉइंट टू करोड़ विद्ठी नाइन डिस्कस द मैनर इन विच द डिटेल्स ऑफ अब सप्लाईज आर रिक्वायर टू बी फर्निश इन जी एस टी आर वन कैसे फर्निश करनी होंगी तो यह आगे आपका जीएसटी पोर्टल से uh, जो कनेक्टेड क्वेश्चन है वो यहां पर आ जाता है मालिक तो मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं जीएसटी डॉट जी ओ वी डॉट इन करके यस yes, मैंने कर दिखाया नहीं हुआ मुझे लगता है इसका जो पासवर्ड वो एक्सपायर कर गया है खुलजा सिम सिम इस बार खुल जाना भाई मान जा ऐसे मत कर भाई एट वन सिक्स चेक कॉले कुल तेरा बचना चाहिए खाली yes, yes. कोई बात नहीं तो मैं आपको बताऊं मैंने पोर्टल पे आपको ये बताया था कि जब हम जीएसटी आर वन फाइल करने के लिए जा रहे होते हैं <coughs> कौन सा क्वेश्चन आपका है फिफ्टी टू है? है ना हाँ जब हम अपना जीएसटी आर वन फाइल करने जाते हैं तो वहां पर हमें एक तो बनी होती है इनवाइस वाइज डिटेल हर इनवाइस के लिए अलग अलग डिटेल देनी होती है जो आपके इनवाइसिस बी टू बी तो बताइए उनकी वन टू वन डिटेल देनी पड़ेगी कि नहीं यस yes, क्योंकि सामने वाली पार्टी को को आईटीसी चाहिए होता है तो आप उनकी कंसोलिडेट डिटेल नहीं दे सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं जो आपके बी टू सी उसमें दो बातें हो जाती हैं बी टू सी है प्लस आपका इंटर स्टेट है प्लस ढाई लाख से ऊपर का मैटर है तो यह भी आपको इनवॉइस वाइज ही देना पड़ता है बड़ा अमाउंट आ गया ना इनवॉइस वाइज ही आपको देना होता है ये वाला भी ठीक है इसमें दूसरा आप कंसोलिडेट दे सकते हैं ये लीगल प्रोविजन आ गया मालिक लीगल प्रोविजन ठीक है रूल नंबर फिफ्टी नाइन के मुताबिक है अपना लीगल प्रोविजन ठीक है और अगर आपका बी टू सी है मतलब अदरवाइज इसके अलावा कुछ और है तो अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करता हूँ इसके साथ में तो अदरवाइज जो मैटर होंगे आपका तो उसमें आपका ये हो जाएगा अदरवाइज मतलब कोई सी भी कंडीशन पूरी ना हो पाए तो बी टू सी वाले केस में अगर साथ में ये भी कंडीशन पूरी हो रही हैं तो बात बनेगी अदरवाइज नहीं तो हमें चेक करके बताना है कि कौन कौन से केस में ये अपना एप्लीकेबल होगा तो पहले मैं ढूंढता हूँ कि जहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन की जो बी टू बी हैं तो भैया ये अपना इनवाइस वाइज जाएगा ये भी इनवाइस वाइज ही जाएगा और कोई रजिस्टर्ड दिख रहा हो हाँ ये भी इनवाइस वाइज जाना है और ये ये भी आपका invoice -wise ही जाना पड़ेगा अच्छा अब अब देखो देखो इसमें जो आपके B2, आ, B बच, ये जो आपके बच अपने, इनमें कौन सा है? तो भाई एक 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 ये 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 है, है है है। और और ये है। ये चार हैं, बाकी तो है, तो बाकी को तो भूल जाओ बाकी तो ये अपना कॉन्सोलडेट ही जाएगा ये आपका कॉन्सोलडेट चला जाएगा और कंफर्मड क्योंकि वो इंट्रा है ना इसलिए अब इनमें से देखते हैं कि इनमें से कौन कौन पूरे करते हैं ढाई लाख से ऊपर की वैल्यू तो ये भाई साहब अपना ये भी है और ये भी है तो ये जाएगा आपका इन वाइज आपका जाएगा ऐसे करके ठीक है इन वाइज आएगा और फिल्टर लगाइए अगला वाला इंटरस्टेट है, लेकिन वैल्यू कम पड़ गई अगला वाला इंटरस्टेट है, लेकिन ढाई लाख है हमेशा ही ढाई लाख से ऊपर का ठीक है कहाँ खेल रहा है अगला भी अपना इंटरस्टेट है और ये अपना दोस्ती है तो यानी कि जो अपना नंबर कौन कौन से पकड़ में आगे पहला दूसरा पांचवा और आठ नौ और दस एक दो पांच आठ नौ दस ये जाएंगे इनवाइस वाइज तो कौन कौन से आगे भाई इनवाइस वाइज में पहला दूसरा पांचवा ठीक है और आठ नौ दस देखा मेरा कमाल ऐसे करके हम अपनी बात यहां पर पूरी कर सकते हैं मालिक तो मुझे बताइए बात पकड़ में आ गई कि नहीं आई हम्म हाँ सर जी आ गई है ग्रेट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर मिस काशी इज अ रजिस्टर्ड इंट्रा स्टेट हालांकि को सेक्शन कौन-कौन से आते हैं यहाँ पे सर सेक्शन नंबर 37 से लेकर इसमें चैप्टर में आते हैं 48 तक के थोड़ा गिनवाइए सेक्शन 31 में क्या है सेक्शन 31 जीएसटीआर 1 भरने की बात करता है थर्टी एट में क्या है वो फुली अमेंडेड है उसमें टू बी की चर्चा करी जाती है टू बी में क्या किस तरह से आता है निकल के ठीक है उसके बाद में सेक्शन जीएसटी है एंड उसके बाद अपना फोर्टी आता है ठीक है तो फोर्टी <coughs> में क्या आता मालिक बताइए थर्टी नाइन फोर्टी फिर फोर्टी वन वो प्रोविजनल आई टी सी की अपनी बात किया करता था लेकिन फोर्टी uh, में फर्स्ट टर्न आ गई प्रोविजन आई टी से नहीं उसमें बोलते ठीक है भाई आप आई टी से ले लीजिए लेकिन सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन अगर आगे कोई तकलीफ होगी तो रिवर्सल करवा दिया जाएगा ऐसा फोर्टी वन में लिखा हुआ है फॉर्टी टू फोर्टी थ्री ओमिटेड है फोर्टी फोर फोर्टी फाइव एनुअल रिटर्न और फाइनल रिटर्न फॉर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट फोर्टी सिक्स में आपका नोटिस की बात करता है फोर्टी सेवन में लेट पेमेंट है फोर्टी एट के अंदर जीएसटी प्रैक्टिशनर की बातें करी जाती हैं तो काशी हैं रजिस्टर्ड इंट्रा स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स इन हरियाणा है ठीक है।, है जी सर hmm. सेवन नहीं समझा सेवन नहीं समझा मतलब सेवन में देखो ना क्या था क्या तीनों कंडीशंस पूरी हैं ये ढाई लाख ही है ना सिर्फ ढाई लाख से ऊपर चाहिए मेरी कंडीशन के मुताबिक ना बच्चा ये ना ये ये ढाई लाख से ज़्यादा चाहिए ढाई लाख प्लस चाहिए मुझे यहाँ पे ना ये ढाई लाख प्लस ढाई लाख से ज्यादा का इसलिए है ये ठीक है ठीक है बिपिन हाँ सर ठीक है तो काशी इज ए रजिस्टर्ड इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स इन हरियाणा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त एंड सेप्टेंबर शी वॉज आउट ऑफ स्टेशन ऑन अ रिलीजियस प्रोग्रमेज विद हर फैमिली फॉर फिफ्टी फाइव डेज घूमने घामने चले गए भाई पचपन दिनों के लिए क्या बात है पूरा इंडिया में जितने भी धार्मिक स्थल है उन सब पे जाएगा सर क्वेश्चन फिफ्टी टू में डेढ़ लाख है ढाई लाख से कम है फिर भी इनवाइस अरे मेरे भूला मेरे कबूतर मेरे लाल यही तो सर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू में फिफ्टी टू कहाँ भाई हाँ क्वेश्चन में डेढ़ लाख है कहाँ आंसर डेढ़ लाख देख लिया बे अबे तो इसकी देखना क्या तो रजिस्टर्ड था ना बी टू बी था ना ये तो बी टू बी को तो मुझे देखना ही नहीं है भाई भैया के कह रहा है अब ध्यान सुन ले बी टू बी में चाहे छोटा हो बड़ा हो इंटर हो कैसा भी सामने वाली पार्टी वो ना लेगी क्या बोलते हैं उसे ये देखना इसका तो मैंने सीन खत्म कर दिया ना तो अलग हो गया ना भाई बी टू बी वाला तो आगे कुछ पूछा ही नहीं है मैं बी बी टू है फिर तो ये हो गया सीधा सीधा इनवाइस वाइस जानी जानी है बी टू सी में है ये कैटेगराइजेशन ठीक है <coughs> बोलो थैंक यू ओके पचपन दिनों के लिए बाहर गए हैं दस

निल रिटर्न क्यों ना हो नो no ट्रांजेक्शन तब भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी हां उसमें एक ऑप्शन जरूर दे दिया गया है अगर आपको दिक्कत है कोई समस्याएं हैं तो निल रिटर्न को आप अपने मोबाइल एसएमएस के थ्रू भी आप फाइल कर सकते हो जिसका प्रोसीजर हमने आपको बता रखा है ओके ठीक है। वो ऑप्शन क्या मोबाइल से भी भर सकते हो वैसे कोई के भेज देना निल का अर्थ समझाया गया है ना आउटपुट साइड में कुछ ट्रांजेक्शन है ना इनवर्ड साइड में कोई है। ऐसे वाले स्टेटमेंट को हम लोग नील के नाम से जानते हैं ठीक है जी ये हो गया विलर आंसर इन ए चेंज इफ आ, आ, काशी फॉर सम परचेजेस ड्यूरिंग अगस्त ओवर हर मोबाइल फोन अच्छा अगस्त के महीने में उसने कुछ ऑर्डर प्लेस कर दिए थे विच है कि अगर की है, तो क्या रिटर्न फाइल पड़ेगी? ओ भाई साहब मेरी बात तो कह रहा हूं की भी फाइल करनी पड़ेगी ट्रांजेक्शन है फिर तो फाइल करनी करनी फिर तो डाउट ही नहीं बचता फिर तो कोई फाइल करनी ही पड़ेगी हर हाल में अज्यूमिंग इन ए अबव काशी हैव इंटरनेट फैसिलिटी इन हर मोबाइल फोन एंड इज नो फैसिलिटेशन सेंटर तो वो कैसे करेगा घूमरा पहाड़ों पर रिटर्न फाइल कैसे करेगा तो भैया मोबाइल से एसएमएस के जरिए आप अपने रिटर्न फाइल कर सकते हो तो ऐसे करके इसका आंसर यहां पर मालिक निकलकर आ जाता है 54 में क्या बोलते हैं पी क्यू आर लिमिटेड हैज फाइल्ड देयर जी एस टी आर थ्री बी रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 अच्छा जी विद इन द ड्यू डेट बीस नौ दो हजार बीस ठीक है रिटर्न टाइम से इन्होंने फाइल कर दी अपनी इट वॉज नोटिस्ड इन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी दैट टैक्स ड्यूज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी शानदार क्वेश्चन है मस्त है, देखते हैं आप आंसर ठीक से कर पाते हो कि नहीं ट्वेंटी <coughs> ट्वेंटी में शॉर्ट फॉल आया टेन थाउजेंड का है शॉर्ट फॉल ऑफ टेन थाउजेंड वॉज पेड थ्रू कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर अमाउंटिंग अच्छा कैश में इतना और क्रेडिट इतना पे कर दिया जाता है रेस्पेक्टिवली वाइल फाइलिंग जीएसटी नवंबर को <laughs> तो अगस्त महीने की रिटर्न थी अक्टूबर ये ब्याज के साथ इन्होंने पे कर दिया एग्जामिन एंड कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल ठीक है वट वुड बी योर आंसर इफ जीएसटी आर थ्री बी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त हैड बीन फाइल्ड बिलेटेडली ऑन इतना इतना अब मेरी बात सुनिए अब यहां पर आएगा आपका मालिक लीगल प्रोविजन इंटरेस्ट का लीगल प्रोविजन क्या है अच्छा क्वेश्चन है सर यहां पर यह है जी क्वेश्चन नंबर कितना था फिफ्टी फोर समझ में आ गया आपके मैं कर दोगे खुद से नहीं कर पाओगे क्यों भाव जी भैया जी ओ भैया जी कर दोगे हम, फोर है फिफ्टी फोर तो यहां पर आइए लीगल प्रोविजन एज पर सेक्शन नंबर फिफ्टी ऑफ सी जी एस टी एक्ट पहले सेक्शन लिख लेते हैं सामने इनकेस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ ट्यूज इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ स्पेसिफाइड परसेंटेज फॉर बिलेटेड पीरियड आफ्टर ड्यू डेट ड्यू डेट के बाद जो आता है उसमें पे की जाती है ऑन ग्रॉस वैल्यू ऑफ जीएसटी जो उसकी ग्रॉस वैल्यू है उस पर चार्ज की जाती है ये अपना मेन प्रोविजन नंबर दो हाउ एवर इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस इंटरेस्ट विल बी पेबल ऑन कौन सी वैल्यू के ऊपर मालिक इंटरेस्ट वुड बी पेबल ऑन नेट वैल्यू दैट इज अमाउंट पेड थ्रू कैश लेजर जो कैश लेजर के जरिए आपने अमाउंट का पेमेंट किया है उसके ऊपर आपको यहां करना होता है लिख दिया जी हाँ जी लिख दिया <coughs> वो स्पेसिफाइड सिचुएशन क्या बनती है स्पेसिफाइड सिचुएशन ये बनती है कि ट्रांजेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ है जो कि दिखाई जाती है इन द सेम मंथ रिटर्न कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है और उसी महीने के रिटर्न में दिखाई जाती है और वो भी बिलेटेडली एंड कोई कॉज नोटिस वगैरह नहीं आया मतलब डिपार्टमेंट ने आपको पकड़ा नहीं है नो कॉज नोटिस एटसेट्रा मतलब ये है ना कि जैसे मान लीजिए मैं लेट तो हो गया ऑफिस जाने के लिए लेट हो गया अब लेट होकर अपनी ही गाड़ी में गया या दूसरे की गाड़ी में गया अगर अपनी ही गाड़ी में जा रहा हूं तो इंटरेस्ट कुछ और लगेगा और दूसरे की गाड़ी में लटक के जा रहा हूं तो इंटरेस्ट कुछ और लगेगा यही बात यहां समझने वाली है <सक्थ> अगर कोई ट्रांजेक्शन मिसिंग है तो उस ट्रांजेक्शन को आप कहां रिफ्लेक्ट कर रहे हो उसी महीने के रिटर्न में कर रहे हो या डिफरेंट मंथ के रिटर्न में कर रही हो अगर उसी महीने के रिटर्न में कर रही हो फिर तो थोड़ी रियायत आपको मिल जाएगी अपनी गाड़ी में जा रही हो तो नेट वैल्यू के ऊपर ब्याज लगेगा दूसरे महीने के रिटर्न के साथ दिखा रहे हो दूसरी गाड़ी में जा रही हो तो ब्याज आपका ग्रॉस वैल्यू पर लगा दिया जाएगा तो पहले पॉइंट में वो बोलता था क्या भला फर्स्ट पॉइंट बोलता था एग्जामिन द एंट्रेस पेबल इफ़ एनी जो निकल के आएगा और फिर क्योंकि तो उसने अक्टूबर की रिटर्न के साथ इन्होंने किया है तो कैसे देखते हैं तो वैल्यू आएगी पहले वाले केस के अंदर ग्रॉस वैल्यू टेन थाउजेंड का अमाउंट बनता था इंटरेस्ट का रेट अपना अठारह परसेंट का वो यहाँ पे मालिक निकल के आ जाएगा अट्ठारह बाटे सौ आ जाएगा आप मुझे डेज काउंट करके बताएंगे कितने डेज आ रहे हैं हाँ ड्यू डेट इनकी बनती थी बीस नौ दो हजार इक्कीस नवा महीना नवा महीना कितने को होता है सेप्टेम्बर ना हाँ सेप्टेबर का महीना है तो दस दिन तो सेप्टेंबर से अक्टूबर के महीने में आ आगे आपके इकतीस दिन चढ़ गए भाई साहब और कब पे किया है नवंबर में अक्टूबर के रिटर्न के साथ 20 नवंबर को पे कर दिया तो 20 दिन आपके नवंबर में ये चढ़ जाते हैं तो कुल मिलाकर दिन हो गए आपके 61 डेज तो आप मुझे बताएंगे कैलकुलेट करके हाउ मच इज दिस ये कितना निकल के आता है मालिक बताइए प्लीज दस अठारह तो ये आ गया अठारह सो इन टू डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइव हाउ मच इज दिस राउंड ऑफ करके देखें तो तीन सौ एक अनंत पांडे एग्जाम में हम कर लेंगे यहां पे आप कर दो कर रहे हैं <laughs> कर रहे हैं <laughs> कर रहे हैं साहब कर रहे हैं सर ये आएगा यहां पर कैलकुलेट करके मेरे पास है रेडीमेड आंसर तीन सौ एक राउंड ऑफ करने के बाद में ठीक है अच्छा दूसरे वाले केस में वो क्या बोल रहा है दूसरे वाले केस में बोल रहा है कि वट वुड बी योर आंसर इफ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त अगस्त हैड बीन ऑन तो की अपने ही रिटर्न लेट जा रही है मतलब जो मिसिंग ट्रांजेक्शन थी जिसपे ब्याज बन रहा है वो आपके किसी दूसरी गाड़ी में बैठ के नहीं जा रहे हैं तो इस बार आपका जो ब्याज आएगा वो सिर्फ उतने पर जाएगा जितना आपने ई कैश लेजर से पे ऑफ किया था तो यह था आपका ई कैश लेजर से हाउ मच वॉज सर सात हजार पाँच सौ आपका ई e कैश से था तो सात हजार पाँच सौ इंटू अठारह बटे हंड्रेड इंटू सिक्सटी वन डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइव हाउ मच इज दिस बोली मेरे बच्चा मेरे कबूतर कितना अमाउंट ही अपना आ जाता है सर ये निकल के आता मेरे पास है टू ट्वेंटी सिक्स अपना आ जाएगा राउंड ऑफ करके हमने इसको पकड़ लिया राउंड ऑफ जरूर कर करके आइएगा वर नंबर काट लेते हैं वो ठीक है पचास पैसे उससे ऊपर है तो उसको एक रुपया अदरवाइज से इग्नोर कर दिया जाता है लीजिए मालिक ये भी अपना यहां पर हो गया है और अब आता है आपका पी बिल का चैप्टर नेक्स्ट वाला ठीक है ये समझ में आ गया अच्छे से पहले मुझे बताइए ऑल प्रैक्टिस करो कि प्रोविजंस को याद रखने की जरूरत ना पड़े आपके व्यवहार में आ जाए वो बड़ी बात है ये यस <coughs> सर <Yes, sir. coughs> बिल तो क्वेश्चन नंबर है आपका फिफ्टी फाइव मेरे भूरा और फिफ्टी फाइव के अंदर वो क्या कह रहे हैं जरा इनकी भी हम सुन लेते हैं हैप्पी हैप्पी कंपनी इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर हैप्पी कंपनी एक रजिस्टर्ड सप्लायर है साहब हमारे ये

एंड ऑर्डर अच्छा जी एक मिनट मैं थोड़ा तो रफली काम कर लूँ जोधपुर में अरे यहाँ करते हैं ना क्वेश्चन <coughs> की शॉर्ट समरी आप देखो जरा यहाँ पर जोधपुर में बंदे का कारोबार है और यहाँ पर तीन स्टोर हैं एक राम स्टोर श्याम स्टोर और मोहन स्टोर करके हैं रिसीव किया ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एक चालीस एक्सक्लूसिव ऑफ जी फ्रॉम किशन सन्स ऑफ भोपाल मध्य एम से ये राजस्थान में थे एम से एक ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर था एक लाख चालीस हजार प्लस जी एस टी परसेंट वैसे कितना आया जी एस टी एक चालीस का सर एक चालीस पे जी एस टी आएगा इन टू पॉइंट इंट पच्चीस हज़ार दो सौ पच्चीस दो सौ प्लस एक लाख चालीस हज़ार एक लाख पैंसठ हजार दो सौ यह क्या ठीक है एंड भोपाल हैप्पी लिमटेड फाउंडेशन ऑर्डर वर्थ रूपी फोर्टी थ्री थाउजेंड कैन बी फुलफिल्ड फ्रॉम द कंपनी राम स्टोर फोर्टी थ्री थाउजेंड का ऑर्डर इन्होंने यहाँ से दिया है एंड फुलफिल्ड फ्राम सो एंड सो फोर्टी फाइव कैन फ्रॉम श्याम स्टोर फोर्टी फाइव का इन्होंने यहाँ से दिया है फिफ्टी <coughs> टू का इन्होंने यहाँ पे दिया ये फिगर कैसी हैं इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव चार आठ पाँच ये प्लस जी एस टी प्लस जी एस टी प्लस जी एस टी तो ऐसे इन्होंने तीन जगह से ऑर्डर अपना दिया है बिलिंग बिलिंग कैसे की गई है सर इसकी जो बिलिंग करी गई है वो कहता है यहाँ पर आकर ऑल द थ्री स्टोर आर इंस्ट्रक्टेड टू इशू सेपरेट इन फॉर गुड्स सेंड टू किचन स्टोर्स द गुड्स आर ट्रांसपोर्ट सो एंड सो ठीक है सिंगल ओन ये एक कन्वेंस में जा रहे होंगे और इनवाइसिंग सबकी अलग अलग है इसका अलग है इसका वॉयस अलग है इसका इन अलग है पहले मुझे बताइए क्या यहां पर ईवे बिल बनेगा या नहीं बनेगा ई वे बिल आपको कैसे देखना है ये इन वाइज बनता है या गाड़ी वाइज बनता है या सप्लायर वाइज बनता है वाइज बनता है मुझे लिमिट क्या वाइज देखनी है मुझे ये लिमिट चेक करने के लिए मैं क्या देखूं लिमिट कौन इस पर बेस्ड फैसला लूं? इस पर बेस्ड फैसला लूं? इनवाइस वाइज देखूं? सप्लायर वाइज देखूं? क्या वाइज देखूं भाई सर देख ऑब्वियसली बात है यार जो आपका सोच लो ना दिमाग से थोड़ा सा ईवी बिल बनता है उसमें इन्वाइस की डिटेल मांगता है कि नहीं मांगता तो क्या इसके लिए हम इकट्ठा बना देंगे नहीं ये तीन इनवाइस का टोटल है भाई तो यहां पर लीगल प्रोविजन जब आएगा <coughs> तो एज पर सी रूल्स के मुताबिक टू के मुताबिक नंबर एक जो ई वे बिल बनाया जाता है वो आपका इनवॉइस वाइज तैयार किया जाता है तो यहां पर आपके जो ई वे बिल बनेंगे वो थ्री ई वे बिल बनाए जाएंगे का भी देख लेते हैं अमाउंट क्या पड़ता है जब दूसरी बात ये कि जब हम देखते हैं पचास हजार रुपए की लिमिट देखते हैं तो इनक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट देखा जाता है तो फोर्टी थ्री थाउजेंड का मैं देख लू जीएसटी कितना बनता है जीएसटी के साथ तो पचास हजार सात सौ चालीस इसका बनेगा तो ऑब्वियसली बात है इनका भी बनाया जाएगा क्योंकि पचास हजार से ऊपर निकल के आएंगे तो वी आर रिक्वायर्ड तो टू प्रिपेयर थ्री ई वे बिल इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन राइट ओके okay. <coughs> आगे चलिए साहब आगे क्या बोलते हैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इट मैंडेटेड टू फर्निश कन्वेंस इन पार्ट बी ऑफ इवे बिल कमेंट ऑन तो आपको पूरा का पूरा ईवे बिल कितने शानदार तरीके से करा रखा है मालिक एक घंटे का पूरा प्रैक्टिकल है आपका पार्ट ए पार्ट बी पार्ट ए में आती है आपकी नॉर्मल गुड्स की डिटेल सप्लायर से पेंट कर पार्ट बी के अंदर आती है आपकी ट्रांसपोर्टर की डिटेल तो पूछ रहा कि क्या ऑलवेज़ पार्ट बी आपको फिल करना पड़ता है कि नहीं तो बोलेंगे कि नॉर्मली पार्ट ए हमें फिल करना पड़ता है यस लेकिन एक स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर हमें ये फिल नहीं करना पड़ता कब जब आपका मल्टी व्हीकल का पॉइंट आ रहा हो आपका जो दूरी है वो इंट्रा में चल रही हो और वहां पर आपका जो डिस्टेंस है वो पचास किलोमीटर तक हो अगर ये चीज आ रही है तो उस पर्टिकुलर लेग के लिए आपको पार्ट भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है ये मैं आपको बता चुका हूं हां बोलो हां हां सर जी एकदम ठीक है वही यहां पर मेरे बच्चा लिखा हुआ है अब इस नए सारे क्वेश्चंस करने के बाद में अभी कुछ एमसीक्यू टाइप हैं क्या इनको भी मैं ही कराऊं या कुछ आप भी करेंगे मालिक मुझे इतना तो बता दीजिए सारा काम मुझसे ही करवाओगे तो फिर तुम क्या करोगे रे ये तो बता दो आप हमें दो तुम करोगे तुमको दूं दो करने के लिए हैं कुछ तो मतलब ऐसा नहीं यार स्पून फीडिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए दो आप करके देख लो ठीक है ये आंसर जरा करना यहां पे आना जरा ये फोर्टी फाइव नहीं ये दो लाख पांच हजार है मैंने तो कर रखे आंसर ठीक कर लेना प्लीज एक बार ठीक <coughs> है कर लेंगे तो यहां पर आ, फिर भी कोई दिक्कत आए तो मैं हूं ना यहां पे कोई दिक्कत नहीं वैसे अदरवाइज तो ऐसे करके मेरे बच्चा मैंने यहां पर आपके लिए ये तैयार करके दिया है छटे हुए क्वेश्चंस दिए आए हुए एम के आर के बाकी मेरे जो एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन खड़े उतरे उनको मैंने शामिल किया भरसक प्रयास किया आपको सिखाने का कि लिखते कैसे हैं न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल केस स्टडी भरसक प्रयास किया आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाने का और आई होप कि यहां पर अब आप लिखना सीख चुके हैं तो मैं एक और अनाउंसमेंट आपके लेकर आ रहा हूं अनाउंसमेंट क्या है आज ही दूंगा कोशिश ही करूंगा और मैं एक घंटे के बाद एक छोटा सा वीडियो डालूंगा उसे आप देखिएगा उसमें शानदार वाली अनाउंसमेंट है बहुत ही बेहतरीन आपको मजा सा आ जाएगा ठीक है तो ठीक है साहब ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे मैं आपको बताऊं मेरी वेबसाइट यहां ये यह जरा ये रही डब्ल्यू 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 डॉट सी ए राजकुमार डॉट कॉम यहां पर आए <laughs> ये मेरी वेबसाइट खुल जाती है यहाँ पर आकर ओके यस सर तो यहाँ आप देखेंगे तो एक ये मिलेगा आपको फ्री रिसोर्सेज इस फ्री रिसोर्सेज में आप यहाँ पर आ जाएं इसके ऊपर क्लिक करें क्लिक करके आपके ये रहे एग्जामेशन स्कोरिंग सिक्सटी क्वेश्चन ऊपर एंटर के लिए हैं नीचे आपके ये फाइनल वाले दे रखे हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल इधर आकर डाउनलोड हो जाएगी ऐसे करके मालिक ठीक है और ये जो मैंने नोटिंग करी है ना आपको जो जो कागज़ पे लिखा है आप कह रहे थे कि आपको ये भी चाहिए तो ठीक है मालिक मैं ये भी आपको यहां पर दे दूंगा ठीक है जी अब मुझे एक छोटी सी बात और बताएं तो मैं आपसे अभी क्या क्या हो रहा है तो एक तो आपके रिवीजन जो वीडियोस हैं वो मैंने कंप्लीट करने हैं तो उसका सलूशन तो शायद मैं आज ही आपको बता दूंगा कि हाँ इस दिन आपका कंप्लीट हो जाएगा एक दिन में ठीक है दूसरा आपने कहा था कि हमें सेक्शंस का थोड़ा सा और अच्छे से बताना रिवीजन करके एक ये बताऊंगा और एक और मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको जैसे ये है ना अपना लाइक आई सी ए आई डॉट जी ओ वी मैं और क्या चाह रहा हूं अगर आप कहेंगे तो मैं वो कराऊंगा वरना जरूरत नहीं है अगर आपको जरूरत महसूस लगती है आई ओ आर जी आई सी ए आई डॉट ओ आर जी स्टूडेंट नॉलेज पोर्टल चलो भाई साहब या क्या चार्ट अकाउंटेंसी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स इंटरमीडिएट अकाउंटिंग ये वो टैक्सेशन नवंबर बाईस ये पेपर दे रखे हैं अपने ना तो मैं ये सोच रहा था कि कोई सा भी एक पेपर पकड़ के उस पेपर को पेपर की तरह ही बैठ के और पेपर की तरह ही सॉल्व किया जाए तो कैसा रहेगा मैं सॉल्व कराऊँ यहाँ पर पेपर को पेपर की तरह ही उससे मुझे एक तो ये पता लग जाएगा कि मेरा कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है तो जैसे ये अपना पेपर है ना यहाँ पे आके हालांकि नवंबर 22 का पेपर बड़ा अटपटांग सा पेपर आया था मतलब हिस्ट्री का टफ पेपर था इंटरमीडिएट के लिए हम्म तो आप जौन सा कहेंगे वो वाला पेपर हम सॉल्व करवा देंगे ये एक्सेप्शनल पेपर था नवंबर बाईस का तो पांचवे नंबर से सेक्शन बी शुरू होता है पहला क्वेश्चन आठ नंबर का आएगा ऐसा आएगा हर बार ऐसे ही आते क्वेश्चन बस क्वेश्चन रिप्लेस होंगे उनके साइज और नंबर वो सेम रहते हैं तो मैं सोच रहा था कि मैं यहीं से कराऊं तो एक फीलिंग सी ले लें <laughs> क्या कह रहे हो साहब ले लें एक फीलिंग सी ले लें फीलिंग सी आएगी तो अच्छा सा लगेगा मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बताओ मतलब सारे बच्चों को अगर ये व्यू आ रहा है तो मैं करा दूंगा मतलब और कुछ नहीं फीलिंग लेनी है फीलिंग फीलिंग कि यस हम एग्जाम में हैं और सबसे बड़ी फीलिंग यहाँ से आती पहले यहां से, part, यह है पहले यहाँ से जनरल इंस्ट्रक्शंस पार्ट क्वेश्चन ये वो फलाना ढिमका हे भगवान ऐसे वैसे टाइम भी वही रखेंगे अपना जो एग्जाम टाइम है ठीक है चलो वंदना ये तो ईवेबिल का चैप्टर तो मेरा youtube चैनल पर भी मिल जाएगा आप नाम डालोगे तो चलेगा ठीक है तो ठीक है ये मैं कब कराऊंगा इसकी डेट में आपके लिए अनाउंस कर दूंगा ठीक है और चलिए मालिक तो राधा रानी कृपा आपके ऊपर यू ही बनी रहे मैंने हर संभव प्रयास किया आपके लिए क्वेश्चन आंसर कराने के लिए दूसरा पार्ट था हमारा एंड uh, तो चलो आपसे विदा लेते हैं अब हम अपना डिनर करते हैं जय जय श्री राधे चार घंटे हो गए भाई साहब पाँच बजे से नौ बज गए थैंक यू है अब हम जा रहे हैं बाय बाय टाटा है कल फिर मिलते हैं आपसे किसी ना किसी बहाने मिलते रहेंगे घबराइयो नहीं ठीक है जी फर्स्ट टाइम एग्जाम होगा सर जरूरी है वही तो अरे फर्स्ट टाइम जो चीजें होती हैं उनका रिहर्सल जरूरी होता है वेरी गुड मेरे बच्चे तू बहुत आगे तक जाएगा बाय